हेलो बच्चों हेलो 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 ऑल ऑफ यू विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी अगर प्रॉपर है विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी प्रॉपर है क्या हेलो हेलो बेटा विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी अगर प्रॉपर है तो ओके okay बोलो विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी अगर प्रॉपर है तो क्या okay बोल देना यस सर ओके 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 तो बस स्टार्ट करते हैं आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज सुपर तरीके से ये मान के चलो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का ये मतलब एकदम हंड्रेड परसेंट पूरा चैप्टर आज आपके ब्रेन में सेट होगा हंड्रेड परसेंट और कोशिश करूंगा कि यूट्यूब का सबसे बेहतरीन लेक्चर हो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का कि एक एक कंसेप्ट एक, -एक चीजें आपके हर चीज बहुत बेहतरीन तरीके से आपके ब्रेन में सेट हो पक्की बात है ठीक है कोशिश करते हैं ऐसा और सबका सपोर्ट रहा तो ऐसा होगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं बेटा तो ह्यूमन हेल्थ सबसे पहले बात करते हैं वेटेज अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का मिनिमम थ्री क्वेश्चन का वेटेज हाँ मैक्सिमम फोर टू फाइव भी आस आए हुए हैं ठीक है तो थ्री टू फोर लेके चलो ठीक है थ्री क्वेश्चन से फोर क्वेश्चन का वेटेज है जिसमें कैंसर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है क्योंकि कैंसर आज की डेट में बहुत ही कह सकते हो कि लीथल या डेंजरस ठीक है प्रॉब्लम है हर चार में से एक को कैंसर है अकॉर्डिंग टू जो डब्ल्यू एच ओ डेटा है उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब कैंसर बहुत हॉट टॉपिक है इसके अलावा ड्रग वाला टॉपिक अगेन हॉट है और इम्यूनोलॉजी मतलब इम्यूनिटी अगेन हॉट टॉपिक है क्योंकि तो कोरोना की वजह से अगेन अब जो टारगेट होगा क्वेश्चन बनने का वो इम्यूनिटी होगा क्योंकि तो हर किसी के टंग पर एक टर्म है इम्यूनिटी भाई तुम्हारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या नहीं तो समझ लो कि इम्यूनिटी से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है तो दो तीन हॉट टॉपिक हैं जिनको बहुत कंसेप्चुअल आपके ब्रेन में सेट करने वाले हैं एनसीईआरटी तो पूरी ब्रेन में सेट करेंगे ही पर जितने भी कंसेप्ट हैं वो छोड़ने वाले नहीं हैं ठीक है बस थोड़ा सा ठीक है कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे ध्यान रखना ठीक है कंसेप्ट को लेके चलना है बस कंसेप्ट की वजह से प्रॉब्लम आती है क्योंकि डायरेक्टली एनसीईआरटी अगर मैंने पढ़ा दी तो वो कंसेप्ट नहीं बन पाएंगे आपके जो बनने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत कंसेप्चुअल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर इम्यूनिटी थोड़ा हम पहले इम्यूनिटी को कवर करेंगे ठीक है फिर जाकर के हम कैंसर जो हॉट टॉपिक है उनको कवर करेंगे और कैंसर के बाद फिर हम पूरा डिसऑर्डर वाला जितना भी है पार्ट ले लेंगे और लास्ट में ड्रग बहुत कंसेप्चुअल बहुत बेहतरीन तरीके से और आप खुद कहोगे कि सर मजा आ गया ठीक है और जहां जहां आपको वास्तव में कंसेप्ट मजा आता जाए आप रिस्पॉन्स जरूर देना लाइफ का तभी मजा आए ठीक है थीके? चलो मैंने लाइव का मजा बोला है लाइफ का मजा नहीं ठीक है लाइफ का भी मजा है पर लाइफ का भी तभी मजा है तो सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनिटी ये एक ऐसा टर्म था जो कोरोना से पहले एक आम इंसान नहीं जानता था इसके बारे में पर कोरोना ने हर किसी को सिखा दिया है कि इम्यूनिटी हर एड में इम्यूनिटी टर्म जोड़ करके आ रहा है ठीक है हर किसी के टंग पर इम्यूनिटी टर्म है यहाँ की ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी जान गए हैं इम्यूनिटी के बारे में मतलब प्रतिरोधक क्षमता ठीक है यानी रोगों से लड़ने की क्षमता यानी बॉडी की वो एबिलिटी जो डिसीज कॉजिंग पैथोजन से फाइट करने के लिए होती है उस एबिलिटी को बोलते हैं इम्यूनिटी अभी तो कहते हैं किसकी इम्यूनिटी हाई है किसकी इम्यूनिटी लो है जिसकी इम्यूनिटी हाई होती है मींस बॉडी की वो एबिलिटी जो पैथोजेंस या डिसीज कॉजिंग पैथोजन से फाइट करने में कैपेबल है ठीक है कहते हैं भाई इसकी इम्यूनिटी तो हाई है ठीक है तो सारा खेल इम्यूनिटी का है तभी तो डिफरेंट टाइप के इम्यून बूस्टर मार्केट में आ गए हैं तभी तो बोला जाता है प्रॉपर हेल्थ योगा बहुत जरूरी है तभी तो बोला जाता है कि डिब्बा बंद यानी डिब्बों में बंद जितना भी फूड आता है उसको एवॉइड करो ठीक है वो इम्यूनिटी सप्रेसर होते हैं ठीक है और इम्यूनिटी स्टिमुलेटर यानी नेचुरल हेल्दी फूड इनटेक करो ठीक है जो इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं तभी तो कहा जाता है आज की डेट में कि डिप्रेशन टेंशन कम से कम लो जितना डिप्रेशन टेंशन लोगे उतना ही बॉडी में कॉटीसोल का लेवल बढ़ेगा क्योंकि तो वो एंटी स्ट्रेस हॉर्मोन है और कॉर्टिसोल इम्यूनिटी को सप्रेस करता है मींस आपकी इम्यूनिटी घटेगी मींस कोरोना होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी इसीलिए कहते हैं मस्त रहो बिंदास रहो सीरियस रहो ठीक है पर टेंशन मत लो सीरियस होने का मतलब है एग्जाम के लिए सीरियस रहो पर टेंशन मत लो तो इम्यूनिटी समझ में आया होगा कि इम्यूनिटी है क्या ठीक है भाई डिफरेंट टाइप के पैथोजन से फाइट करने की बॉडी की एबिलिटी इसको टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वही मैं एक फ्लो डायग्राम के थ्रू एकदम ब्रेन में सेट करने वाला हूं ठीक है तो बस जहां जहां आपको मजा आता जाए ठीक है रिस्पॉन्स देते जाना मैं देखता जाऊंगा पैरलिड साइड साइड में तो बात करते हैं इम्यूनिटी तो इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं डायग्रामेटिकली आपको एकदम ब्रेन में सेट करेंगे कि इम्यूनिटी है क्या ठीक है अगर मैं इम्यूनिटी की बात करता हूं तो उसको टू पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो ठीक है इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वाइड इम्यूनिटी इन्नेट जो बाई बर्थ आपको मिलती है एक्वाइड जो बर्थ के बाद आप एटमोस्फियर से एक्वायर करते हो ठीक है उसको टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इन्नेट एंड एक्वाइड अगर मैं इन्नीट की बात करता हूं तो बताया मैंने इन्नेट क्या जो आप बर्थ से एक्वायर कर रहे हो ठीक है जो बाई बर्थ आपको मिल रही है जो बर्थ से मिल रही है वो इननेट है और आफ्टर बर्थ जो आप एक्वायर कर रहे हो वो एक्वायर्ड है ठीक है अगर मैं इननेट इम्यूनिटी की बात करता हूं जो बर्थ से आपको मिली है समझना मेरी बात ठीक है इसको हमने लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड किया है हमने सारी दोनों इम्यूनिटी को लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड किया है ठीक है जो पर इननेट जो इम्यूनिटी होती है ध्यान रखना वो नॉन स्पेसिफिक होती है जबकि एक्वायर्ड जो होती है वो स्पेसिफिक होती है स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है बेटा जैसे मानो कि सब समझो मेरी स्पेसिफिक का मतलब क्या है अगर कोरोना की वैक्सीन लगाते हो तो आप सिर्फ कोरोना के अगेंस्ट ही अपनी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करोगे और पैथोजन या और दूसरा वायरस या कोरोना का स्ट्रेन भी चेंज हो जाए तो वो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो ऐसी इम्यूनिटी जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक है पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर स्ट्रेन के लिए तो उसको स्पेसिफिक बोलते हैं ठीक है ठीके? पर इन्नेट जो जन्म से मिली हुई है वो स्पेसिफिक नहीं है वो सबके लिए कॉमनली वर्क करती है बैक्टीरिया हो वायरस हो कोई भी हो सबके लिए ठीक है फंगस हो सबके लिए कॉमनली वर्क करती है वो कैसी है इन्नेट नॉन स्पेसिफिक तो अगर मैं इन्नेट की बात करता हूं ठीक है नॉन स्पेसिफिक होती है और अगर मैं एक्वाइड की बात करता हूं यह स्पेसिफिक होती है अगर मैं इनिनेट की बात करता हूं तो उसको हमने लाइन ऑफ डिफेंस में डिवाइड किया है ठीक है अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि इननेट में कितने लाइन ऑफ डिफेंस हो सकते हैं के केस में टोटल टू लाइन ऑफ डिफेंस हो डिफेंस हो सकते हैं जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ठीक है और जबकि एक्वाइड की बात करते हैं ठीक है, है इसमें आता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस अब समझना अगर मैं फर्स्ट जैसे बिल्कुल सेम वही तरीका है जैसे आपने मूवी देखी हो बाहुबली तो बाहुबली में जो सेकंड पार्ट था उन्होंने प्रॉपर लाइन ऑफ डिफेंस क्योंकि भाई यहां पैथोजन फॉरेन पार्टिकल है भाई डिसीज़ इज कॉसिंग है उसके अगेंस्ट हमने लाइन ऑफ डिफेंस बनाई ठीक है तो पहले पैथोजन का इंटरेक्शन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से होगा फिर पैथोजन का इंटरेक्शन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से होगा और फिर भी अगर पैथोजन एंटर कर जाता है ठीक है तो उसका इंटरेक्शन जो इंटरेक्शन होगा वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस से होगा जो स्पेसिफिक है ठीक है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ध्यान रखना है आपको एक्सटर्नल होता है एक्सटर्नल जैसे किसी फोर्ट किले को एक्सटर्नली आप कवर करते हो वो एक्सटर्नल है ठीक है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये भी नॉन स्पेसिफिक है पर इंटरनल होता है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं अगेन इंटरनल होता है अब बात आती है भाई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो एक्सटर्नल है भाई एक्सटर्नल क्या है भाई पैथोजन एंटर करेगा तो पहले उसका इंटरेक्शन हमारी स्किन से होगा ठीक है फिर उसके अलावा किससे होगा भाई अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स से एंटर करेगा तो म्यूकस की मैंब्रेन होती है वहां पर उससे इंटरेक्शन होगा अगर गट से एंटर करेगा एलिमेंट्री कैनाल से तो वहां अगेन म्यूकस की मैंब्रेन होती है तो पहले फिजिकल जो इंटरेक्शन होना है पैथोजन का वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी एक्सटर्नल बॉडी सर्फेस पर स्किन और इंटरनल अगर एंटर करेगा तो म्यूकस मैम्ब्रेन तो ये आते हैं फिजिकल इंटरेक्शन मीन्स फिजिकल बैरियर तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हम जो बैरियर इंक्लूड करने वाले हैं नंबर वन फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर समझाता हूं उसके बारे में भी अगर हम फिजिकल बैरियर की बात करते हैं फिजिकल बैरियर की बात करते हैं तो फिजिकल बैरियर में क्या आएगा फिजिकल बैरियर में जो एग्जाम्पल इंक्लूड होंगे दो एग्जाम्पल इंक्लूड होंगे एक तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर हम फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं तो फिजियोलॉजिकल का मतलब हो गया इंटरेक्शन जब वो इंटरैक्ट करेगा फिजिकल बैरियर से तो कुछ सिक्रेशन होंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब है बॉडी सिक्रेशन जैसे टीयर्स भाई डायरेक्टली एयर कॉन्टेक्ट में आ रही है किसके रेटिना के ठीक है रेटिना बोल गया सॉरी कॉर्निया के तो कॉर्निया के इंटरेक्शन जब एयर करेगी तो एयर में पैथोजन होते हैं पर इंफेक्शन नहीं होगा क्योंकि tears, में होता है। अगर, करेगा, SCL, अगर इसके अलावा इंटरेक्शन तो तो के अंदर आ गया ठीक है तो स्वेट हुआ टीयर्स हुआ ठीक है ये सब क्या है फिजियोलॉजिकल इंटरेक्शन में इंक्लूडेड होते हैं तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आ जाएगा भाई एस आ गया फिजियोलॉजिकल बैरियर में और क्या जाएगा ठीक है एससीएल के अलावा एस के अलावा यहां पर टीयर्स आ गए ठीक है इसके अलावा यहां पर और क्या इंटरेक्शन हो रहा है भाई जहां पर भी है ठीक है सलाइवा सलाइवा बहुत बेहतरीन एंटी है ठीक है सलाइवा तो, तो ये किसमें आ गए बेटा सलाइवा टीयर्स एस क्योंकि इन सबके पास क्या होता है इन सबके पास होता है लाइसोजाइम लाइसो लाइसोजाइम आप जानते एंटी बैक्टीरियल होता है जो सलाइवा में भी होता है ठीक है थीके? और एससीएल इंटरेक्ट करता है, उसमें की नहीं है तो एक तरीके से गए फिजियोलॉजिकल बैरियर तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करता हूं जो एक्सटर्नल है इसमें फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर इंक्लूडेड होते हैं स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन एससीएल सलाइवा एंड ठीक है च कंटेन ठीक है ऑल कंटेन क्या लाइसोजाइम तो एक बात तो क्लियर होगी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या हम बात करते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अगर हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं ठीक है समझना मेरी बात सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगर हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल था एक्सटर्नल था बताया था मैंने इंटरनल सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल होता है ठीक है नॉन स्पेसिफिक होता है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इंक्लूड क्या क्या होगा नंबर वन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहले आते हैं सेल्यूलर बैरियर भाई पैथोजन एंटर कर रहा है उसको बैरियर मिलेंगे ठीक है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में उसको फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर मिले ठीक है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन फिजिकल बैरियर में आ गया और इनके बॉडी के सीक्रेशन लाइक सलाइवा ठीक है एस सी एल फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ गए ठीक है अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगर फिर भी पैथोजन एंटर कर गया अंदर तो उसका इंटरनल इंटरेक्शन किससे होगा ठीक है सबसे पहले होने वाला है इंटरनल में सेलुलर बैरियर सेलुलर बैरियर अगर हम सेलुलर बैरियर की बात करते हैं तो सेलुलर बैरियर में क्या क्या आएगा भाई सेलुलर बैरियर में सेल्स आएंगे अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो यहां किस टाइप के सेल्स आएंगे ठीक है नॉन फैकोसिटिक सेल्स और फैकोसिटिक सेल्स ठीक है मैक्रोफेज ठीक है अगर हम नन फैगोसिटिक सेल्स की बात करते हैं तो पता होना चाहिए इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है नेचुरल किलर सेल एन के सेल ठीक है एनके सेल नेचुरल किलर सेल नेचुरल किलर सेल ये नन फैगोसिटिक सेल्स होते हैं ठीक है स्पेसिफिकली कैंसर और कह सकते हो ठीक है वायरस इंफेक्टेड सेल के अंगेस्ट बेहतरीन बेहतर तरीके से काम करते हैं पर किसी भी टाइप का कैंसर हो किसी भी टाइप का वायरस का इंफेक्शन हो सबके लिए कॉमनली वर्क करते हैं इसलिए नॉन स्पेसिफिक में आते हैं नेचुरल किलर सेल ध्यान रखना और फैगोसिटिक सेल्स की अगर बात करते हैं तो फैगोसिटिक सेल्स के बारे में तो पता ही है आपको भाई दो टाइप के हो सकते हैं ब्लड में भी फेगोसेटिक सेल्स हो सकते हैं और टिश्यू में भी हो सकते हैं जो ब्लड में फैकोसेटिक सेल्स होते हैं आप जानते हो ब्लड में हम टर्म यूज करते हैं स्पेशली लिंफोसाइट हमने ब्लड में बताया भी था आपको ठीक है सॉरी मोनोसाइट्स और न्यूट्रो न्यूट्रोफेज न्यूट्रोफ़िल्स को एक नाम और बताया था हमने पी एम एन सी एम एनसी में भी देखा क्वेश्चन आता भी है पीएमएनसी का मतलब होता है पॉलीमोर्फोन्यूक्लिएटेड सेल ऐसे सेल जिनके न्यूक्लियस में पॉलीमोर्फिक कंडीशन देखने को मिलती है मीनस भाई टेट्रा न्यूक्लिएटेड भी हो सकते ते, भाई ते, भाई टेट, चार लोब भी हो सकते हैं ठीक है फाइव फाइव भी हो सकते हैं सिक्स भी हो सकते हैं और सेवन भी हो सकते हैं टेट्रा न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है पेंटा भी हो सकता है हेक्सा भी हो सकता है और हैप्टा भी हो सकता है इसलिए बोल सकते हो पॉलीमोर्फो ठीक है न्यूक्लिएटेड सेल न्यूट्रोफ़िल्स को अब टिश्यू के अंदर क्या होते हैं टिश्यू में आप जानते हो मैक्रोफेज होते हैं डिफरेंट टाइप के मैक्रोफेज में आप जानते से example, अगर हम के बात करते कौन से मैक्रोफेज होते हैं लीवर के अंदर हम बात करते हैं कफर सेल ठीक है अगर हम नॉर्मल टिश्यू में बात करते हैं तो हिस्टोसाइट ध्यान बॉडी की हर जगह मैक्रोफेज है उसके सफाई कर्मी ठीक है स्केवेंचर ऑफ ठीक है बॉडी तो एक तरीके से क्लीनिंग का, का काम करते हैं ठीक है बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कफर सेल एटसेट्रा तो एक बात तो क्लियर हुई बेटा कि अगर हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करते हैं इंटरनल है एक्सटर्नल भाई इंटरनल है पर नॉन स्पेसिफिक है पहले बोल दिया था मैंने नंबर वन बैरियर कौन से आ रहे हैं इसमें सेलुलर बैरियर आ रहे हैं वही नन फैगोसेटिक सेल्स भी हो सकते हैं इसमें फैगोसिटिक सेल्स भी हो सकते हैं आपके सामने हैं ब्लड में फैगोसेटिक सेल्स मोनोसाइड होते हैं न्यूट्रोफिल्स होते हैं और टिश्यू के अंदर मैक्रोफेज स्पेशली टिश्यू स्पेसिफिक मैक्रोफेज लाइक like कफर सेल ऑस्टियोक्लास्ट कॉन्ड्रोक्लास्ट मीजोग्लियल सेल ठीक है माइक्रोगियल सेल ढेरों सारे टाइप के सेल्स ठीक है जो हर टिश्यू में स्पेसिफिकली नाम अलग अलग है पर सब एक ही है मैक्रोफेज ठीक है चलो एक बात क्लियर होगी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में सेलुलर बैरियर समझ में आ गया सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में और क्या इंक्लूडेड है और ये पता होना चाहिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इंफ्लामेटरी बैरियर भी आते हैं इन्फ्लामेशन इंफ्लामेटरी बैरियर कई बच्चों को पता नहीं होता कि वाकई में इंफ्लामेशन भी प्रोटेक्शन के लिए होता है यस yes, इंफ्लामेशन भी प्रोटेक्शन के लिए होता है अलग से मैं समझा दूंगा उसको ठीक है इसके अलावा और क्या इसमें इंक्लूड होगा फीवर भाई आपको फीवर आता है फीवर भी एक तरीके से सेकेंड से लाइन ऑफ डिफेंस में इंक्लूडेड है जो सबके लिए कॉमन होगा किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होगा फीवर आना ही आना है जो एक प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है कैसे आता है ये भी समझाएंगे आपको इसके अलावा जो नंबर फोर्थ बताने वाला हूं ठीक है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है साइटोकाइन बैरियर साइटोकाइन बैरियर ठीक है तो यहां मैं थोड़ा सा इन्फ्लामेट्री के बारे में बेसिक बता देता हूं फीवर के बारे में बताता हूं साइटोकाइन के बारे में तो समझना ही पड़ेगा उस पर तो क्वेश्चन आता ही है ठीक है तो इन्फ्लामेशन की अगर हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन की अगर हम बात करते हैं थोड़ा पता होना चाहिए किस तरीके से इन्फ्लामेशन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है क्यों नॉन स्पेसिफिक है जैसे मान लो ठीक है कहीं पर स्किन में कोई ठीक है रप्चर हो जाए कोई इंजरी हो जाए तो इंजरी होने पर क्या होता है जहां पर भी इंजर्ड टिश्यू होते हैं वहां से पैथोजन की एंट्री होना स्टार्ट हो जाती है तभी तो इंफ्लामेटरी बैरियर काम स्टार्ट करते हैं ठीक है मानो बैक्टीरिया बैक्टीरिया की एंट्री स्टार्ट हो गई अब इस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है जो भी इंफेक्टिव एजेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहां मैकेनिज्म होती है क्या जैसे मानो इंजर्ड टिश्यू है ये इंजर्ड टिश्यू अब इंजर टिश्यू यहां क्या रिलीज करते हैं अगर मैं इंजर टिश्यू की बात करता हूं तो यहां पर इंजर्ड टिश्यू रिलीज करते हैं बेटा प्रोस्टाग्लैंडिन, लोकल हॉर्मोन होते हैं इंजर टिश्यू से रिलीज होते हैं रिलीज प्रोस्टाग्लैंडिन और आप पता होगा प्रोस्टाग्लैंडिन दो काम करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन स्टूमलेट करते हैं तो तो पेन रिसेप्टर को ध्यान रखना तभी तो, जहां पर भी इंजरी होती है वहां पेन होता है और पेन 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 एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए होता है जहां पेन होगा पेन होने का मतलब है इंडिकेटर है यहां पर डब्ल्यूबीसी के मूवमेंट में हेल्प लेगी ठीक है बॉडी को आइडेंटिफाई होगा कि हाँ यहां पर रिपेयर करना है तो पेन का होना भी बहुत जरूरी है तो प्रोस्टाग्लैंडिन स्ट्यूमुलेट करते हैं बेटा पेन रिसेप्टर को और साथ में स्टूमुलेट करते हैं मास्ट सेल को मास्ट सेल्स को भी स्टूमुलेट करते हैं अगर हम मास्ट सेल भी पेन तो अपना काम करेंगे तो मास्ट सेल क्या काम करेंगे तो मास्ट सेल आप जानते हो क्या रिलीज करते हैं मास्ट सेल रिलीज करते हैं रिलीज हिस्टामाइन हिस्टामाइन ही किसके लिए स्पॉन्सर होता है इनफ्लामेशन के लिए तो अब हिस्टामाइन क्या काम करेगा भाई जितने भी ब्लड वेसल्स थे ठीक है वही नॉर्मल ब्लड वेसल्स थे इन ब्लड वेसल्स को डायलेशन भाई डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल स्टार्ट कर देगा ब्लड वेसल्स का स्टार्ट किसकी वजह से हिस्टामाइन की वजह से जब ब्लड वेसल्स का डायलेशन होगा की वजह से उस एरिया में जहां पर इंजरी हुई है तो क्या होगा इस वेसल्स की भाई तो बढ़ जाएगी ब्लड में जितना भी फ्लूड था वो धीरे धीरे फ्लूड बाहर के मीडियम में एक्यूमलेट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्लूड का एक्यूमुलेशन जिसकी वजह से स्वाइलिंग आ जाती है जहां पर भी इनफ्लामेशन होता है ठीक है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड फ्लूड के एक्यूमुलेशन हो जाने की वजह से यहां पर स्वालिंग स्टार्ट हो जाएगी पर ये कौन इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है आप बोलोगे हिस्टामाइन वैसो डायलेशन वैसो डायलेशन

मीवर्डल मूवमेंट अमीवर्डल मूवमेंट ऑफ डब्ल्यू बी सी ठीक है तब जाकर के डब्ल्यू क्या काम करते हैं यहां पर फेगोसाइटोसिस डब्ल्यूबीसी क्या स्टार्ट कर देते हैं फेगोसाइटोसिस यही इंफ्लामेशन होता है ठीक है तो इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा जब भी कहीं भी इंजरी होगी इंजर टिश्यू प्रोस्टाग्लेंडन रिलीज करेंगे जो पेन रिसेप्टर को स्टूमुलेट करेंगे उस रीजन में मास सेल को स्टूमुलेट करेंगे जो हिस्टामाइन रिलीज करेगा जो वैसो होता है वैसो होगा जब वैसो होगा ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगे तो वहां पर फ्लूड का अक्यूमुलशन होगा सोयलिंग आएगी और डब्ल्यूबीसी को मूवमेंट मिलेगा क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं टॉक्सिन एक कीमोटेक्सिक का भी काम करेंगे टॉक्सिन की वजह से डब्ल्यू बीसी को उस एर, एरिया में मूव करते हुए इनको फेगोसाइड करेंगे इस मैकेनिज्म को बोलते हैं मूवमेंट डायबेटिसब्लूबीसी तो एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा कि इन्फ्लामेशन एक तरीके से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्यों इंक्लूडेड है स्पेसिफिक नहीं है नॉन स्पेसिफिक है पर एक्सटर्नल नहीं है इंटरनल है सो इट इज इंक्लूडेड इन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अब इसके बाद हम फीवर की बात कर लेते हैं भाई फीवर को क्यों इंक्लूड किया हमने ठीक है अगर हम फीवर की बात करते हैं फीवर क्यों होता है तो पता होना चाहिए भाई अभी क्या हुआ हमने बताया यहां पर इंटरैक्शन होगा डब्ल्यू का ठीक है ये डब्ल्यू हैं, है डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी और पैथोजन का आपस में इंटरेक्शन फाइट होगी तो इस इंटरेक्शन में क्या होने वाला है ठीक है पैथोजन और डब्ल्यू बी सी के बीच में क्या होने वाला है इंटरेक्शन डब्ल्यू बीसी फाइट होगी जब इनके बीच में फाइट होगी डब्ल्यू और पैथोजन के बीच में तो इनका जो डेड मटेरियल होता है बेटा वो तो आप जानते हो पस होता है पस डेड मटेरियल ऑफ एंड पैथ ठीक है एंड पैथजेंस तो पैथोजेंस जब फाइट होती तो है तो पैथोजेंस रिलीज करते हैं टॉक्सिंस ठीक है और डब्ल्यू रिलीज करते हैं कह सकते हो कि इम्यून सेल मैसेंजर इंटरल्यूकिन इंटर स्पेशली स्पेशलींटरल्यूक्न फर्स्ट बस समझ लो एक तरीके से ये केमिकल है और इन केमिकल्स को चाहे टॉक्सिन्स हो या इंटरल्यूक्न फर्स्ट हो समझ लो टॉक्सिन्स हो या हो, ये सब कॉमनली इनको हम बोलते हैं पायरोजन पायरोजन यानी इनडायरेक्टली जब भी इंटरेक्शन होगा डब्ल्यूबीसी का और पैथोजन का तो वहां पायरोजन रिलीज होंगे ठीक है तो पायरोजन का लेवल क्या हो जाएगा इंक्रीज जब पायरोजन का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तो ये पायरोजन किसको स्टिम्युलेट करते हैं ये पायरोजन स्टमलेट करते हैं हाइपोथेलेमस हाइपो थैलेमस और आप जानते हो हाइपोथैलेमस क्या है हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है टेम्परेचर रेगुलेटर तभी तो कोई भी इंफेक्शन होगा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता ही बढ़ता है इसी वजह से भाई बैक्टीरियल कोई भी पैथोजन टॉक्सिन रिलीज करेंगे WBC होगी इंटरलिंग रिलीज करेगी ऑल आर पायरोजन तो पायरोजन क्या करते हैं हाइपोथैलेमस को इंड्यूस करते हैं जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है ठीक है और जब हाइपोथैलेमस को इंड्यूस करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसकी वजह से डिक्रीज़ हो जाएगी माइक्रोबियल ग्रोथ वे क्यों डिक्रीज हो जाएगी माइक्रोबियल ग्रोथ क्योंकि हर माइक्रोब्स के अंदर एंजाइम होते हैं एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं ठीक है टेम्परेचर बढ़ेगा एंजाइम की एक्टिविटी सप्रेस हो जाएगी माइक्रोबियल ग्रोथ सप्रेस हो जाएगी यही तो मैकेनिज्म है पुराने टाइम पर जब ये सिस्टम नहीं हुआ करते थे मेडिसिन सर्जरी तो कमरों में भट्टियां जलाई जाती थी ठीक है आप एमबीबीएस में सेलेक्ट हो जाओगे तो देखोगे आपको कुछ किताबें मिलेंगी तो वहां पर टेम्परेचर बढ़ा करके ट्रीटमेंट किया जाता था ठीक है तो सेम वही है बॉडी टेम्परेचर सुना भी होगा पहले कि लोगों को कंबल उड़ा करके पसीना ठीक है हीट Generate की जाती थी, जिसकी वजह से रिलीफ मिलता था क्योंकि सप्रेस हो जाती है। फीवर आता है, आता तो आपका भी बिगड़ जाता है क्योंकि तो भाई उसके एंजाइम अगर एक्टिविटी सप्रेस कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के एंजाइम पर भी तो इफेक्ट पड़ेगा इसलिए टेस्ट बुरा बुरा लगता है प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर माइक्रोबिल ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी

जैसे एग्जाम्पल पैरासीटामोल तो पैरासीटामोल आप ले रहे हो ठीक है एंटीपायोटिक ड्रग ले रहे हो कब किस किस में इस हाइपोथैलेमस पर इफेक्ट करते हैं वो और इन के टेम्परेचर को डाउन करने में यानी इस टेम्परेचर को डाउन करने में हेल्प करते हैं तो जितने भी एंटीपायोटिक ड्रग होते हैं बेटा ये क्या करते हैं डिक्रीज कर देते हैं डिक्रीज बॉडी टेंचर बॉडी टेम्परेचर को कम करने में किसका रोल होता है एंटीपायरेटिक ड्रग तो ये समझ में आया आया होगा कि किसी भी टाइप का पैथोजन हो अगर बॉडी में एंटर करेगा तो फीवर आएगा ही आएगा फीवर इंटरनल इंफेक्शन की वजह से आ रहा है मीन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल होता है नॉन स्पेसिफिक है सबके लिए कॉमनली काम करेगा ठीक है तो समझ में आ गया क्यों उसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में रखा क्यों उसको नॉन स्पेसिफिक रखा मेन कंसेप्ट क्या है दो बात क्लियर हो गई अब तीसरा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए इंटरफेरॉन मतलब साइटो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साइटोकाइन बैरियर नंबर थर्ड तो साइटोकाइन बैरियर की अगर हम बात करते हैं तो इंटरफेरॉन की बात करते हैं ठीक है अगर हम साइटोकाइन बैरियर की बात करते हैं साइटोकाइन बैरियर मीन्स यहां पर एग्जांपल हम ले रहे हैं इंटरफेरॉन ठीक है इसको आई एन एफ भी बोलते हैं आई एन एफ इंटरफेरॉन अब कंसेप्ट समझना होगा इंटरफेरॉन का जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है अगर मैं इंटरफेरॉन की बात करता हूं तो इंटरफ्रोन होते क्योंकि कोरोना के टाइम पर भी इंटरफ्रोन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ठीक है और इंटरफ्रोन के बारे में पता होना चाहिए नीट में इसलिए क्वेश्चन आने की कर रहती है इस सेल के अंदर वायरस का इंफेक्शन भी करा देते हैं चलो ठीक है जब इस सेल में वायरस इंफेक्ट करेगा तो ये भी क्लियर है भाई सेल है तो सेल के अंदर क्या होगा सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा ठीक है न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस में क्या होगा डीएनए भी होगा तो जब भी वायरस इन्फेक्ट करता है किसी भी सेल के अंदर तो वायरस अपने जीनोम को एंटर करा देता है ये पता है आपको वायरस का जीनोम सेल में एंटर कर जाएगा और ये जीनोम हमारे जीनोम के साथ क्या कर देगा जुड़ भी जाएगा आगे जाकर के जब ये जीनोम हमारे जीनोम के साथ जुड़ जाएगा अब ये सेल हो गई वायरस इंफेक्टेड सेल इस सेल को क्या बोलेंगे वायरस इन्फेक्टेड सेल जब भी वायरस इंफेक्टेड सेल होती है तो अब ये वायरस अपने प्रोटीन्स को हमारी होस्ट सेल में बनाना स्टार्ट कर देता है इससे हमारी सेल आगे जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है पर जब भी ऐसा कंडीशन आती है तो हमारा डीएनए कुछ खास टाइप के प्रोटीन को बनाना स्टार्ट कर देता है ये रिलीज करता है रिलीज यानी वायरस इंफेक्टेड सेल रिलीज करती है क्या इंटरफेरॉन तो पहला कंसेप्ट होना चाहिए कि इंटरफेरॉन कहां से रिलीज होते हैं इंटरफेरॉन हमेशा वायरस इंफेक्टेड सेल से रिलीज होते हैं यही एक तरीका है बॉडी में ठीक है वायरस से प्रोटेक्शन का बॉडी खुद अपने को प्रोटेक्ट करती है कभी भी वायरस को किल नहीं किया जा सकता बता भी चुका हूं मैं क्योंकि वायरस एक तरीके से क्या है वो तो नॉन लिविंग है ठीक है क्योंकि तो जिसको लिविंग सेल चाहिए अगर कर रेप्लीकेट करने के लिए तो उसको क्या मारोगे आप वो ऑलरेडी पहले से ही मरा हुआ है ठीक है ऑलरेडी किल्ड है तो उसकी रेप्लीकेशन को रोकना है उसके ट्रांसक्रप्शन ट्रांसलेशन को रोकना है तो उसके लिए आप जो ट्रीटमेंट है वो आप करते हो नेचुरली बॉडी के अंदर ट्रीटमेंट अवेलेबल है तभी तो कोई भी वायरस इंफेक्शन होता है साइकिल होती है उसकी देखा होगा कोरोना की भी साइकिल है कि भाई पहले कोरोना बढ़ेगा और धीरे धीरे दस दिन के बाद ये डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा और पंद्रह दिन में ठीक है आप रिलीफ में आ जाओगे क्यों क्योंकि ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर इंटरफेरॉन बनना स्टार्ट हो जाते हैं धीरे धीरे कम बनते हैं इंटरफेरॉन का फेज आता है लैग फेज फेज फिर स्टेशनरी फेज पर आ जाएगा वायरस खत्म ठीक है तो ऑटोमेटिकली वायरस कैसे खत्म अब आप आपके सामने देखो जब भी वायरस का इंफेक्शन होगा तो वायरस इंफेक्टेड सेल रिलीज करती है इंटरफेरॉन इंटरफेरॉन क्या काम करते हैं इंटरफेरॉन जो नॉन इंफेक्टेड सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं इस वायरस के इंफेक्शन से कैसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं नॉन इंफेक्टेड सेल को वायरस के इन्फेक्शन से देखो ये इंटरफेरॉन बेटा ये इंटरफेरॉन नॉन इन्फेक्टेड सेल जितने भी थे उनके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं नॉन इंफेक्टेड सेल है तो नॉन इन्फेक्टेड सेल में इंटरफेरॉन उसके रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और नॉन इन्फेक्टेड सेल के अंदर भी क्या होगा इनके अंदर भी न्यूक्लियस होगा ठीक है न्यूक्लियस में क्या होगा भाई न्यूक्लियस में डीएनए होगा भाई सबके पास होता है इनके पास भी डीएनए है ठीक है जब सिग्नल जाएगा नॉन इंफेक्टेड सेल में किसका सिग्नल इंटरफेरॉन ठीक है इंटरफेरॉन का सिग्नल जाएगा तो ये सिग्नल कहां पहुंचेगा ये सिग्नल डीएनए के पास पहुंचेगा ठीक है अब डीएनए क्या काम करेगा जब इंटरफेरॉन का सिग्नल आएगा तो ये डीएनए कुछ प्रोटीन बनाएगा ये प्रोड्यूस करेगा एंटी वायरल प्रोटीन एंटी वायरल प्रोटीन वही कौन सी एंटीवायरल प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा इन्हीं ही एंटीवायरल प्रोटीन को तो बोलते हैं ठीक है या एक तरीके से कह सकते हो ट्रांसलेशन इन्हीं बीटिंग प्रोटीन इनिबिट ट्रांसलेशन इनिबिटिंग प्रोटीन ट्रांसलेशन इनिबिटिंग प्रोटीन ठीक है ट्रांसलेशन टीआईपी ट्रांसलेशन इनिबिटिंग प्रोटीन यह क्या करती है यह बेटा इनहिबिट करती है ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन यानी अब यह प्रोटीन बनने के बाद वायरस जब भी इसमें एंटर करेगा अपने प्रोटीन का ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा मींस अब यह सेल प्रोटेक्टेड हो गई वायरस से क्योंकि नुकसान कब होता है जब इसके अंदर वायरस का ट्रांसलेशन होगा प्रोटीन बनेगी तो ट्रांसलेशन इनिबिटिंग प्रोटीन क्या करते हैं वायरल ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर देते हैं किसके इफेक्ट से से अब बोलोगे के हिसाब क्या काम कर रहे हैं नॉन सेल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वायरल जीनोम के ट्रांसलेशन को इनहेबिट करके ठीक है यानी ट्रांसलेशन इन्हेबिटिंग प्रोटीन जनरेट करके इनको एंटीवायरल प्रोटीन भूल सकते हो ठीक है तो इसलिए अगर मैं इंटरफ्रॉन की बात करता हूं तो समझना मेरी बात ये इंटरफ्रॉन क्या होते हैं स्मॉल प्रोटीन होते हैं स्मॉल प्रोटीन हैं बेटा ठीक है अप्रोक्सिमेटली टू एसिड से मिलकर के बने होते हैं पर इतनी जरूरत नहीं है स्मॉल हैं खास बात क्या नॉट नेवर किल कंफ्यूजन ना होना चाहिए ये कभी भी वायरस को किल नहीं करते ये क्या करते हैं ठीक है ये वायरस ट्रांसलेशन इन ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन ये क्या करते हैं इनहिबिट करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन कभी भी वायरस को किल नहीं करेंगे इनहिबिट करते हैं किसको ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन वायरल प्रोटीन के ट्रांसलेशन को इनहिबिट करने का काम करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट इंटरफेरॉन कभी भी ध्यान रखना आपको उसको हमने सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्यों रखा ठीक है या इसको नॉन स्पेसिफिक में क्यों रखा इनट के अंदर क्योंकि ये कभी भी ऐसा नहीं है कि अगर कोरोना के अंगेस्ट इंटरफेरॉन बन रहा है तो वो कोरोना के लिए ही काम करेगा ना इंटरफेरॉन कॉमनली होते हैं थ्री टाइप के हो सकते हैं भाई टाइप्स की अगर मैं बात करता हूं थ्री टाइप के हो सकते हैं इंटरफेरॉन ठीक है एल्फा इंटरफ्रॉन भी हो सकते हैं एल्फा आई एन एफ बीटा आई एन एफ और गामा आई एफ आई एन एफ इंटरफ्रॉन तो अल्फा इंटरफ्रॉन बीटा इंटरफ्रॉन गामा इंटरफ्रॉन थ्री टाइप के इंटरफ्रॉन हो सकते हैं ठीक है तो ये तीनों टाइप के इंटरफ्रॉन स्पेशली अल्फा इंटरफ्रॉन बहुत ज्यादा वर्क करते हैं तो ये इंटरफ्रॉन एक तरीके से वायरल जीनोम के ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं ब्लॉक करते हैं जो स्पेज स्पेसिफिक होते हैं पर वायरस स्पेसिफिक नहीं होते मतलब जैसे ह्यूमन के अंदर अगर इंटरफ्रोन बन रहे हैं तो मैं अपने इंटरफ्रोन को दूसरे ह्यूमन के ट्रीटमेंट में यूज कर सकता हूं किसी भी वायरस के लिए किसी भी वायरस के लिए क्योंकि तो वायरस स्पेसिफिक नहीं है आप समझ रहे हैं मेरी बात कि वायरस स्पेसिफिक नहीं होते पर स्पेसिज स्पेसिफिक होते हैं मीन इंटरफ्रोन तभी तो सेकंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और इनट में रखा क्योंकि वायरस स्पेसिफिक नहीं है अगर वायरस स्पेसिफिक होते तो उसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस या इन इम्यूनिटी में नहीं रखते आप समझ गए ना मेरी बात पर स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं मतलब ह्यूमन के इंटरफ्रोन ह्यूमन के लिए यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट में जैसे देखा होगा कोरोना का जहां बहुत केस बिगड़ गया है तो वहां अल्फा इंटरफ्रोन यूज किए जा रहे हैं कोरोना के ट्रीटमेंट में बहुत सारे ठीक है हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अल्फा इंटरफेरॉन यूज कर रहे हैं ट्रीटमेंट में तो इंटरफेरॉन वायरल इंफेक्शन में यूज होते हैं हेपेटाइटिस के केस के के में इंटरफेरॉन का बहुत बेहतरीन ठीक है कह सकते हो कि यूज होते हैं अल्फा इंटरफेरॉन अब कैंसर के केस के में भी इनको यूज किया जा रहा है अल्फा इंटरफेरॉन को और यहां तक कि एच आई वी के केस के में भी अल्फा इंटरफेरॉन को यूज किया जा रहा है आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात तो इंटरफेरॉन ध्यान रखना पर ह्यूमन के इंटरफेरॉन ह्यूमन के लिए यूज कर सकते हो पर ह्यूमन के किसी दूसरी स्पीसीज के ट्रीटमेंट में यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं पर वायरस स्पेसिफिक नहीं होते सो इट इट इंक्लूडेड इंक्लूडेड इन इन ठीक है इम्यूनिटी एक बात क्लियर हो गई होगी ठीक है इसको भी चलो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं स्पेसिज स्पेसिफिक होंगे बट नॉट वायरस स्पेसिफिक तो इंटरफेरॉन का मेन समझ में आया होगा इंटरफेरॉन वायरस इनफेक्टेड सेल्स रिलीज होते हैं नॉन इनफेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट करते हैं वायरल जीनोम के ट्रांसलेशन के लिए स्मॉल प्रोटीन होते हैं ठीक है जो कभी भी वायरस को किल नहीं करते बट उसके ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं स्पेसीज स्पेसिफिक होते हैं बट वायरस स्पेसिफिक नहीं होते सो इट इज इंक्लूडेड इन इननेट इम्यूनिटी तो सारे इननेट इम्यूनिटी के सारे कंसेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो गए होंगे कोई डाउट नहीं होना चाहिए एनसीआरटी भी ले लेते हैं तो इननेट इम्यूनिटी की बात करते हैं यहां पर ठीक है तो इननेट इम्यूनिटी के अंदर भाई फिजिकल बैरियर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन एकदम क्लियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं मैंने एसिड इन स्टमक यानी सलाइवा एंटीअर्स एकदम क्लियर है सेलुलर बैरियर की बात करते हैं तो यहां पर लीकोसाइड आ गए स्पेशली डब्ल्यूबीसी पॉलीमोर्फो न्यूक्लिएटेड सेल पी एम एनसी न्यूट्रोफिल्स आ गए एकदम क्लियर है यहां भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए साइटोकाइन बैरियर की बात करते हैं तो मैंने जस्ट अभी बताया साइटोकाइन बैरियर मतलब इंटरफेरॉन ठीक है इंटरफेरॉन जो वायरस स्पेसिफिक होते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होते स्मॉल प्रोटीन होते हैं वायरस को कभी भी किल नहीं करते ठीक है बट उसके ट्रांसलेशन को इनहिबिट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल में एक बार इन्फेक्शन हो गया ठीक है और उसका जीनोम हमारे जीनोम से जुड़ गया बेटा ठीक है ट्रांसलेशन उसने स्टार्ट कर दिया ठीक है तब जाकर के वो सेल इंटरफेर बनाना स्टार्ट करते हैं जो अब उसको तो ब्लॉक नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसने स्टार्ट कर लिया पर नन इन्फेक्टेड सेल को क्या कर देंगे ठीक है प्रोटेक्ट करेंगे तो यही मैकेनिज्म है कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया आया हो तो बताओ कि इंटरफेरॉन का कंसेप्ट समझ में आया हो तो ठीक है थम की कुछ लड़ी अड़ी कुछ दिखाओ तो समझ में आएगा कि हाँ क्या और नहीं आया तो उसका भी बोलो अब बच्चे ने बोला कि हेलो सर व्हाट हैपन टू वायरस इन द बॉडी दैट कैन इन्फेक्ट एनी सेल आप सिंपल सी बात है भाई वायरस बॉडी में क्या किसी भी सेल को इन्फेक्ट करता है वायरस का एक ही काम है अंदर जाकर के अपनी ठीक है प्रोजेनी को कंटिन्यू इंक्रीज करना यही तो काम है जिसकी वजह से सेकेंडरी कह सकते हो कि सिम्टम आने चालू हो जाते हैं इसे इंफ्लामेशन होना स्टार्ट हो गया कुछ और भी सिम्टम आने चालू हो गए वो आपके डिसऑर्डर से स्टार्ट हो गए तो वायरस का काम क्या है कंटिन्यू इंक्रीज होना पर जैसे जैसे वायरस इंक्रीज होता है वैसे वैसे इंटरफेरॉन भी इंक्रीज होते हैं एक टाइम ऐसा आता है कि इंटरफेरॉन का लेवल बहुत बढ़ जाता है ठीक है जिसकी वजह से वो नॉन इंफेक्टेड सेल को प्रोटेक्ट कर देते हैं वायरस के इंफेक्शन से जैसे मानो ठीक है इस सिंपल तरीके से समझो कि इस कमरे में अगर किस, दस लोग हैं किसी एक को इंफेक्शन हुआ तो एक को इंफेक्शन हुआ तो उसने ढेर सारे इंटरफ्रोन रिलीज करना स्टार्ट कर दिए वो इंटरफ्रोन नॉन इंफेक्टेड सेल को उस इंफेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगे यानी जितना इंटरफ्लोन ज्यादा निकलेगा जितना इंफेक्शन ज्यादा होगा इंटरफ्लॉन ज्यादा निकलेगा जितना इंटरफ्रॉन ज्यादा होगा उतना ही इंफेक्शन धीरे धीरे क्या होना चालू हो जाएगा रिड्यूस तभी तो वायरस की इंफेक्शन की साइकिल किस तरीके चलती है

ये कांसेप्ट हमारा एकदम क्लियर है अब हम बात करते हैं एक्वाइड इम्यूनिटी यानी इननेट इम्यूनिटी एकदम क्लियर है फीवर इंफ्लेमेशन इंटरफेरॉन ठीक है और सेलुलर बैरियर फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है अब बच्चे ने पूछा है सर कोरोना की वैक्सीन किस इम्यूनिटी फिर छोड़ दिया उसने पूरा बात तो बोलो करो बेटा वैक्सीन काम करती है एक्वाइर्ड इम्यूनिटी के ऊपर वो मैं बताने स्टार्ट कर रहा हूं अब हम वैक्सीनेशन पर आ रहे हैं इम्यूनिटी पर आ रहे हैं यहां वो क्लियर होंगे आपके ठीक है अभी तो हमने इननेट इननेट की की बात की है है का मतलब जो नॉन स्पेसिफिक सबके लिए कॉमन है पर एक इंटरनल होती है एक एक्सटर्नल होती है ठीक है एक्सटर्नल का मतलब है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इंटरनल का मतलब है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस अब हम बात करते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो एक्वाइड है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो इंटरनल होता है एक्वायर्ड होता है और स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक का मतलब है अगर कोरोना की वैक्सीन आप लगवाते हो तो वो कोरोना के लिए ही आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट करेगी वो भी पर्टिकुलर स्ट्रेन ठीक है अगर आपने स्ट्रेन चेंज हो गया कोरोना का तो ये वैक्सीन उस पर वर्क नहीं करेगी क्योंकि तो ये इम्यूनिटी स्पेसिफिक है अगर आप टाइफाइड की वैक्सीन लगवाते हो तो टाइफाइड के लिए वर्क करेगी आप अगर निमोनिया की वैक्सीन लगवाते हो तो निमोनिया के लिए वर्क करेगी आप समझ रहे हो ना मेरी बात रोटा वायरस की वैक्सीन लगवाते हो तो रोटा वायरस के लिए काम करेगी यानी ये स्पेसिफिक है और जब स्पेसिफिक की बात आती है तो नो no डाउट कोई चीज स्पेसिफिक है ठीक है भाई उसी के लिए काम करती है और अगर पैथोजन बहुत सारे हैं तो नो no डाउट यहां पर डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज्यादा होगा इननेट में नहीं होगा वो सबके लिए कॉमन है पर कोई चीज स्पेसिफिक है तो उसके लिए फिर डाइवर्सिफिकेशन भी ज्यादा होगा सिंपल सी बात है तो बहुत बेहतरीन फीचर्स पूछे जाते हैं एक्वाड इम्यूनिटी के फीचर्स क्या है प्रॉपर्टीज क्या है तो एक्वाड इम्यूनिटी के सबसे पहले बताया स्पेसिफिसिटी ये बहुत ही स्पेसिफिक होती है हर पैथोजन के लिए और हर पैथोजन के स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी होते हैं वो एंटीबॉडी उस पर्टिकुलर पैथोजन के स्पेसिफिक एंटीजन के अंगेज थी वर्क करेंगे अगर एंटीजन में चेंज हो गया तो वो एंटीबॉडी वर्क नहीं करेंगे इसीलिए यहाँ पर क्या होता है बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है इसीलिए यहां पर डायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि स्पेसिफिक है और स्पेसिफिक है मींस पर्टिकुलर के अगेंस्ट ही वर्क करेगी तो उसको पता तो होगा वो पर्टिकुलर कौन है आप समझ गए ना मेरी बात अगर मैं किसी पर्टिकुलर से ही हैंडशेक करूंगा ठीक है तो मुझे पता होगा कि वो पर्टिकुलर आएगा तभी मैं मैं उठूंगा ही नहीं यहां से वो आएगा तभी उठूंगा तभी उससे हाथ में ठीक है क्योंकि मेरे पास मेमोरी भी तो होगी ठीक है तभी तो मैं उस पर्टिकुलर के अगेंस्ट वर्क कर पाऊंगा यानी ये स्पेसिफिक है इसीलिए इसमें डाइवर्सिफिकेशन है यह स्पेसिफिक है इसीलिए इसके पास मेमोरी होती है भाई तभी तो आइडेंटिफाई करेगी यार मेरा काम सिर्फ उससे इंटरेक्शन है किसी और से नहीं यानी मेरे पास मेमोरी होगी तभी तो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा यानी इसकी खास बात है स्पेसिफिसिटी इसकी खास बात है डाइवर्सिफिकेशन इसकी खास बात है मेमोरी ठीक है और इसकी अगेन खास बात है ठीक है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेल्फ और नॉन सेल्फ भाई ये आइडेंटिफाई कर पाती है कौन अपना है कौन पराया अगर अपने एंटीजन है तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी ठीक है भाई सेल्फ है तो नो रिस्पॉन्स हां अगर सेल्फ नहीं है बॉडी से बाहर का है तो यहां रिस्पॉन्ड करेगी रिस्पॉन्स देगी इस अब रिस्पांस टू टाइप का हो सकता है ये रिस्पांस प्राइमरी भी हो सकता है ये रिस्पांस सेकेंडरी भी हो सकता है तो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस में डिफरेंस क्या होता है अब हम इसकी बात करते हैं ठीक है समझना मेरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं बेटा फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने बोला एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम बर्थ के बाद एटमोस्फियर में आने के बाद एक्वायर करते हैं बच्चे का बर्थ होता है तो पहला टीका यानी वैक्सीन उसको बीसीजी का लगता है ठीक है जो माइक्रोबेट्रम ट्यूबरक्लोसिस के लिए वर्क करता है ठीक है बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है बट हां लगता है वो ठीक है पहला जो वैक्सीन लगेगा बीसीजी का लगेगा तो वैक्सीन का मतलब क्या है वैक्सीन क्यों लगाते हो आप वैक्सीन का मतलब है आपने उस पैथोजन को किसी ना किसी फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में या ठीक है इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिव मतलब एक्टिवेटेड होगा ठीक है या किल्ड फॉर्म में बॉडी में क्या कर दिया आपने इंजेक्ट कर दिया जब बॉडी में उसको इंजेक्ट करोगे तो बॉडी के पास उसकी मेमोरी बनेगी यानी फ्यूचर में जब पैथोजेनिक फॉर्म आएगी उसकी तो बॉडी को क्या करना है प्रोटेक्शन उसके अंगेंस्ट एंटीबॉडी पहले से प्रपेयर कर करके रखने हैं मेमोरी सेल पहले से बना के रखने हैं तभी तो आप इम्यूनाइजेशन कराते हो भाई इम्यूनाइजेशन का पर्पस तभी है जब बॉडी में मेमोरी बन रही है भाई ऐसा तो नहीं है कि बीसीजी का मैंने आज वैक्सीन लगवाया कि आज अगर भाई माइक्रोबैक्टेरियम का इन्फेक्शन होगा तो प्रोटेक्ट हो जाऊंगा मैं बट कल अगर इन्फेक्शन होगा तो प्रोटेक्शन नहीं होगा तो, तो बेकार हो गया ना तो वैक्सीनेशन डिपेंड किस पर करता है मेमोरी के ऊपर और एक्वाइर्ड इम्यूनिटी भी किस पर डिपेंड करती है मेमोरी के ऊपर आप समझ गए ना मेरी बात टोटल मेमोरी तो समझ में आया होगा कि मेमोरी कंसेप्ट है क्या ये स्पेसिफिक सिटी स्पेसिफिक होती है इस वजह से इसमें डाइवर्सिटी होती है इस वजह से स्पेसिफिक है इस वजह से इसमें मेमोरी होती है और ये अपने और पराए में भेद करना डिफ्रेंसिएशन जानती है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ नॉन अगर अपना है तो नो no रिस्पॉन्स अगर अपना नहीं है तो रिस्पॉन्स करेगी अब रिस्पॉन्स दो तरीके से हो सकता है प्राइमरी इम्यून और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए क्योंकि एनसीआरटी ने सी को एक्सप्लेन किया है प्राइमरी और सेकेंडरी ठीक है प्राइमरी रिस्पॉन्स और नेक्स्ट पैरा में सेकेंडरी रिस्पॉन्स जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक है तो बेसिक समझ में आएगा कि एक्वाइड इम्यूनिटी को थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में कहा गया है ठीक है इंटरनल है पर स्पेसिफिक है ठीक है अब बात करते हैं आगे कि लाइन ऑफ डिफेंस इफ मैंने बताया नॉन सेल्फ है तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी रिस्पॉन्स तो डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंड रिस्पॉन्स के अंदर ये समझो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स मजा आएगा अब यहां समझने में जैसे मान लो ये ह्यूमन है ठीक है मान लो उसकी स्किन है सिंपल तरीके से दिखा दो ठीक है मान लो ये कोई एंटीजन है एंटीजन क्योंकि बॉडी के बाहर का है ठीक है जब एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा ठीक है इसको दिखा दो इस तरीके से अगर ये बॉडी में एंटर करेगा यानी फर्स्ट एनकाउंटर बॉडी को एंटर कर रहा है फर्स्ट टाइम इसको फर्स्ट एनकाउंटर बोल सकते हो फर्स्ट एनकाउंटर ठीक है किसी एंटीजन ने बॉडी में पहली बार एंट्री की फर्स्ट एंटर एनकाउंटर किया अंदर एंटर करेगा तो अंदर अंदर आती क्या होगा भाई ये मैंने बताया सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेशन एक्वायर्ड इम्यूनिटी करती है तुरंत एक्वाइर्ड इम्यूनिटी आइडेंटिफाई करेगी अपना है या पराया उसमें भी स्पेशली बी लिंफोसाइड क्योंकि बी लिंफोसाइड की सर्फेस पर कौन होते हैं बी लिंफोसाइड की सर्फेस पर एंटीबॉडी होते हैं ठीक है एंटीबॉडी होते हैं तो बी लिम्फोसाइट इससे बाइंड करेगी और बाइंड करके तुरंत बी लिम्फोसाइट डिवाइड कर जाएगी किसके अंदर मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल्स के अंदर मेमोरी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स प्लाज्मा सेल्स तो एंटीजन से इंटरेक्ट करके तुरंत क्या बनाएंगे ये प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडी एंटी बॉडी पर मेमोरी सेल फ्यूचर में काम आएंगे ठीक है फ्यूचर में ठीक है अब समझना इसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स भाई पहली बार फर्स्ट टाइम किसी एंटीजन ने एंट्री किया ठीक है फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम अब क्या होगा सेम एंटीजन समझना जैसे मानो किसी को पहली बार किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ ठीक है पहली बार इन्फेक्शन हुआ ठीक है तो उसको फर्स्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी बनते हैं समझना वो कौन से बनते हैं आई एम ये ज्यादा बनते हैं कंपेरेटिव या पहले बनते हैं किससे आईजीजी से अगर आपकी बॉडी का हम टेस्ट कराते हैं किसी भी इंफेक्शन में देखा होगा अक्सर का डॉक्टर चेक कराते हैं कि सीरोलॉजी करा के आओ ठीक है आईजीएम आईजीजी टेस्ट करा के आओ तो टेस्ट में रिपोर्ट में आता है कि आईजीएम बढ़ा हुआ है डॉक्टर बोलेगा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है आपको पहली बार इस वायरस या बैक्टीरिया ने आपकी बॉडी को एनकाउंटर किया है ठीक है एक बात क्लियर हो गई आईजीएम बढ़ा हुआ होगा आईजीजी से ठीक है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स पर मान लो सेम एंटीजन सेम एंटीजन एंटीजन चेंज नहीं किया ठीक है वही एंटीजन सेम एंटीजन सेम एंटीजन एंटीजन चेंज नहीं किया सेम एंटीजन है सेम एंटीजन जब सेकेंड टाइम बॉडी में एंटर करता है सेकेंड एनकाउंटर सेम एंटीजन यानी एंटीजन मैंने चेंज नहीं किया सेम एंटीजन बॉडी में सेकेंड टाइम एंटर करता है ठीक है इसको बोलेंगे सेकेंड एनकाउंटर सेकेंड एनकाउंटर भाई सेकंड टाइम एनकाउंटर हो रहा है सेकेंड बार दूसरी बार एनकाउंटर हो रहा है सेम एंटीजन का ये मत भूल जाना वही एंटीजन जब दूसरी बार एंटर करता है इसको बोलते हैं सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स पर अब इस बार इस एंटीजन से बी लिंफोसाइट इंटरेक्ट नहीं करते प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर बी लिंफोसाइट और टी लिंफोसाइट का इंटरेक्शन होता है लिंफोसाइट का इंटरेक्शन होता है पर सेकेंडरी इम्यून इम्यूनिस्पॉन्स में ऑलवेज मेमोरी सेल का इंटरेक्शन होता है मीन्स अब यहां पर यह मेमोरी सेल इससे इंटरेक्ट करेंगे ठीक है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में ऑलवेज मेमोरी सेल और मेमोरी सेल के इंटरेक्शन से क्या बनेंगे एंटीबॉडी कौन से एंटीबॉडी बनेंगे इस बार आई जी जी थोड़े बहुत नहीं बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आईजीजी का फॉर्मेशन होगा कंपेटेटिव आईजीएम तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीजी एंटीबॉडी बहुत ज्यादा बनते हैं आईजीएम से बूस्टिंग तरीके से सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स सेम एंटीजन का सेकेंड एनकाउंटर होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में मेमोरी सेल पार्टिसिपेट करते हैं और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में लिंफोसाइट पार्टिसिपेट करते हैं डॉक्टर ने भाई फिर से तो आपका टेस्ट कराया सीरोलॉजिकल टेस्ट अक्सर कराते हैं डॉक्टर सीरोलॉजी तो अब टेस्ट में रिपोर्ट में क्या आया आईजीजी बढ़े हुए हैं बहुत ज्यादा डॉक्टर बोलेगा भाई इस बार पहली बार नहीं दूसरी बार उसी पैथोजन ने अटैक किया है सीवियर कंडीशन है क्योंकि तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एप्लीकेबल हो रहा है नीट में पूछा जाता है तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है फर्स्ट टाइम एनकाउंटर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स सेम एंटीजन का सेकेंड टाइम ठीक है एनकाउंटर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर बी यानी बी एटी Lymphocyte का पार्टिसिपेशन होता है सेकेंडरी में उन की मेमोरी सेल का पार्टिसिपेशन होता है प्राइमरी में बहुत कम अमाउंट के अंदर आईजी जी और आईजीएम बनते हैं स्पेशली पहले आईजीएम बनते हैं फिर बाद में आईजीजी बनते हैं बहुत कम अमाउंट बनते हैं इसलिए इफेक्टिव नहीं होता अभी तो पहली बार अगर पैथोजन एंटर करता है तो इंफेक्शन होगा पर एक बार इन्फेक्शन हो गया सेकंड टाइम इन्फेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाते हैं तभी तो बोलते हैं अगर कोरोना एक बार अच्छे से हो गया यानी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन गए मतलब मेमोरी सेल बन गए मतलब सेकंड टाइम सेम इन्फेक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी कम है सेम इन्फेक्शन सेम एंटीजन ठीक है अगर उस कोरोना का स्ट्रेन चेंज हो गया मीन सरफेस एंटीजन चेंज हो गए तो दोबारा से इंफेक्शन हो जाएगा ठीक है तभी तो कि कई लोगों को सेकंड टाइम भी इंफेक्शन हुआ है पर स्ट्रेन चेंज हो गया ठीक है तो ये डिपेंड करता है कि सेम स्ट्रेन है तो नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट इंट्रैक्शन के अंदर आपके अंदर मेमोरी सेल बन जाते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स समझ में आया होगा इसको ग्राफिकल पैटर्न में भी समझाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से अब देखो यहां ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम ठीक है परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडी की बॉडी में एंटीबॉडी परसेंटेज बढ़ रहा है और दिन के हिसाब से कोरोना ही अप्लाई कर देते हैं कि बच्चों के दिमाग में कोरोना बैठा हुआ है तो हर चीज पता है देखा होगा जब कोरोना की वैक्सीन लॉन्च की थी तो एक प्रोग्राम बनाया था कि आज वैक्सीन लगेगी ठीक उसके ठीक है बताया था कि लगभग वन मंथ बाद ठीक है सेकंड डोज लगेगी इस तरीके से बोला था फर्स्ट डोज देन वन मंथ बाद सेकेंड डोज ठीक है बाद में इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया वो एक अलग बात है ठीक है क्योंकि स्टैंडर्ड यही होता है ठीक है यानी अगर बॉडी के अंदर पहली बार कोई एंटीजन एंटर करता है तो येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं आईजीएम जी एम को येलो कलर से तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा आईजीएम आई जी एम और ग्रीन कलर से हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर आई जी जी आई जी जी ठीक है अब समझना भाई प्राइमरी इम्यून इम्यूनिस्पॉन्स प्राइमरी इम्यून इम्यूनिस्पॉन्स द फर्स्ट टाइम एनकाउंटर होता है किसका एंटीजन का बॉडी के अंदर तो एक से लेकर चौदह दिन के अंदर वन टू फोर्टीन डेज के अंदर ठीक है क्या कौन से एंटीबॉडी बनेंगे यहां बन रहे हैं येलो कलर से दिखा दिया हमने आई जी एम का अमाउंट बढ़ेगा पहले फिर बाद में आईजीजी जी भी बनेंगे पर बहुत कम अमाउंट में बन रहे हैं दोनों ठीक है आईजीएम आईजीजी तो ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में प्रोटेक्शन नहीं हो पाता ठीक है फिर सेम पैथोजन सेकेंड टाइम एंटर को एनकाउंटर करता है तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीजी हाई परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडी आईजीजी बहुत हाई अमाउंट में बन रहे हैं आईजीजी बहुत हाई अमाउंट में आईजीएम भी बनते हैं बाद में पर कंपेटिव कम यानी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीजी पार्टिसिपेट करते हैं और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में आईजीएम पार्टिसिपेट करते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में आई जी जी बहुत ज्यादा बनते हैं कंपरेटिव आईजीएम समझ गए प्राइमरी बी रिस्पॉन्स में आईजीएम पहले बन जाते हैं थोड़े ज्यादा होते हैं कंपरेटिव आईजीजी ठीक है ये क्या हो गया प्राइमरी रिस्पॉन्स यही डिफरेंस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी का ठीक है तो अगर मैं प्राइमरी की बात करता हूं मैंने समझा भी दिया इसकी इंटेंसिटी लो होती है ठीक है लो इंटेंसिटी तो कहते हैं कि पहली बार जब पहली वैक्सीन लग दी, लगती है तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया भी पहला वैक्सीन लगा है घर के अंदर रहना प्रोटेक्टेड रहना सेफ रहना गलती से भी ये मत समझ लेना कि हम बाहुबली हो गए अब तो निकल जाएंगे कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि पहला इम्यून रिस्पॉन्स बहुत लो इंटेंसिटी का होता है प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा ठीक है फिर कहते हैं सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स यानी दूसरी वैक्सीन लग जाने दो फिर दूसरी वैक्सीन स्टार्टिंग में 28 डेज के बाद यानी वन मंथ के बाद उसका जो उसका प्रोटोकॉल था वन मंथ के बाद था क्योंकि तो भाई फोर्टीन डेज के बाद ट्वेंटी एट डेज तक इसका मैकेनिज्म होता है ट्वेंटी एट के बाद जाकर के अगर सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स यानी सेकंड डोज लगवाते हो तब जाकर उसमें भी टाइम चाहिए ऐसा नहीं कि आज आपने सेकंड डोज लगवा ली और बस कल ही निकल पड़े बाजार में आज हाँ भाई ठीक है अब तो हमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता कोरोना और ना कुछ भी हो ठीक है देखा होगा फिर इंफेक्शन हो गया भाई टाइम चाहिए सेकंड डोज लगा है तो कम से कम फोर्टीन डेज चौदह दिन का टाइम चाहिए ठीक है सेकेंड डोज में फोर्टीन डेज के बाद जाकर के आपके क्या आई बनने स्टार्ट होते हैं यानी टाइम देना पड़ेगा भाई ठीक है सेकेंड डोज के फोर्टीन डेज के बाद आप मार्केट में निकलो कोई दिक्कत नहीं है आप पहले निकल गए तो काम बिगड़ जाए ठीक है तो समझ में आ गया होगा कि भाई लो इंटेंसिटी होती है सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स की कंपेरेटिव हाई इंटेंसिटी होती है हाई इंटेंसिटी होती है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन इन्वॉल्व होता है मैंने बताया था प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में लिंफोसाइड इन्वॉल्व होते हैं जबकि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर मेमोरी सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है ठीक है यहां पर इन्वॉल्व होते हैं लिंफोसाइड यहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट होगा यहां इन्वॉल्वमेंट होगा यहां इन्वॉल्व होंगे मेमोरी सेल समझ में आ गया होगा प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है यहां फर्स्ट एनकाउंटर है या सेकेंड एनकाउंटर है सेम एंटीजन का ठीक है फर्स्ट एनकाउंटर या सेकेंड एनकाउंटर ऑफ सेम एंटीजन ये मत भूल जाना सेम एंटीजन जब का सेम एंटीजन नहीं होगा तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एप्लीकेबल नहीं होगा तो अब समझ में आया होगा क्या अंतर है फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जब एंटीजन क्या है आप बोलोगे सेल्फ नहीं है ठीक है फॉरिन है तभी तो यही तो आइडेंटिफाई कर पाता और सबके लिए कौन रिस्पॉन्सर होता है एक्वाइड इम्यूनिटीड इम्यूनिटी का कंसेप्ट समझ में आया होगा कि एक्वाइड इम्यूनिटी क्या है ठीक है उसकी प्रॉपर्टी क्या है एक्वाइड इम्यूनिटी का तो रिस्पॉन्स दो बेटा अगर एक्वाइडिटी भी समझ में आया कि एकदम कंसेप्ट क्लियर हुआ तो कुछ रिस्पॉन्स आपके चाहिए थम की लड़ी लगा दो ठीक है उसी से आइडिया लग जाएगा नहीं आया तो उसका भी रिस्पॉन्स दो ठीक है मैं दोनों ही रिस्पॉन्स देखूंगा मैं दोनों ही रिस्पॉन्स पर फोकस कर रहा हूं ओके okay. यह मत समझ जाना यह मत दिमाग में रखना ठीक है कि YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है तो क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको बहुत बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी ठीक है टेंशन मत लेना क्वालिटी कोई कम नहीं मिलने वाली है ठीक है अगर ठीक है आप में पढ़ने का दम है आप में मतलब आप में अगर दम है तो क्वालिटी मिलेगी मैं इतना जानता हूं कि YouTube पर पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं अभी मैं कमेंट से आइडिया लग जाता है कि अच्छे बच्चे कमेंट नहीं करते ठीक है और ठीक है क्योंकि और मतलब उसमें बच्चों की भी गलती नहीं है क्योंकि यूट्यूब पर अक्सर कर मैक्सिमम वो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती एक हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन की वो क्वालिटी वाली एजुकेशन की वो सिर्फ एन जानते हैं वो एन मतलब उतना ही जानते हैं उसी लाइन को पढ़ लेते हैं वही समझते हैं अगर हम बिल्कुल सिंपल है तभी कहते हैं जरा भी मैं कंसेप्चुअल लेके जाता हूँ तो बच्चों को समझ में नहीं आता उनको सिंपल चीज़ें चाहिए ठीक है तो आपके कमेंट आए या ना आए ठीक है मैं क्वालिटी बहुत बेहतरीन दूंगा चाहे कुछ भी हो क्योंकि तो उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टॉप रैंकर हैं जो फोड़ने वाले हैं रैंक ठीक है क्योंकि सिंपल तो से तो बात नहीं बनेगी जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी ना आपको आप रैंक नहीं फोड़ पाओगे ठीक है मतलब रैंक निकालने के लिए चाहिए ठीक है थोड़ा चाहिए तो उसकी टेंशन मतलब मैं क्वालिटी तो दूंगा चाहे आपके व्यूज़ अच्छे आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है क्योंकि तो व्यूज के लिए बस यही होता है कि सिंपल सा पढ़ा दो बच्चों को मजा आ जाए हाँ मजा समझ में आ गया क्योंकि बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता बच्चा चाहता है बस सर कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज कवर कर दो मतलब मैंने खत्म कर दिया तो बच्चों को लगेगा हमारा खत्म हो गया मेरे खत्म करने से खत्म नहीं होगा खत्म आपके करने से होगा ठीक है मैं एक घंटे में कराऊं दो घंटे में कराऊं दस घंटे में कराऊं जब तक आप खुद खत्म नहीं करोगे उसको वो चीज खत्म नहीं होगी ठीक है मेरे कराने ना कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो कंसेप्चुअल समझना और इसको बहुत अच्छी तरह, तरह थोड़ा ठीक है समझना इसको तभी समझ में आएगा इतना आसान नहीं है ठीक है बहुत बेहतरीन बहुत बढ़िया बेटा रिस्पॉन्स दे रहे हो आप तो समझ में आ रहा है कि सेल्फ क्या है नॉन सेल्फ क्या है एकदम क्लियर है प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स भी क्लियर हो गया कोरोना कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और ग्राफिकल डेटा भी समझ में आ गया क्या क्या डिफरेंस है चलो ठीक है अब हम बात करते हैं किसकी भाई अब हमारी एक्वाइड इम्यूनिटी चल रही है एक्वाइड ठीक है जो स्पेसिफिक है जो इंटरनल है ठीक है जो तो बेटा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर डिपेंड है क्योंकि जहां पर भी स्पेसिफिसिटी का बात आती है तो वहां कहीं ना कहीं स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट एंटीजन एंटीबॉडी जैसे हर ताले की खास चाबी होती है और हर टाइप के एंटीजन के लिए खास टाइप का एंटीबॉडी होता है तभी तो स्पेसिफिसिटी होती है तभी तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन होता है तभी तो उसके पास मेमोरी होती है ठीक है तो स्पेसिफिसिटी इस है इसलिए यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन है तो पता तो होना चाहिए कि एंटीजन क्या है एंटीबॉडी क्या है एक बेसिकली मैं समझाता हूं अगर मैं एंटीजन की बात करता हूं तो एंटीजन एनी फॉरन पार्टिकल कोई भी फॉरिन पार्टिकल जो बॉडी का नहीं है ठीक है जिसका मॉलिकुलर वेट कम से कम टेन थाउजेंड डालटन या से ज़्यादा है जो बॉडी के लिए फॉरिन है बाहर का है जिसके पास एंटीजेनेसिटी और इम्यूनोजेनेसिटी की कैपेबिलिटी है एंटीजेनेसिटी मतलब होता है उस एंटीजन के पास एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करने की कैपेसिटी और इतना तगड़ा इंटरेक्शन हो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन चालू हो जाए प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बन जाए इंटरेक्शन से उसको बोलते हैं ये चार प्रॉपर्टी हैं पर इतना नहीं जाना मेन प्रॉपर्टी को पकड़ना है जिस पर क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि जिसको समझना पड़ेगा अगर मैं एंटीजन की बात करता हूं मान लो ये एक एंटीजन है अभी समझ पाओगे कोरोना भाई एंटीजन इस एंटीजन ये एक एंटीजन इस एंटीजन की सरफेस पर समझना डिफरेंट टाइप के अगेन प्रोटीन्स लगे होते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स और भी दिखा देते हैं एक एंटीजन की सरफेस पर कई टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं एक एंटीजन की सरफेस पर कई टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं ठीक है कई टाइप के प्रोटीन्स हो सकते हैं यानी एक एंटीजन कई टाइप की एंटीबॉडी से इंटरेक्ट करने के लिए कैपेबल है ठीक है तो इस एंटीजन की खास बात क्या है इसका मोलिकुलर वेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉलिकुलर वेट कितना होना चाहिए बराबर हो या ज्यादा हो कितना टेन थाउजेंड डॉलटन कम से कम इतना मॉलिकुलर वेट है तभी वो एंटीजन की तरह बिहेव करेगा इससे कम मॉलिकुलर वेट का प्रोटीन कभी भी एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करता तभी तो इंसुलिन भाई पॉक इंसुलिन बीफ इंसुलिन किसी दूसरे एनिमल का इंसुलिन आपकी बॉडी में एंटर करा दिया जाता है कोई दिक्कत नहीं है बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट वर्क नहीं करता डिफरेंट टाइप की हॉर्मोनल थेरेपी है ठीक है हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं आपका इम्यून सिस्टम उसके अंगेंस्ट वर्क ही नहीं करता क्यों क्योंकि उसका मॉलिकुलर वेट कम है अगर मॉलिकुलर वेट कम है तो बॉडी उसको एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करे मतलब बॉडी उस, उसके अंगेंस्ट ठीक है एज अ फॉरन पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करेगी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी डिस्ट्रॉय नहीं करेगी हाँ पर अगर मॉलिकुलर वेट कम से कम टेन डाल्टन या उससे ज़्यादा है तो वो एंटीजन की तरह बिहेव करेगा और बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करेगी और उसको डिस्ट्रॉय करेगी ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है इसका मॉलिकुलर वेट ठीक है अब एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी से इंटरक्ट करता है इस पार्ट को हम बोलते हैं एपीटोप्स क्या बोलते हैं इसको ये क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं एपीटोप्स और अगर मैं एंटीबॉडी की बात करता हूं मान लो एक एंटीबॉडी भी बना देते हैं ठीक है ठीक है? है ये एक एंटीबॉडी है ये ऐसे ऐसे देखो ये एक एंटीबॉडी है वाई शेप में देख रही है आपको एंटीबॉडी तो एंटीबॉडी का वो पार्ट जो एंटीजन से इंटरेक्ट करता है पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच इंटरेक्ट विद एंटीजन इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं ठीक है इसको हम बोलते हैं पैराटोप क्वेश्चन आता है एपिटोप्स ऑफ पैराटोप यानी इंटरेक्शन जो होता है वो एपिटोप और पैराटोप का होता है तो इसको बोलते हैं पैराटोप्स तो भाई पैराटोप होते क्या है आप बोलोगे पार्ट ऑफ एंटीबॉडी या एंटीजन इंटरैक्टिंग पार्ट ऑफ एंटीबॉडी या एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी उसको बोलते हैं पैराटोप्स और एपिटोप्स किसको बोलेंगे आप बोलोगे एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन एंटी बॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी एंटीबॉडी की एंटीजन तो के बीच में नहीं होता वो इंटरेक्शन एपिटोप्स और पैराटोप के बीच में होता है जैसे चाबियां सारी एक जैसी होती हैं ठीक है भाई सबके अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा कोई की है नहीं सारी चाबी कीज एक जैसी होती है तो अंतर क्या होता है चाबी में वो पार्ट जो लॉक के

तो एंटीजन वाली पार्ट भी समझ में आई बेटा अब एंटीबॉडी को थोड़ा हम एनसीआरटी के हिसाब से लेके चलते हैं इसमें क्वेश्चन बनते हैं तो एनसीआरटी ये ओलंपियाड तक में क्वेश्चन आए हैं एंटीबॉडी के ऊपर हायर एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं और नीट में तो आते ही आते हैं एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर अब एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना अगर एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो इसमें फोर पॉलीपेप्टाइड है दो तो भाई हैवी चेन है दो लाइट चेन है ठीक है तो एंटीबॉडी को हम बोलते क्या क्या है रिप्रेजेंट एबी से करते हैं ये इमिनोग्लोबलि है बेटा एंटीबॉडी कौन है इम्यूनोग्लोब्लिन ठीक है अब मैं की बात करता हूं किस नेचर के होते हैं ये ये ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन नेचर नेचर के के होते होते हैं होते हैं यानी तो एंटीबॉडी का नेचर क्या होता है ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन अगर इन ग्लाइकोप्रोटीन की बात करता हूं उसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इसमें फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं अगर इन फोर पॉलीपेप्टाइड्स की बात करता हूं मैं इनमें टू हैवी चेन है बेटा टू लाइट चेन है तभी तो इनको बोलते हैं क्या इनको बोलते हैं एच टू एल टू एनसीआरटी ने भी लिखा है एच टू एच एल टू ठीक है यानी टू तो इसमें हैवी चेन है टू लाइट चेन है अगर मैं हैवी चेन की बात करता हूं तो इनको हमने टर्म यूज किया एच टू और लाइट चेन की बात करते हैं तो एल टू इसलिए इसको एच टू एल टू टर्म यूज करते हैं अगर आपसे कहा जाए कि एंटीबॉडी कितने टाइप के हो सकते हैं फाइव टाइप के आई जी एम आई जी जी आई जी ए आई जी डी आई जी ई इन फाइव टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पर क्वेश्चन आएगा अगर आ जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी किस पर बेस्ड होता है आप बोलोगे ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन ठीक है क्योंकि हेवी चेन जो होते हैं ये फाइव टाइप के होते हैं फाइव टाइप के टाइप अगर मैं हेवी चेन के टाइप्स की बात करता हूं समझना मेरी बात अगर मैं टाइप्स की बात करता हूं तो सबसे पहले टाइप के हेवी चेन होते हैं ठीक है रिड्यूसिंग ऑर्डर में लिख देते हैं सबसे ज्यादा होते हैं जी यानी गामा फिर होते हैं ए अल्फा म्यू डेल्टा एपसेलेन तो अगर मैं बात करता हूं हैवी चेन तो हैवी चेन कितने टाइप के नजर आ रहे हैं आपको हैवी हैवी चेन फाइव टाइप के गामा हैवी चेन होते हैं अल्फा हैवी चेन होते हैं म्यू हैवी चेन होते हैं डेल्टा हैवी चेन होते हैं और एफसेल चेन होते हैं तो ऐसे एंटीबॉडी जिनमें गामा हैवी चेन होते हैं उनको बोलते हैं आए जी 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 मतलब गामा जिनमें अल्फा हैवी चेन होते हैं आई जी ए मतलब अल्फा जिनमें म्यू हैवी चेन होते हैं आई जी एम जिनमें डेल्टा होंगे उनको आई जी डी बोलेंगे बेटा और जिनके अंदर एप्सायलन होते हैं उनके अंदर आई जी ई बोलेंगे उनको तो फाइव टाइप के एंटीबॉडी आपके सामने है बेटा तो क्वेश्चन आएगा इन फाइव टाइप के एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन किसके बेस पर हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन ऑन बेसिस ऑफ हैवी चेन ठीक है और परसेंटेज पे तो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है ठीक है और कम होते हैं अप्रोक्सीमेटली फाइव टू टेन परसेंट के आसपास ठीक है डी की बात करते हैं बेटा डी अप्रोक्सीमेटली वन परसेंट के आसपास और आई लेस देन ठीक है लेस देन वन परसेंट उससे भी कम होते हैं तो मैक्सिमम आईजीजी होते हैं होती है और मिनिमम आई होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ठीक है एक क्वेश्चन और बन सकता है ठीक है क्या कि यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड पर क्वेश्चन आ जाता है नंबर ऑफ डाई सल्फाइड बॉन्ड नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटविन ऐसे पूछ सकता है बिटविन चेन समाता हैवी चेन के बीच में देखो भाई हैवी चेन की बात करता हूं ये बड़े वाले हैवी चेन है हैवी चेन के बीच में नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं हैवी चेन के बीच में ओनली टू हैं बिटवीन हैवी चेन टू ऐसे पूछेगा बिटवीन लाइट चेन लाइट चेन अगेन बोलोगे टू भाई लाइट चेन देखो लाइट चेन में सॉरी बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन ठीक है भाई बिटवीन हैवी चेन तो ये आ गए और बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन ठीक है तो हैवी और लाइट के भाई बिटवीन लाइट भी पूछेगा तो दो होंगे ठीक है पर हैवी और लाइट के बीच में इस तरीके से आएगा क्वेश्चन बिटवीन हैवी चेन हैवी चेन के बीच में दो बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन बिटवीन लाइट एंड हैवी चेन ऐसे पूछेगा तब भी दो ही लिखोगे क्योंकि यहां पर भी वन एंड वन एंड वन ठीक है और हैवी चेन के बीच में भी वन एंड वन आपके सामने है तो नंबर ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड पर क्वेश्चन आता है पॉलीपेप्टाइड पर क्वेश्चन आता है टाइप्स पर क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन और बनता है डायग्राम से आपसे कहा जाएगा कि एंटीबॉडी भाई चाबी तो एक जैसी है पर चाबी में जो वेरिएशन आता है वो कहां था इसके टर्मिनल वाले पार्ट पर ये वेरिएबल रीजंस होते हैं ये वो पार्ट है जो एंटीबॉडी से बाइंड करता है ये ठीक है जितना टाइप के एंटीजन होंगे एटमोस्फियर में उतने ही टाइप के ये वेरिएबल रीजन बन सकते हैं हैं पर जो रिमेनिंग वाले पार्ट वो constant, वो कांस्टेंट एक जैसे होते हैं पीछे वाले पार्ट सबके एक जैसे होते हैं उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता ठीक है तो अब यहां एक कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है यानी अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई चेन तो उसके दो छोर होते हैं मिस टर्मिनस एक एन टर्मिनस एक सी टर्मिनस एन टर्मिनस ध्यान रखना एन टर्मिनस जहां पर आप कह सकते हो एन एस टू ग्रुप फ्री होता है ठीक है और सी टर्मिनस जहां पर सी एस ग्रुप फ्री होता है है ठीक तो यहां पर भी वही चीज तो है यहां देखो ऊपर लिखा हुआ एन यानी एन टर्मिनस ये क्या है एन एन टर्मिनस एन टर्मिनस ठीक है ये एन टर्मिनस है देखिये दूसरा वाला अपोजिट एंड क्या होगा सी टर्मिनस है तो आप क्वेश्चन ये आता है जो एंटीजन बाइंडिंग साइट एन टर्मिनस होते हैं सी टर्मिनस तर, होते हैं आप समझ गए ये एन टर्मिनस है ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है तो एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑलवेज एन टर्मिनस होते हैं वेरिएबल रीजन ऑलवेज एन टर्मिनस होते हैं सी टर्मिनस नहीं होते तो ये समझ में आ गया होगा एंटीबॉडी स्ट्रक्चर तो एंटीजन और एंटीबॉडी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए कोई डाउट है फिर भी आप पूछ सकते हो नो no. नो no. स आपके चाहिए मुझे ठीक है यहां तक अगर समझ में आ गया तो रिस्पॉन्स दो समझ में नहीं आया तो भी रिस्पॉन्स दो ठीक है बेटा ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है ठीक है ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है मैं डायरेक्ट एनसीआरटी की लाइन कराना चालू कर दूंगा एनसीआरटी की सारी लाइन मैंने इंक्लूड कर रखी अपनी है अपनी थ्योरी में पूरी एनसीआरटी है पर कंसेप्ट में लिखा कुछ भी नहीं रहा आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं ठीक है कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं क्योंकि बिना कंसेप्ट के फिर आप बार बार पढ़ते रहोगे कोई मतलब नहीं है ठीक है एक बार आज एक बार छप जाएगा फिर कुछ रहेगा नहीं क्योंकि तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी आपको सब पता होगा कि इस ये चैप्टर और बायोटेक्नोलॉजी दो चैप्टर ऐसे हैं नीट वालों का टारगेट है और कोरोना के टाइम पर इससे भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत तगड़ी है और लास्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी से नाइन क्वेश्चन आए थे पता हो आपको ठीक है नाइन बहुत होते हैं और इस बार इससे रिपीटेशन की प्रॉबिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि कोरोना की वजह से वो अप्लाई ढूंढते हैं ठीक है तो अप्लाइड दो चैप्टर अप्लाइड है और दोनों को को मैं दिमाग में एकदम सेट करूंगा सोचो यार एक चैप्टर से नौ क्वेश्चन होती है जिसने एक चैप्टर छोड़ दिया वो खेल खत्म हो गया ठीक है तो इम्यूनोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को दिमाग में छाप लो यार बहुत बेहतर तरीके से और ये लाइफ टाइम काम आने वाले टॉपिक है और ठीक है यूट्यूब पर बहुत सारे मतलब मैक्सिमम लेवल पे आप सोचो मैं एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहा ढेर सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बहुत समझ रहे हो ना जिनके कंसेप्ट ढीले पड़े हैं ठीक है और उनको समझाना तो पड़ेगा ही डायरेक्टली एनसीईआरटी से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको ठीक है क्योंकि तो हिडन चीजें हैं आप सोचो मतलब यूट्यूब पर भी मैं वो, वो डेटा दे रहा हूँ वो डेटा दे रहा हूं क्योंकि जो बहुत बेहतरीन डेटा है ठीक है मतलब अपनी तरफ से हर बच्चे के लिए बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है तो बस अपनी तरफ से तो मैं कहीं कुछ नहीं छोड़ने वाला एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करूंगा अब एक बात तो हमारी क्लियर हो गई कि एंटीबॉडी क्या होते हैं और एंटीजन क्या होते हैं ठीक है अब बात आती है टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी जिस पर क्वेश्चन बनता है डिवाइड कर देते हैं इसको फटाक से ठीक है तो सबसे पहले हम भाई रिड्यूसिंग ऑर्डर में ही बात करेंगे सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं हम आई जी सबसे ज्यादा मिलते हैं आईजी जी जी से स्टार्ट करते हैं भाई IGG, भाई IGG की अगर बात करते आई जी जी के अंदर गामा चेन होती है पता ही है और आईजीजी की अगर बात करते हैं तो इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं पहला क्वेश्चन स्मॉलेस्ट होते हैं इसलिए प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं जहां पर भी प्लेसेंटा को क्रॉस करने की बात आएगी यानी मदर से फीटस में ठीक है अगर प्लेसेंटा को क्रॉस कर रहे हैं तो वो आई जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता ठीक है अगर परसेंटेज की बात करता हूं आईजी की परसेंटेज नीचे लिख देता हूं अभी बताया था मैंने इसकी परसेंटेज कितनी होती है एटी यानी मैक्सिमम यही होते हैं ठीक है स्मॉलेस्ट है? होते हैं इसलिए प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं ये सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकंड अगर इनका स्ट्रक्चर देखोगे आईजीजी का सिंपल स्ट्रक्चर होता है मोनोबैलेंट होते हैं सिंपल इस तरीके से मोनोबैलेंट होते हैं तो इनके पास पूछा जाए कि एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितनी होती हैं एक और दो एंटीजन बाइंडिंग साइट्स कितने होते हैं टू तो नंबर ऑफ पैराटोप कितने होंगे उसके पास टू नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने होंगे नंबर ऑफ पैराटोप्स टू नंबर ऑफ पैराटोप्स होंगे ठीक है यह क्वेश्चन बन सकते हैं आईजीजी के ऊपर ऐसी हम बात करते हैं आईजीए आईजीए की बात करते हैं तो आईजीए के अंदर कौन सी किस टाइप की हैवी चेन होगी ए है अल्फा परसेंटेज कितना होता है IGA का? अभी मैंने बताया था परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली टेन टू फिफ्टीन परसेंट सेकेंड नंबर पर यही आते हैं अगर मैं आईजी एक ए की बात करता हूं कुछ स्पेसिफिक बातें आईजी ए के लिए जैसे पहला ठीक है इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका स्ट्रक्चर बाई बैलेंट होता है बाई है ये मोनोवैलेंट थे ये बाइबेंट है ठीक है का मतलब है अगर मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो इस तरीके से एक एंटीबॉडी ये दूसरी एंटीबॉडी ये दो एंटीबॉडी आपस में जुड़े होते हैं जे चेन के थ्रू बस समझो ये आपस में जुड़े होते हैं प्रोटीन के थ्रू ठीक है तो इनके मिलने से और इनके पास खास टाइप की एक पॉलीपेप्टाइड चेन और होती है इसको सिक्रेटरी पेप्टाइड बोलते हैं क्योंकि बॉडी के सिक्रेशन के अंदर देखने को मिलते हैं ठीक है अच्छा आईजी जी कहां देखने को मिलते हैं ये भी बता दूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट है कहां होते है? Body fluid. Body fluid. Body fluid हैं प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूड बॉडी फ्लूड बॉडी फ्लूड में प्रेजेंट होते हैं आईजी जी मैक्सिमम अमाउंट में बाई होते हैं बाई है तो नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइड कितने हो जाएंगे इसके पास फोर नंबर ऑफ पैराटोप्स फोर नंबर ऑफ पैराटोप्स कितने हो जाएंगे इसके पास फोर ठीक है भाई बाइबेलेंट हो गए नंबर ऑफ पैराटोप्स फोर हो गए बेटा ठीक है दूसरा ध्यान रखना कहां मिलते हैं ये क्वेश्चन यही बनता है प्रेजेंट इन बॉडी सीक्रेशन बॉडी सीक्रेशन जैसे कोलेस्ट्रम मदर का फर्स्ट कोलेस्ट्रम वहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट होते ही हैं ठीक है इसके अलावा ठीक है सलाइवा में भी होते हैं इसके अलावा म्यूकस में भी होते हैं एटसेट्रा बॉडी सीक्रेशन में देखने को मिलते हैं आई जी ए सेकेंड नंबर टेन टू फिफ्टीन परसेंट होते हैं चेन रिस्पॉन्सिव होती है बाइबेलेंट होते हैं इनके पास सिक्रेटरी पेप्टाइड होती है आपसे पूछे क्यों ये सिक्रेटरी है क्यों सिक्रेशन में मिलते हर तो सिक्रेशन में नहीं हो सकता क्योंकि पास भाई बाइबलेंट स्ट्रक्चर है तो नंबर ऑफ पैराटो कितने होंगे फोर होंगे नंबर ऑफ पैराटो यहां कितने होंगे टू होंगे तो हर चीज के पीछे लॉजिक है ऐसे ही नहीं ठीक है चलो ठीक है दोनों समझ में गए अब नंबर आगे बढ़ते वन टू ठीक है रिमेनिंग यहां ऐड कर देते हैं आईजीएम आजीएम आई वही आईजीएम को आईजीएम बोला क्यों बोला क्योंकि यहां पर हैवी चेन किस टाइप की होगी म्यू आईजीएम की बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट होते हैं वही चार पांच पॉइंट लार्जेस्ट होते हैं पहली बात पेंटावेलेंट होते हैं पेंटा वैलेंट ठीक है पांच पांच इनके पास तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं फाइव एंटीबॉडी के मिलने से बनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव पेंटावेलेंट होते हैं बेटा ठीक है इसलिए लार्जेस्ट होते हैं तो नंबर ऑफ पैटोप्स कितने होंगे के पास नंबर ऑफ पैरा तो एंटीजन बाइंडिंग साइड कितने होंगे टेन होंगे टेन फाइव है तो टेन होंगे ठीक है फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स इसके अलावा एक चीज और ध्यान रख सकते हो कहां मिलते हैं आईजीएम ठीक है प्रेजेंट इन सीरम एंड सरफेस ऑफ बी लिंफोसाइड बी लिंफोसाइड बी लिंफोसाइड के सरफेस पर भी मिल जाते हैं ठीक है इसके अलावा अगर बचे कितने बचे अब दो आई जी डी और एक बचा आई जी ई जो एलर्जिकली रिस्पॉन्सिबल होता है चलो इनको भी देख लेते हैं अगर हम आई जी डी की बात करते हैं D, मतलब डेल्टा हैवी चेन होगी बस दो दो बातें ध्यान रखनी है कहां होते हैं और कैसे होते हैं ठीक है तो ये मो, मोनो बैलेंट होते हैं मोनो सेम वही तो पैराटोप कितने होंगे नंबर ऑफ टू कहां प्रेजेंट होते हैं स्पेशली प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी लिंफोसाइड ये स्पेशली वहीं होते हैं प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। आई जी ई मतलब एप्सालेन। परसेंटेज समझ में आ गया होगा इसकी परसेंटेज बताई थी मैंने अप्रोक्सीमेटली फाइव टू टेन परसेंट के आसपास इसकी परसेंटेज बताई थी मैंने ठीक है अप्रोक्सीमेटली वन परसेंट के आसपास और यह बताया लेस देन वन परसेंट मोनोवेलेंट नंबर ऑफ पैटो कितने हो जाएंगे यहां पर टू शॉर्ट में लिख देता हूं ठीक है दूसरा ध्यान रखना है रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी ये वो एंटीबॉडी हैं जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो बेसिक समझ में आ गया होगा कि एंटीबॉडी फाइव टाइप के होते हैं किसके बेस पर डिवीजन किया इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है पेंटावेलेंट कौन से होते हैं और डाइवेलेंट कौन से होते हैं रिमेनिंग ऑल आर मोनोवेलेंट परसेंटेज क्या होती है लार्जेस्ट कौन से हैं स्मॉलेस्ट कौन से हैं प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करता है ठीक है और फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन कौन से एंटीबॉडी ऐसे होते हैं जो बॉडी सिक्रेशन में होते हैं ऑल ओवर एकदम ब्रेन में सेट हो गया होगा तो एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेटेड तो मुझे लगता नहीं कोई डाउट होना चाहिए बताओ एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे रिस्पॉन्स दो ओके okay. अच्छा लिम्फोसाइट बेटा लिंफोसाइड का मतलब हो गया बी लिंफोसाइड ठीक है जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर बी लिंफोसाइड की बात करते हैं चलो लिख देते हैं ये वाली बात भी अच्छा लिखा तो हमने बी लिंफोसाइड लिखा हुआ है बेटा बी लिम्फोसाग, बी लिम्फोसाग, लिख दिया है हमने तो क्योंकि बी लिंफोसाइड की सरफेस पर एंटीबॉडी होते हैं ना कौन से एंटीबॉडी होते हैं मेनली आईजी डी होते हैं पर आई आल्सो प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस ऑफ बी लिंफोसाइड अगर ऑप्शन में दोनों दे रखा हो और एक पूछा हो तो आप आई डी लगा के आओगे डी ठीक है डी फॉर डॉग और ऑप्शन में अगर बोथ होगा तो आप आई जी डी भी लगा के आओगे और आई जी एम भी लगा के आओगे बोथ ठीक है तो ये ध्यान रखना है आपको ओके ओके ऑल क्लियर बहुत बेहतर बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आईजी ए फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में नहीं बेटा आईजी ए नहीं होगा आईजी ए फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में जी एम सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स के लिए आई जी जी ध्यान रखना है फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स आई जी ठीक है हाई अमाउंट में पूरा मैंने टेबल ही समझा दिया आपको अब तो डाउट आना ही नहीं चाहिए अब टाइप्स ऑफ एक्वाइर्ड इम्यूनिटी अब एक्वाइर्ड इम्यूनिटी को भी आप टू टाइप में डिवाइड कर सकते हो जैसे ठीक है यहां हमने बात करेंगे हिमोरल इम्यूनिटी और बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बच्चा रट लेता है हिमोरल का मतलब क्या होता है hemoral मतलब बॉडी फ्लूड हिमोरल का मतलब क्या हो गया बॉडी फ्लूड ह्यूमरल इम्यूनिटी ठीक है इसको हम बोल सकते हैं बी लिम्फोसाइड बी लिम्फोसाइड मीडिएटेड इम्यूनिटी बी लिम्फोसाइड मीडिएटेड इम्यूनिटी ठीक है इसलिए इसको बी एम आई भी बोलते हैं ठीक है या इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्युनिटी भी बोल सकते हो क्योंकि बी लिम्फोसाइड तो एंटीबॉडी बनाते हैं एंटी बॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि तो आप जानते हो बी लिंफोसाइड किसमें कन्वर्ट होते हैं बी लिम्फोसाइट ही तो कन्वर्ट होते हैं प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल समझा भी चुका हूं मैं अभी प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स यानी भाई जो हिमोरल मतलब होता है बॉडी फ्लूड हिमोरल का मतलब क्या होता है ये भी समझा देते हैं बॉडी फ्लूड बॉडी फ्लूड तो जहां पर भी हिमोरल आ जाए बॉडी फ्लूड आ जाए तो भाई बी बीलिंफोसाइड एंटीबॉडी बनाते हैं ठीक है यानी प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाते एंटीबॉडी कहां होते हैं बॉडी फ्लूड में यानी ऐसी इम्यूनिटी जो बॉडी फ्लूड पर बेस्ड है जो एंटीबॉडी पर बेस्ड है आप समझ रहे हो जो बी लिम्फोसाइड पर बेस्ड है तो बॉडी फ्लूड पर बेस्ड है कॉल्ड so इम्यूनिटी, इसमें बीलिम्फोसाइड so के एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करते हैं सो इज कॉल्ड एंटीबॉडी अब क्लियर बिल्कुल इसके अंदर कौन इन्वॉल्व होता है मेमोरी सेल तो इसमें मेमोरी एक्वायर्ड है तो मेमोरी तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे अब दूसरे हम लेते हैं सेल मीडिएटेड तो अगर सेल मीडिएट की बात करते हैं तो किसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होगा इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा टी लिंफोसाइट तो क्या बोलेंगे टी लिंफोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी और जहां पर भी टी लिंफोसाइट आ गए बेटा वही टी लिंफोसाइड आप जानते हो बता भी चुका हूं मैं भाई कई टाइप के होते हैं टी हेल्पर सेल टी सप्रेसर सेल टी किलर सेल टी मेमोरी ठीक है तो ये आपको पता ही ऑलरेडी हम बता ही चुके हैं आपको ठीक है तो अगर टी लिम्फोसाइट की बात करते हैं तो टी लिख देते हैं चलो टी लिम्फोसाइट भी टी हेल्पर सेल भी होते हैं टी किलर सेल भी होते हैं टी सप्रेसर सेल भी होते हैं और टी मेमोरी यानी मेमोरी तो यहां पर भी आ गई यानी टी टीलिम्फोसाइड में भी मेमोरी होती है और बी बीलिंफोसाइड में, में, में भी मेमोरी होती है मींस ये दोनों सिस्टम मेमोरी बेस्ड हैं तभी तो ये स्पेसिफिक है तभी तो ये इंटरनल है तभी तो डाइवर्सीफाइंग है आप समझ क्योंकि इनके पास मेमोरी है और मेमोरी है इसीलिए सेल्फ और नॉन सेल्फ में आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा पहली बात अब दूसरी बात एक क्वेश्चन और आता है कि इसमें से कौन सी इम्यूनिटी है जो टिश्यू ग्राफ्टिंग में या रिजेक्शन ऑफ टिश्यू जब भी आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हो तो कोई भी किसी भी ह्यूमन का ऑर्गन किसी को भी ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता उसके लिए कुछ चीजें मैच की जाती हैं ठीक है जो एनसीआरटी ने दे भी रखा है तो मैचिंग किसकी होती है वो बताता हूं मैं आगे तो क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इन्वॉल्व इन ठीक है टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या टिश्यू रिजेक्शन या ग्राफ्ट रिजेक्शन तो आप लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ठीक है तो इसको यहां भी इस तरीके से ले सकते हैं इन्वॉल्व इन टिश्यू ग्राफ्टिंग टिश्यू ग्राफ्टिंग में जो इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है वो कौन सी इम्यूनिटी होती है आप बोलोगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है ठीक है और जब भी टिश्यू ग्राफ्टिंग करते हैं तो किस किस चीज की मैचिंग होती है ठीक है आप सुनो मेरी बात टिश्यू ग्राफ्टिंग या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर हम क्या क्या करते हैं जब भी टिश्यू ग्राफ्टिंग होगी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होगा उस समय ये क्वेश्चन आता है नंबर वन ब्लड ग्रुप मैचिंग ब्लड ग्रुप मैचिंग होगी और क्या होगा इस, इस समय पर ठीक है इसके अलावा और दो बातें ध्यान रखनी है आपको एम एच सी मैचिंग एमएससी क्या होते हैं मेजर हिस्टो कॉम्पटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स खास टाइप के एंटीजन है ठीक है अगर इनकी बात करते हैं ये भी दो टू टाइप के हो सकते हैं ये भी टू टाइप के हो सकते हैं एम एच सी फर्स्ट और एम एच सी सेकेंड ठीक है अगर एमएससी की बात करते हैं तो एक नाम और होता है हैला ह्यूमन लीकोसाइड एंटीजन हैला भी बोलते हैं एमएससी को ह्यूमन लीकोसाइड एंटीजन ठीक है मेजर हिस्टो कॉम्प्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स है इनको हैला भी बोलते हैं इनकी भी मैचिंग होती है इसमें एमएससी अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो ये कहां होते हैं बेटा प्रेजेंट ऑन ऑल सेल्स सभी सेल्स पे मिलते हैं पर जब एमएससी सेकंड की बात करते हैं तो यह ये कहां प्रेजेंट होते हैं तो आप बोलोगे प्रेजेंट ऑन लिंफोसाइड इसके अलावा और कहां होते हैं ये ठीक है लिंफोसाइड के अलावा डेंड्राइटिक सेल टाइप्स ऑफ डब्ल्यू याद रखो ठीक है इसके अलावा और कहां होते हैं मैक्रोफेज मैक्रोफेज डेंड्राटिक सेल लिम्फोसाइड ये सारे के सारे क्या होते हैं ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं जब भी कोई बॉडी में एंटीजन एंटर करता है उसको आइडेंटिफाई करने का काम यही करते हैं लिंफोसाइड डेंड्राटिक सेल और मैक्रोफेज इनकी सरफेस पर एमएससी टू मॉलिक्यूल होते हैं और एमएससी लगभग सभी के ऊपर होते हैं ठीक है तो यही एमएससी मॉलिक्यूल इनको आइडेंटिफाई करना टिश्यू मैचिंग के टाइम पर अगेन ठीक है बहुत कंपलसरी है यानी किसी का भी टिश्यू किसी को भी ठीक है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता ब्लड ग्रुप मैच करते हैं नंबर वन नंबर टू एमएससी मैचिंग होती है मेजर हिस्टो हिस्टोकॉमटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की मैचिंग होती है और नंबर थ्री हम क्या यूज करते हैं जो ट्रांसफर करेंगे उसके बाद ट्रांसफर हो जाने के बाद उसके बाद हम यहां पर यूज करते हैं इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग जैसे साइक्लोस्पोरिन ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में और साइक्लोस्पोरिन जैसे मतलब कॉर्टिसोल एक तरीके से मानो तो कॉर्टिसोल आप जानते इम्यूनो सप्रेसिव होता है ऐसे साइक्लोस्पोरिन इम्यूनो सप्रेसिव होते हैं तो इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी यूज करते हैं क्योंकि तो अगर आपका इम्यूनिटी हाइपर होगा तो किसी भी टिश्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा कर, रिजेक्ट कर देगा ठीक है तो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ब्लड ग्रुप मैचिंग की जाती है एमएससी मैचिंग की जाती है और उस समय इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी या ड्रग्स यूज किए जाते हैं जिसमें साइक्लोस्पोरिन और स्कॉटीसोल को यूज करते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले स्टार्ट कर देते हैं और ट्रांसप्लांट करने के बाद तक ये थेरेपी चलती है ठीक है उस समय उस इंसान का बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस रहता है क्योंकि उस समय पहली प्रायोरिटी है जो ऑर्गन हमने ट्रांसप्लांट किया है बॉडी उसको एक्सेप्ट कर ले तो उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस करके जैसे हाइपर ना हो जाए उसके अंगेस्ट ठीक है सप्रेस करके उस ऑर्गन को बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है काफी टाइम तक ये ड्रग चलते हैं जब बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तब धीरे धीरे इसको रिड्यूस किया जाता है बहुत धीरे धीरे ठीक है तो ये क्वेश्चन बनता है यहां पर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड इस पर कौन से किस टाइप के सेल पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का इन्वॉल्वमेंट होगा अभी बता के चुका हूं मैं ठीक है इसमें ब्लड ग्रुप मैचिंग एमएससी मैचिंग और इम्यूनो सप्रेसिव है यहां तक एकदम क्लियर होना चाहिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा अब आता है इसके बाद एक्टिव और पैसिव बेटा MHC, में दे रखा है ठीक है मेजर हिस्टो कॉम्पटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स एमएससी बोलते हैं ठीक है शॉर्ट फॉर्म में ही हमें तो शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखना उसको शॉर्ट फॉर्म में ही आता है एमएससी मेजर हिस्टो कॉम्पटेबिलिटी कॉम्प्लेक्स र एस फैक्टर नहीं बेटा आर एस फैक्टर तो मैंने समझा दिया था ना आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आर एस फैक्टर को मैच मतलब मेनली ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप के अंदर आ गया तो सब कुछ आ गया ठीक है और मेनली जो मेन प्रोटीन होते हैं वो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है इसकी मैचिंग की जाती है ओके ओके हेला फुल फॉर्म हेला मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन ह्यूमन लीकोसाइट एंटीजन यानी ऐसे एंटीजन जो स्पेसिफिकली लीकोसाइट की सरफेस पर ज्यादा देखने को मिलते हैं एपीसी एनएफएस प्रमोटिंग एपीसी एपीसी अच्छा एंड सॉरी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अच्छा ये एक्चुअल अच्छा, में ये थोड़ा सा ये मैं जो रेगुलर क्लास होती है वहां लिखा देता हूं ये टर्म थोड़े से अब यहां थोड़ा सम कंसेप्ट तो थो थोड़ा स... चाहो तो उसको हटा भी सकते हो मतलब ऐसी सेल जो बॉडी के अंदर एंटीजन को रिप्रेजेंट करती है ठीक है भाई रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जैसे कोई चोर है पकड़ा गया ठीक है तो उस चोर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्केच जो स्केच बनाने वाला होता है ना ठीक है स्केच मेकर उसको लाया जाता है ठीक है उसको बताया जाता है कि भाई चोर ऐसा था उसके ऐसा था ऐसा था उसके सर पर यह था वो था वो स्केचिंग करता है स्केचिंग ठीक है ऐसे सेल्स जो स्कैचिंग करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं ठीक है समझो लिंफोसाइट एंट्राइट सेल माइक्रोफेस जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब ये उस स्कैच उस फोटो को ठीक है लिंफोसाइट को देते हैं भाई ये है ढूंढो उसको अब पकड़ पकड़ के मारो ठीक है मीन ठीक है वो मेन काम कौन करेगा यहां पर और सेल कर रहे हैं ठीक है पर उनको आइडेंटिफाई करने का उस पैथोजन को आइडेंटिफाई करने का उसकी प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने का काम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल करते हैं लाइक दिस ठीक है तो एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ह्यूमन लिकोसाइड एंटीजन एमएससी मेजर हिस्टो हिस्टोकॉम्प्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है चलो बेटा यहां भी एकदम क्लियर होना चाहिए ओके ग्राफ्टिंग का मतलब समझते हो जब भी हम किसी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हैं ग्राफ्ट करते हैं ट्रांसफर करते हैं उसी को टिश्यू ग्राफ्टिंग बोलते हैं ठीक है देखा होगा टिश्यू ग्राफ्टिंग के अंदर भाई स्किन की ग्राफ्टिंग भी होती है ठीक है ऑर्गन की ग्राफ्टिंग भी होती है ठीक है तो ग्राफ्टिंग का मतलब ट्रांसफर करना तो बॉडी हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा तभी तो कॉर्निया ग्राफ्टिंग बहुत आसान होती है क्योंकि कॉर्निया के पास ब्लड सप्लाई नहीं होती और ब्लड के सेल ही तो उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ऐसा कोई भी टिश्यू जिसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती इजीली ग्राफ्ट किया जा सकता है पर जहां पर ब्लड का कांटेक्ट होता है उसको ग्राफ्ट इजीली नहीं किया जा सकता ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी देखो अभी इसको भी सेट करते हैं ब्रेन के अंदर भाई एक्टिव क्या है पैसिव क्या है समझना इतना तो आप जानते हो कि नॉर्मल केस में एक्टिव का मतलब जहां एनर्जी यूज होती है जब ट्रांसपोर्ट की की बात की थी हमने पैसिव का मतलब विदाउट एनर्जी कोई ट्रांसपोर्ट होता है ठीक है यानी ऐसे समझो जहां पर एनर्जी यूज होती है ठीक है बॉडी को कुछ करना पड़े यानी अगर बॉडी को एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने पड़े तो एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है अगर आप प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी ठीक है आप प्रोवाइड करा दो होस्ट को तो उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं क्योंकि उसको मेहनत नहीं करनी हुई उसको प्रपेयर एंटीबॉडी देती है एक ने एंटीबॉडी खुद प्रपेयर किए तो एक्टिव का मतलब जहां खुद प्रिपेयर किए जाते हैं और इन पैसिव का मतलब प्रपेयर्ड एंटीबॉडी आप समझाता हूं इसी को मैं ठीक है एक्टिव वो पैसिव को भी टू पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो ठीक है एक्टिव इधर पैसिव लिख देते हैं इम्यूनिटी अगर मैं एक्टिव इम्यूनिटी की बात करता हूं बेटा समझना एक्टिव इम्यूनिटी की बात करता हूं तो यहां क्या होगा एंटी बॉडी प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट ठीक है लो ठीक है कह सकते हो इंटेंसिटी होती है इसकी पट या ऐसे कह सकते हो बहुत स्लो होती है इंटेंसिटी तो हम यूज नहीं करेंगे बहुत स्लो मैकेनिज्म है क्योंकि बनाने पड़ रहे हैं ठीक है थीके? स्लो होती है पर लॉन्ग लास्टिंग होती है मतलब बहुत लंबे टाइम तक काम करती है मेन तो यही है जब इसकी बात करते हैं यहां क्या है प्रपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइडेड टू होस्ट अगर आप होस्ट को प्रपेयर्ड एंटीबॉडी प्रोवाइड कर रहे हो तो पैसिव है ठीक है बनाना ही नहीं पड़े बेटा हाँ फास्ट होती है बहुत फास्टी से काम आता है, काम करता है बट शॉर्ट ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन होता है ठीक है ये लॉन्ग लास्टिंग बहुत लंबे समय तक लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करती है ठीक है तो दो बार समझ में आए होंगे बेटा एक्टिव इम्य पैसिव क्या एक्टिव का मतलब अगर बॉडी को एंटी बॉडी प्रपेयर्ड करने पड़ रहे हैं इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स हो रहा है प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव इम्यूनिटी ठीक है पैसिव प्रपेयर्ड एंटीबॉडी बॉडी में इंजेक्ट किए जा रहे हैं ठीक है पैसिव ठीक है अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कैसे जैसे एक्टिव को आप डिवाइड कर सकते हो भाई नेचुरल और आर्टिफिशियल नेचुरल और आर्टिफिशियल पैसिव को भी डिवाइड कर सकते हो नेचुरल और आर्टिफिशियल के अंदर नेचुरल और आर्टिफिशियल भाई नेचुरल का मतलब क्या है भाई नेचुरली अगर आपकी बॉडी पैथोजन से इंटरेक्ट करती है आप इन्फेक्टिव होते हो तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाते हैं ठीक है तो मतलब नेचुरल किया बोल तो in, सकते हो एक्टिव इम्यूनिटी पर आर्टिफिशियल और इंफेक्शन इंक्लूडेड इन ठीक है आप बोलोगे एक्टिव इम्यूनिटी पर नेचुरल ठीक है तो आप ऐसे टर्म यूज करना ऑल नेचुरल इंफेक्शन एग्जाम्पल ऑल नेचुरल बस कंसेप्ट ध्यान को जितने भी इंफेक्शन आएंगे वो सब नेचुरल एक्टिव में आएंगे ठीक है वैक्सीनेशन की बात आएगी वैक्सीनेशन की जब भी बात आएगी तो वैक्सीनेशन की बात किस में आएगी भाई एक्टिव है पर आर्टिफिशियल है क्योंकि यहां वैक्सीन यूज कर रहे हो आप ठीक है अब प्रपेयर एंटीबॉडी प्रपेयर एंटीबॉडी नेचुरली भी मिलते हैं जैसे मदर से फीटस को दो तरीके से मिलते हैं एक तो प्लेसेंटा के थ्रू मिलते हैं और फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रम के थ्रू भी मिलते हैं तो नेचुरल है ठीक है पर पैसिव है तो नेचुरल के अंदर क्या क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल में एग्जाम्पल में आ जाएंगे ठीक है कोलेस्ट्रम एक दूसरा जगह प्लेसेंटा एंटीबॉडी क्रॉस क्रॉस द प्लेसेंटा ऐसे एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हैं कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट मिल्क आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा भाई पैसिव है पर आर्टिफिशियल है जब भी आपको चोट लगती है तो आप एटीएस का इंजेक्शन लगवाते हो एंटी टिटेनस सीरम उसमें क्या होता है उसमें एंटीबॉडी होते हैं टिटेनस के ठीक है एटीएस का इंजेक्शन एटीएस ए टी एस एंटी टिटनस सीरम या अगर स्नेक बाइट कर जाता है तो एंटीवैनम एंटीवेनम का भी आपको इंजेक्शन लगता है तो उसमें क्या होता है सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी स्नेक वाइट जो भी स्नेक का पॉइजन होता है वैनम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हम प्रपेयर पहले से रखते हैं तो एंटीवैनम एंटी वैनम एंटी तो एंटीवैनम और एटीएस के इंजेक्शन एंटी टिटनस सीरम एंटी टिटनस सीरम सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडी जो टिटनस के केस में यूज करते हो आप एटीएस का इंजेक्शन लगवाने जाते हो ना वो क्या है वो सिर्फ एंटीबॉडीज होते हैं प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी एट दैट टाइम तुरंत काम करते हैं आज आपके लगा तुरंत आपने इंजेक्शन लगवा लिया ठीक है तुरंत काम करते हैं ठीक है पर बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते बहुत लंबे समय तक काम नहीं करते ठीक है पर तेजी से काम करते हैं ऐसी एंटीवेनम प्रपेयर्ड है आर्टिफिशियली आपने बना रखे हैं आर्टिफिशिय रखेव है इंजेक्ट करते हो तुरंत काम करते हैं पर ऐसा नहीं बहुत लंबे समय तक काम करेंगे ये आपसे मतलब एकदम क्लियर है भाई एक्टिव का मतलब अगर बॉडी को होस्ट को एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना पड़ता है तो एक्टिव अगर प्रपेयर एंटीबॉडी प्रोवाइड कराते हो होस्ट को तो पैसिव नेचुरल भी हो सकते हैं दोनों और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं एक्टिव का केस अगर आता है नेचुरल का तो अगर बॉडी में कोई भी इंफेक्शन जैसे आपने सुना होगा स्मॉल पॉक्स एक बार हो जाते हैं तो दोबारा नहीं होते क्योंकि बॉडी के अंदर एंटीबॉडी और मेमोरी सेल बन जाते हैं क्लियर है बिल्कुल स्मॉल पॉक्स कोई भी बीमारी कोई भी इंफेक्शन ऑल इंफेक्शन इंक्लूडेड इन एक्टिव बट नेचुरल ऑल वैक्सीनेशन इंक्लूडेड इन एक्टिव बट आर्टिफिशियल क्योंकि वैक्सीन तो आप बना रहे हो ना ठीक है अब पैसिव का मतलब प्रपेयर्ड एंटीबॉडी फास्ट होते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं नेचुरली भाई नेचुरलीस्ट्रॉल फर्स्ट मिल्क के थ्रो बेबी को मिलते हैं प्लेसेंटा को क्रॉस करके भी बेबी को मिलते हैं ठीक है नेचुरल हो गया आर्टिफिशियल में एटीएस का इंजेक्शन आप जो लगवाते हो या एंटीवेनम जो आता है इंजेक्शन जिसमें स्नेक बाइट की बात लगवाते हैं उसमें भी एंटीबॉडी होते हैं सिंपल तो एक्टिव और पैसिव में भी मुझे लगता नहीं कोई कंफ्यूजन है कंसेप्ट समझ में आया होगा क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा ठीक है चलो यहां तक क्लियर है क्लियर है तो बेटा रिस्पॉन्स दो क्लियर है तो फटाक से रिस्पॉन्स दो अगर यहां तक क्लियर है तो रिस्पॉन्स चाहिए ओके चलो अब वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन को मैं फ्लो डायग्राम से खत्म कर दे रहा हूं वैक्सीनेशन किस पर बेस्ड होता है समझना मेरी बात फ्लो डायग्राम से खत्म करते हैं भाई वैक्सीनेशन किस पर बेस्ड होता है मेमोरी जहां भी वैक्सीनेशन की बात आएगी मेमोरी मेमोरी पर बेस्ड होता है कौन से सेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं लिंफोसाइड Lymphocyte. लिंफोसाइट्स का इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि लिंफोसाइट्स के पास ही तो मेमोरी होती है ठीक है पहली बात वैक्सीनेशन आर्टिफिशियली हमने पैथोजन को डिजाइन किया बॉडी को इंड्यूस किया भाई इम्यून रिस्पॉन्स के लिए पहली बार इंड्यूस किया प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंड टाइम इंड्यूस किया सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स और दोनों ही इम्यून रिस्पॉन्स में हम प्रपेयर क्या कर रहे हैं बॉडी में मेमोरी मेमोरी सेल्स इसमें किस टाइप के सेल पार्टिसिपेट करते हैं लिम्फोसाइड का पार्टिसिपेशन होता है वैक्सीन को थ्री पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो ठीक है ध्यान रखना आपको इसको हम फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन सेकंड जनरेशन वैक्सीन और थर्ड जनरेशन वैक्सीन में डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का मतलब है जो स्टार्टिंग में डेवलप किए थे उसमें हम होल ऑर्गेनिज्म को यूज करते थे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को ही बॉडी में इंड्यूस कर दिया जाता था ठीक है कैसे उस ऑर्गेनिज्म को या तो किल करके इंड्यूस करते थे या उस ऑर्गेनिज्म को वीक कर देते थे ठीक है इसको बोलते हैं एट्यूनेटेड वीक लाइव होता था जिंदा होता था पर उसको हम एट्यूनेटेड या वीक करके बॉडी में इंड्यूस करते थे ठीक है जिससे कि जब बॉडी में एंटर करता था तो बॉडी के लिंफोसाइड से उसका इंटरेक्शन होता था जिसकी वजह से मेमोरी सेल का फॉर्मेशन होता था फर्स्ट टाइम इंड्यूस करते थे मेमोरी तो सेल बनते थे सेकंड टाइम इंड्यूस करते थे तब तो जाकर के लार्ज अमाउंट के अंदर ठीक है आईजीजी का फॉर्मेशन होता था ठीक है यानी एक तरीके से होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन की जब भी बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जब सबसे पहले बनाए गए थे फर्स्ट जनरेशन इनको होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन बोलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं बताता हूं मैं ये या तो आप ऑर्गेनिज्म को किल कर दो यस ऑर्गेनिज्म को लाइव एट्यूनेटेड एट्यूनेटेड का मतलब होता है वीक समझना मेरी बात वीक करके बॉडी में इंड्यूस कर रहे हो ठीक है जिससे कि इसकी पैथोजेनेसिटी खत्म हो जाएगी ठीक है जैसे आपने सुना होगा दो बूंद जिंदगी के ठीक है ओरल पोलियो वैक्सीन खूब सुना होगा आपने ओपीवी बहुत फेमस था नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ओपीवी के लिए ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन उसमें पोलियो का लाइव पर एट्यूनेटेड यानी कमजोर वीक वायरस था ठीक है क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया भाई अगर किल्ड को आप बॉडी में इंड्यूस करोगे तो किल्ड को तो आपका इम्यून सिस्टम घेर के मार लेगा ठीक है यानी बहुत ज्यादा अच्छे से इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हो पाएगा अगर जिंदा होगा तो जिंदा अंदर बचने की कोशिश करेगा बहुत सारे सेलों से इंटरेक्ट करेंगे काफी टाइम तक फाइट चलेगी तब तक मेमोरी सेल बहुत बेहतरीन तरीके से बन जाएंगे यानी अगर बॉडी के अंदर लाइव एट्यूनेटेड पैथोजन को इंड्यूस किया जाता है तो बॉडी बहुत बेहतर तरीके से इम्यूनाइज होती है आप समझ रहे हैं मेरी बात तो अक्सर कर जो कोरोना की वैक्सीन आई है आपने सुना भी होगा कई टाइप की वैक्सीन जनरेट हुई है ठीक है एक ठीक है मतलब कई टाइप की हैं कुछ इसके अंदर जो टाइप हैं ठीक है ठीके? वो एट्यूनेटेड वाले भी हैं कुछ इसके अंदर सब यूनिट वैक्सीन भी है जो मैं बता रहा हूं मैं ठीक है सब यूनिट पर भी आ रहा हूं तो समझना मेरी बात ओपीवी का मतलब है ओरल पोलियो वैक्सीन जो लाइव एट्यूनेटेड वायरस से बनी थी बीसीजी ठीक है बीसीजी हुई ओपीवी हुई स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हुई क्योंकि तो उस समय फर्स्ट जनरेशन था फर्स्ट जनरेशन के मतलब बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी तो किल्ड करके या लाइव करके हम उन पैथोजन को बॉडी में इंजेक्ट कर देते थे, थे जिससे मेमोरी सेल का फॉर्मेशन हो जाता था आप समझ गए ना मेरी बात तो फर्स्ट जनरेशन होल ऑर्गेनिज्म अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन सेकंड जनरेशन की बात करते हैं इनको सब यूनिट बोलते हैं अब जैसे साइंटिस्ट को इतना आइडेंटिफाई हुआ कि एक्चुअल में पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं होता मेमोरी सेल बनाने के लिए उस ऑर्गेनिज्म की सरफेस पर जो प्रोटीन्स होते हैं एंटीजेंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये आइडेंटिफाई कर लिया तब हमने क्या किया क्या जरूरत है पूरे ऑर्गेनिज्म को इंड्यूस करने की क्यों ना हम उन प्रोटीन को ही इंड्यूस करें ठीक है तो इसलिए उनको वो सब यूनिट टर्म यूज किया सब यूनिट का मतलब है होल ऑर्गेनिज्म ना इंड्यूस करके उस ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर प्रोटीन को इंड्यूस करने की मैकेनिज्म ठीक है इसलिए इसको सब यूनिट वैक्सीन टर्म यूज किया गया इसमें हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन भी इंक्लूड करते हैं और टॉक्सॉइड भी अब रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या थे जैसे

ईस्ट में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया अब उस ईस्ट के अंदर वो ठीक है एंटीजन बनेगा जो हेपेटाइटिस बी की सरफेस पर था उस एंटीजन को वहां से आइसोलेट कर दिया ठीक है बाइस की फॉर्म में कन्वर्ट किया और एज ए बॉडी में इंड्यूस कर दिया तो अब हमें पूरा हेपेटाइटिस बी के वायरस को इंड्यूस करने की जरूरत नहीं है हम उसकी सब यूनिट उस पार्ट को बॉडी में इंड्यूस करेंगे एज ए एज ए वैक्सीन जो एक्चुअल में मेमोरी सेल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था इसलिए नाम दिया इनको हमने रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन या सब यूनिट वैक्सीन पर कुछ पैथोजन इतने दुष्ट थे लाइक बैक्टीरिया वो खुद कुछ नहीं करते थे पर अपने अंदर से टॉक्सिन रिलीज करते थे ठीक है तो हमने जब इन जैसे डिप्थीरिया ये तीन टाइप के होते हैं अलग अलग डिप्थीरिया तो कोर्स में भी आपके डिप्थिरिया पर्टियोसिस तीनों कोर्स में ठीक है तो हमने डिथेरिया पार्टी से तीन बैक्टीरिया थे ये टॉक्सिन रिलीज करते थे और टॉक्सिन से पैथोजेनेसिटी होती होती थी होती थी ठीक ठीक है है तो जो जो दिक्कत आ रही है वो इनके टॉक्सिन से आ रही है तो हमने क्या काम किया वैक्सीन के लिए इनके को निकाला उनको इनएक्टिव कर दिया तो इनएक्टिव टॉक्सिन को बोलते हैं टॉक्सॉइड ठीक है अब हम क्या करते हैं इन टॉक्सॉइड को बॉडी में इंड्यूस करते हैं और टॉक्सॉइड के अंगेस्ट मेमोरी सेल बन जाते हैं अगर फ्यूचर में ये बैक्टीरिया एंटर करेंगे और टॉक्सिन रिलीज करेंगे तो टॉक्सिन के अंग टॉक्सॉइड हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं यानी उन टॉक्सिन के अंगेंस्ट मेमोरी सेल बने हुए हैं तो इन बैक्टीरिया के अंगेन्ट वैक्सीन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि तो ये खुद नहीं करते हैं ये इनके टॉक्सिन करते हैं तो इनएक्टिव टॉक्सिन को टॉक्सॉइड बोलते हैं ध्यान रखना इनएक्टिव टॉक्सिन होते हैं इनएक्टिव टॉक्सिन को हम टॉक्सॉइड बोलते हैं तो ये भी एक यूनिटी तो है तो टॉक्सॉइड भी सब यूनिट में आते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हुए वैक्सीन भी सब यूनिट वैक्सीन में आते हैं ये सेकंड जनरेशन हो गई थोड़ी एडवांस अब जो थर्ड जनरेशन आ रही है वो बहुत एडवांस है अब हमने क्या किया क्या जरूरत है उस डीएनए को निकालो रिकॉम्बिनेंट बनाओ फिर ठीक है होस्ट में ट्रांसफर ट्रांसफर करके उसको ट्रांसफॉर्मेंट बनाओ

क्योंकि तो अब यहां पर उस डीएनए से प्रोटीन बनाने की जरूरत तो नहीं है उस डीएनए को भी बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दो वो डीएनए हमारे डीएनए से मिल जाएगा जो प्रोटीन आप किसी होस्ट में बना रहे थे वो प्रोटीन हमारे अंदर बनेगी यानी बॉडी हमारी परमानेंटली क्या हो जाएगी इम्यूनाइज हो जाएगी ठीक है पर इसके साइड इफेक्ट भी हैं जो हम अभी बायोटेक्नोलॉजी में बताएंगे आपको ठीक है तो बेसिक समझ में आ गए थ्री टाइप के वैक्सीनेशन है जो मेमोरी पर बेस्ड होते हैं इसलिए बी और टी इंफोसाइड पर बेस्ड है फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फर्स्ट जनरेशन होल ऑर्गेनिज्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को यूज करते थे सेकंड जनरेशन सब यूनिट यानी होल ऑर्गेनिज्म ना यूज करके उसकी एक यूनिट को यूज कर रहे हैं लाइक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन या सब यूनिट के अंदर आते हैं टॉक्सॉइड जो टॉक्सिन को इनएक्टिव करके बनाए जाते हैं ठीक है और थर्ड होते हैं डीएनए वैक्सीन ठीक है जो लेटेस्ट है जिनमें काम चल रहा है हेपेटाइटिस बी बै, बेहतरीन बै, एग्जाम्पल है ठीक है तो वैक्सीनेशन वाला पार्ट भी एकदम क्लियर होगा कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा एलर्जी भाई एलर्जी में तो आपके लेवल पे तो ज्यादा कुछ है नहीं ठीक है वो आगे लेवल पर है एलर्जी का मतलब है कि अगर आपके मास्ट सेल सेंसेटाइज हो जाएं, ठीक है जैसे मानो समझाई देता हूं उसको भी नॉर्मल ह्यूमन अगर कोई है तो नॉर्मल ह्यूमन के अंदर नॉर्मल ह्यूमन है ये ठीक है इसको एलर्जी नहीं है इसको एलर्जी नहीं है मीस इसके जो मास्ट सेल होंगे बेटा मास्ट सेल ये नॉन सेंसिटाइज मास्ट सेल है ठीक है और इन मास सेल्स के अंदर क्या होते हैं इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन लाइक सब्सटेंस सेंसिटाइजेशन नहीं होता इनका सिंपल है इसको एलर्जी नहीं होगी भाई नॉर्मल ह्यूमन है ठीक है नॉन एलर्जिक है ठीक है पर अगर मान लो इसको एलर्जी हो जाती है तो क्या होगा इसके मास सेल में चेंज दा, चेंज हो जाएगा तब आप बोलोगे इसको एलर्जी गई ठीक है अब एलर्जी का केस क्या होगा मान लो लाइफ के किसी पड़ाव में लाइफ के किसी पड़ाव के अंदर कोई जीन था वो एक्टिव हो गया ये जीन पर्टिकुलर एक ऐसा जीन था तो एक खास था प्रोटीन बनाता था मान लो उस प्रोटीन की अगर बात करते हैं, ये प्रोटीन ऐसी प्रोटीन थी जो मां सेल की सरफेस पर आकर के अटैच हो जाती थी इस प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया इस जीन ने समझना लाइफ के किसी पड़ाव में एजेंटिकल भी हो सकता है ठीक है जब ऐसा हो जाएगा तब भाई पहले इस मास्ट सेल से पहले इस मास्ट सेल से कोई भी एंटीबॉडी बाइंड नहीं कर सकती थी क्योंकि इस मास्ट सेल की सरफेस पर एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रोटीन नहीं थे ठीक है मानो कोई जीन एक्टिवेट हुआ एलर्जी का केस है ये प्रोटीन बन गए इस प्रोटीन के बनते ही अब क्या होगा इस प्रोटीन के बनते ही इस मास सेल की सरफेस पर एंटीबॉडी आके जुड़ गए कौन से एंटीबॉडी आई जो पहले नहीं थे अब जुड़ गए और आईजीई ही आप जानते हो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक है अब ये मास सेल नॉर्मल मास सेल नहीं है ये सेंसिटाइज मास सेल है ठीक है इस जीन ने क्या कर दिया सेंसिटाइजेशन कर दिया ये क्या है बेटा जो प्रोटीन है आप बोलोगे एंटी बॉडी बाइंडिंग प्रोटीन ये एंटीबॉडी बाइंडिंग प्रोटीन बन गए बेटा इनके बनते ही कौन से एंटीबॉडी बाइंड कर रहे हैं आई जी ई क्योंकि आई जी एंटीबॉडी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं ठीक है मान लो उसको डस्ट पार्टिकल से एलर्जी थी डस्ट पार्टिकल जब भी एंटर करेंगे पहले डस्ट पार्टिकल एंटर करते थे ये आई जी ई बनते थे पर दिक्कत कोई नहीं थी पर अब डस्ट पार्टिकल एंटर करेंगे जब आपके इनके मासल कैसे हो गए सेंसिटाइज तो मैसेल कैसे सेंसिटाइज मास जब मास् सेल की सरफेस पर आईजी की बाइंडिंग हो जाती है तो मासेल नॉर्मल मा सेल नहीं रहते वो सेंसिटाइज हो जाते हैं हाईली सेंसिटिव जब भी जो पार्टिकल एंटर करेगा इन आईजी से बाइंड करेगा और तुरंत मासेल का रिलीज करेंगे मासेल रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे रिलीज हिस्टा जिसकी वजह से एलर्जी होती है क्योंकि हिस्टामाइन अगर बेबजह रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो बॉडी के ब्लड वेसल्स डायलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे स्वाइलिंग आ जाएगी रेडनेस आ जाएगी आपकी बॉडी एलर्जिक हो जाएगी ठीक है तो ध्यान रखना है आपको नॉर्मल केस के अंदर मास सेल सेंसिटाइज नहीं होते क्योंकि तो उनकी सरफेस पर कोई प्रोटीन नहीं होते कोई एंटीबॉडी बाइंड नहीं होते पर मान लो किसी जीन के एक्टिवेशन की वजह से वो प्रोटीन बन जाते हैं और आईजीई की बाइंडिंग हो जाती है तब वो मास सेल नॉर्मल मास सेल ना होकर के सेंसिटाइज मास सेल हो जाते हैं और जब भी वो पार्टिकल जिसके अंगेस्ट आईजीई बने हैं वो बॉडी में एंटर करते हैं तो ये फटेंगे फटेंगे तो हिस्टामाइन रिलीज होगा जिसकी वजह से एलर्जिक सिम्टम आएंगे ठीक है आपकी बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी वो पार्टिकल जब भी एंटर करेगा ठीक है तो क्या हो जाएगा एलर्जिक सिम्टम आने चालू हो जाएंगे इसी को तो एलर्जी बोलते हैं तभी तो कई लोगों को ठीक है डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है किसी को पॉलिन से एलर्जी होती है ठीक है जिसकी बॉडी जितनी ज्यादा भाई बचपन से अगर आपको बहुत ज्यादा हाइजेनिक हाइजेनिक कंडीशन में रखा जाएगा आपकी बॉडी जितना इन्वायरमेंटल प्रोटीन से या एनवायरमेंटल सब्सटेंस से इंटरेक्ट नहीं करेगी उतनी ही बॉडी आपकी सेंसिटिव हो जाएगी ठीक है उतना ही फ्यूचर में एलर्जिक रिस्पांस बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इसी को एलर्जी बोलते हैं इसलिए बचपन से बॉडी को इंटरेक्ट होने दो तभी तो जो स्लम बच्चे होते हैं उनको एलर्जी नहीं होती पर जो जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती है बहुत ज़्यादा बचपन से ही ठीक है हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन की जाती है बहुत सेफ रखा जाता है उनको एलर्जी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि बॉडी उनकी कैसी हो जाती है आगे जाकर के सेंसिटाइज समझ गए मेरी बात और जेनेटिकल भी ये चीज हो सकती है तो बेसिक समझ में आया होगा कि एलर्जी है क्या ठीक है बेसिक समझा दिया मैंने और जिसकी वजह से एलर्जी होती है उनको एलर्जिन बोलते हैं ठीक है और एलर्जिन का रिस्पॉन्स पॉलिन हो सकते हैं ठीक है, है? माइट्स हो सकते हैं एटसेट्रा बहुत सारी चीजें जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और एंटीबॉडी कौन सी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है अभी बता चुका हूं आई जी ई एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं सबसे कम होती हैं। तो एलर्जी बेसिक समझ में आ गया होगा एलर्जी में होता क्या है मैकेनिज्म भी पूरा बता दिया मैंने अब ये तो एक लाइन में भाई अपने हुए पराए जब अपने अपनों की तरह बिहेव ना करके परायों की तरह बिहेव करते हैं मीन्स अपने ही एंटीबॉडी अपने ही एंटीजन के अंगेस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बहुत सारे डिसऑर्डर हैं ठीक है हासीमोटो डिसीज रोमेटो अर्थराइटिस मैंने पढ़ाया था आपको माइस्थिन मैंने आपको माइसिन कहाँ पढ़ाया था हाँ मूवमेंट एंड लोकोमोशन के अंदर ठीक है ढेरों सारे डिसऑर्डर्स हैं ठीक है जो ऑटो इम्यून में इंक्लूडेड हैं ठीक है तो इसमें बस क्या है कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम इतना हाइपर हो जाता है वो आइडेंटिफिकेशन ठीक है सेल्फ और नॉन सेल्स में आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता और अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून आप समझ गए हो इम्यून सिस्टम इन अवर बॉडी अगर इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है मैं एक लाइन में समझा देता हूं पूरा टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन इम्यून सिस्टम में इसी पे क्वेश्चन आएगा भाई टू टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन इंक्लूडेड है इम्यून सिस्टम में प्राइमरी लिम्फॉइड और सेकेंडरी लिम्फाइड और सेकेंडरी लिंफॉइड ऑर्गन भाई प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस क्या होता है भाई प्राइमरी का मतलब ठीक है किसके रिस्पॉन्सर होते हैं प्राइमरी फॉर्मेशन मैचुरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन लिंफोसाइड का तो फॉर्मेशन मैचुरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लिंफोसाइड जहां पर लिंफोसाइड का फॉर्मेशन मैचुरेशन डिफरेंशिएशन डिफरेंसिएशन होता है वो सारे सारे प्राइमरी ऑर्गन है जैसे प्राइमरी में कौन कौन इंक्लूड होगा आप जानते हो बी लिंफोसाइड सॉरी बोन मैरो बोन बोनमेरों में ऑल लिंफोसाइट का फॉर्मेशन होता है पर अगर मैं बात करता हूं थाइमस थाइमस में क्या होता है मैचुरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन टी टीलिंफोसाइड

विद एंटीजन एंटीजन को एजी से देखते हैं जहां पर भी एंटीजन से इंटरैक्शन होगा वो सारे के सारे सेकेंडरी लिंफाइड ऑर्गन होते हैं जैसे ठीक है स्प्लीन ठीक है जैसे ठीक है लिम्फ नोड ठीक है स्प्लीन हो गया लिम्फ नोड हो गया ठीक है इसके अलावा पेयर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं इलियम के अराउंड चुके हैं आपको वर्मी फॉर्म में पेंटेक्स ठीक है इसके अलावा अगर बात करते हैं माल्ट नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं नेक्स्ट माल्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिफर टिश्यू एनसीआरटी में रखा है एम ए एल टी माल्ट और नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है ठीक है अगर माल्ट की बात करते हैं फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल लिम्फाइट टिश्यू टोटल लिंफॉइट टिश्यू का 50 परसेंट अकेले माल्ट होते हैं म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइट टिश्यू जो गट की म्यूकोसा में मिलते हैं प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ गट प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ गट जो हमारी गट की म्यूकोसा में मिलते हैं वो माल्ट हैं टोटल लिंफॉइड टिश्यू का भाई 50 परसेंट ऑफ टोटल लिंफ टिश्यू अकेले माल्ट ही होते हैं ठीक है तो ये नीट में आ गए क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पैरा की लास्ट लाइन भी है ठीक है तो ये सब क्या हो गया सेकेंडरी लिंफाइड ऑर्गन तो प्राइमरी में सिर्फ दो आते हैं बोन मैरो थाइमस रिमेनिंग ऑल आर इंक्लूडेड इन सेकेंडरी लिंफाइड ऑर्गन ठीक है तो इसमें माल्ट पर ध्यान रखना है जितने भी सेकेंडरी होते हैं उसका मोर देन फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट अकेले माल्ट ही होते हैं एनसीआरटी में एक डायग्राम भी दे रखा है ध्यान रखना है आपको जगह जगह पर आपको यहां पर इस तरीके से नोट दिखेंगे इनको लिम्फ नोड बोलते हैं फिल्टरिंग यूनिट पूरे बॉडी में लिम्फ नोड बने हुए होते हैं यहां पर लिम्फ वेसल्स भी दिख रही है आपको ये लिम्फ वेसल्स हैं सारी की सारी ठीक है हम पढ़ा भी चुके हैं और यहां आपको थाइमस दिख रही है इस क्वेश्चन भी आता है वेरी इंपॉर्टेंट थाइमस की पोजिशन भी मैंने बताई थी थामस कहाँ होती है एओटा ठीक है एओटा के तो वेंट्रल साइड में होती है और स्टर्नम के डोर्सल साइड में होती पीछे यानी स्टर्नम और एओटा के बीच में ठीक है क्या होती है थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो एक मैंने बताया भी था आपको हार्मोन वाले चैप्टर में एज के बढ़ने के साथ साथ इसका साइज रिड्यूस होता है ठीक है एंटी एजिंग मतलब एज के बढ़ने के साथ इसका साइज रिड्यूस होता है ठीक है तो सारी बात क्लियर थी यानी यहां पर आपका इम्यून सिस्टम एकदम फिनिश हो जाता है तो यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बताओ इम्यून सिस्टम में कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कर दी है अब बताओ मुझे अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है कैंसर जिस पर क्वेश्चन आता है ठीक है बिल्कुल एंड एन के बीच में होती है हाँ बेटा अब यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे रिस्पॉन्स दो अगर कोई डाउट नहीं है तो बढ़िया सा रिस्पॉन्स दो ठीक है इसे आइडेंटिफाई हो कि हाँ कोई डाउट नहीं है डाउट है तो मुझे बताओ ठीक है कैंसर मैं स्टार्ट करता हूँ कैंसर बहुत बेहतरीन है आप मतलब सोच नहीं सकते हो इतना बेहतरीन है ठीक है क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है पढ़ना भी है पूरी मैकेनिज्म समझाता हूँ होता कैसे है क्या है तो एकदम क्लियर है अब कैंसर की बात करते हैं ठीक है कैंसर है क्या मैं बिल्कुल एक एक चीज करके बताऊंगा कि कैंसर और नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या होता है कैंसर क्यों होता है क्या डिफरेंस है प्रोटो ऑंकोजीन और ऑन्कोजीन के अंदर ठीक है भाई बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेट ट्यूमर में अंतर क्या है ठीक है मेटास्टेसिस टर्म कब यूज करते हैं ठीक है कि हर चार पांच में से एक को कैंसर है इतनी खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है तो कैंसर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है पूरी मैकेनिज्म वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं ठीक है जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं आप समझ रहे ना मेरी बात तो वही सारी बात करने वाले तो इनिशियल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका तो सबसे पहले बात करते हैं एक एनसीआरटी की लाइन है आपको पता होना चाहिए मोर देन अ मिलियन इंडियन सफर फ्रॉम कैंसर मतलब ये तो बहुत पुरानी लाइन है और एनुअली ढेरों सारा नंबर ऐसा है जो कैंसर से डाई हो रहा है आपको पता भी होगा कि आपके आसपास का केस देखने को मिलते होंगे कि हां उसकी डेथ हो गई मेन कॉज क्या था कैंसर तो कैंसर क्यों इस तरह तेजी से बढ़ रहा है वो क्या कारण है कैंसर के मतलब सारी बातें एकदम क्लियर करने वाले हैं ठीक है ठीके? एक एक चीज ठीक है आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या होता है ठीक है कैसे आइडेंटिफाई करोगे एक नॉर्मल सेल सेल है क्यों उसकी क्योंकि ग्रोथ हो रही है तो कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं मैं फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करता हूं समझना अगर हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं कैंसर सेल की बात इधर करते हैं क्योंकि तो नीट में क्वेश्चन आया हुआ है जो एनसीआरटी में भी नहीं है टीलोमर सिक्वेंस के ऊपर तो बहुत अच्छे से समझने पड़ेगा आपको अगर मैं नॉर्मल सेल की बात करता हूं ठीक है जिसमें भी कैंसर नहीं हुआ ठीक है वो किसी प्रॉपर्टी क्या होगी ठीक है तो अगर नॉर्मल सेल की बात करते हैं तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन प्रेजेंट होता है समझाता हूं मैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन नॉर्मल सेल शो करती है पर कैंसर सेल के केस में कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होता समझाता हूं क्या होता है कॉन्टैक्ट इनिबिशन ठीक है दूसरा पॉइंट यहां पर यहां पर इनवेजिवनेस समझ समझाता हूं इसको भी क्या होती है इनवेजिवनेस यहां पर प्रेजेंट होती है पर कैंसर सॉरी स क्या होती समझाता पर इनवेवनेस नहीं होती ठीक है यहां पर प्रेजेंट होती है पहले इन दोनों को एक्सप्लेन करूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे मान लो एक पैटरी डिस्क है। इस पैटरी डिस्क में कोई मीडियम आपने रख दिया ठीक है भी मीडियम रख दिया आपने, जिस पर आप सेल को ग्रो कराओगे ठीक है अब इसके ऊपर सेल को रखा, ठीक है? ये अच्छा, कुछ सेल दिखा देते हैं ओल्ड वाली कुछ सेल पहले से रखी हुई थी ठीक है आपने एक सेल को के यहां रख दिया एक सेल को उठा के रख दिया आपने आप अब ये सेल ग्रो करना स्टार्ट करेगी एक से दो बनाएगी इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा समझना सेल ग्रो करती जा रही है ग्रोथ करती जा रही है डिवीजन करती जा रही है डिवीजन करती जा रही है डिवीजन करती जा रही है पर ये सेल जब और सेल के कांटेक्ट में आ जाएगी दूसरी सेल के कांटेक्ट में आ जाएगी तो उसका ग्रोथ क्या हो जाएगी रुक जाएगी इसी को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन जब एक सेल किसी दूसरी सेल के कांटेक्ट में आती है तो उसकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है ठीक है कांटेक्ट इनहिबिशन देखा होगा आपका हाथ कट गया यहां से कटा तो उस जो कटा हुआ पार्ट है ठीक है वहां पर क्या होगा सेल की ग्रोथ होगी पर कब तक होगी जब तक कि वो दूसरी सेल के कांटेक्ट में नहीं आती तभी तो एक प्रॉपर शेप मेंटेन होता है वे सर्जरी करते हैं उठा के कहीं भी काट देते हैं तो सेल ब्रेक हो जाते हैं बट सेल फिर से रीजनरेट करते हैं ग्रोथ करते हैं कब तक जब तक जब कि दूसरी सेल के कॉन्टेक्ट में नहीं आते तभी तो शेप मेंटेन होगा अगर आपका ईयर यहां से कट गया ठीक है तो उसके सेल उतना ही ग्रोथ करेंगे इतना शेप मेंटेन नहीं दूसरी सेल के कांटेक्ट में आने पर ग्रोथ रुक जाएगी इसी को कांटेक्ट इनहिबिशन बोलते हैं समझ में आया होगा क्या हो रहा है कांटेक्ट इनहिबिशन तो इसी को बोलते हैं कांटेक्ट इनहबिशन अब बात करते हैं इन्वेजिवनेस क्या है ठीक है देखो सेम डिस्क लेते हैं हम अगेन इसके ऊपर भी हमने मीडियम डाला जिस पर हम कैंसर अब समझना इसके ऊपर हमने भाई नॉर्मल सेल जो पहले से थे ये रखे हुए थे नॉर्मल सेल है पहले से रखे हुए सेल्स कैंसर सेल को डाल दिया हमने इसके अंदर अब एक कैंसर सेल को उठाया हमने यहां से कलर चेंज कर देते हैं ठीक है इसको उठा के रख दिया हमने। अब कैंसर सेल क्या करेगी कैंसर सेल ग्रोथ करेगी ग्रोथ किया उसने अब ग्रोथ रुकी नहीं उसकी ये ग्रोथ बढ़ती जाएगी अनकंट्रोल जबकि और सेल को भी धकेल देगी ठीक है इसको बोलते हैं इनवेजिवनेस इनवेजन मतलब एंटर कर जाएगी दूसरी सेल के अंदर भी यानी दूसरी सेल के अंदर भी ग्रोथ कर जाएगी एंटर करा देगी उसके अंदर ठीक है इसको इन्वेजिवनेस बोलते हैं कैंसर सेल मेरी बात समझ रहे हो यानी कैंसर सेल क्या करती है अनकंट्रोल ग्रोथ करती है ठीक है उसको और सेल उस कॉन्टेक्ट इनिबिशन से मतलब नहीं है यानी कॉन्टेक्ट इनिबिशन को फॉलो नहीं कर रही ये कॉन्टेक्ट इनिबिशन को फॉलो कर रही है तो दो पॉइंट समझ में आए होंगे इसके अलावा प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट जैसे नॉर्मल सेल इनमें मोर्टिलिटी होती है जब कैंसर सेल की बात करते हैं ये इमोर्टल होते हैं इमोर्टल अमर यानी मोर्टिलिटी इनके अंदर नहीं होती ठीक है क्यों नहीं होती समझाता हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मोर्टिलिटी होती है क्योंकि यहां पर क्या होता है टीलोमरेस एक्टिविटी सप्रेस होती है ठीक है जबकि यहां पर क्या होता है टीलोमरेज एंजाइम एक्टिव होता है टीलोमरेज करता क्या यह भी समझाता हूं मैं ठीक है तो मान लो नॉर्मल सेल थी इस पे क्रोमोजोम थे और इन क्रोमोसोम के टर्मिनल एंड पर कुछ सीक्वेंस होते हैं इनको टीलोमर सीक्वेंस बोलते हैं क्या बोलते हैं इनको टीलोमर सीक्वेंस इनके पास टीलोमर सीक्वेंस होते हैं इनकी ग्रोथ एक पर्टिकुलर होती है नॉर्मल सेल क्या करती है एक पर्टिकुलर टाइम तक ग्रोथ करती है एक डिप्लोइड सेल की जो ग्रोथ का टाइम है एप्रोक्सीमेटली 50 डिवीजन ठीक है 50 जनरेशन तक ग्रोथ करती है लिख देता हूं मैं 50 सेल डिवीज़न, 50 जनरेशन बस मैक्सिमम 50 जनरेशन होती है एक नॉर्मल डिप्लॉयड सेल की 50 जनरेशन के बाद अगर आप इस सेल का स्ट्रक्चर देखोगे 50 जनरेशन के बाद तो 50 जनरेशन के बाद इस सेल के अंदर टीलोमर सीक्वेंस गायब हो जाते हैं क्योंकि तो टीलोमर सीक्वेंस को बनाने के लिए टीलोमरेज एंजाइम रिस्पॉन्स टीलोमर सिक्वेंस ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है टीलोमर सिक्वेंस के ऊपर क्योंकि टीलोमरेज की एक्टिविटी सप्रेस रहती है इसलिए सेल का भाई एक सेल की लाइफ कैसे डिसाइड होती है हर डिवीजन के बाद उसका टीलोमर सिक्वेंस जो टर्मिनल एंड पर होता है क्रोमोजोम के वो कम होता चला जाता है हर डिवीजन के बाद कम होता चला जाता है ठीक है तो लगभग फिफ्टी जनरेशन तक सेल डिवाइड करती है तब टीलोमर सिक्वेंस गायब हो जाता है और जब टीलोमर सिक्वेंस गायब हो जाता है तो सेल ऑटोमेटिकली सुसाइड कर लेती है इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस ठीक है प्रोग्राम सेल डेथ खत्म हो जाती है ये एक प्रॉपर्टी है इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती पर कैंसर सेल इस चीज को फॉलो नहीं करती ठीक है तो फिर बाद क्या होता है इसके बाद सेल शो करती है एपोपटोसिस ठीक है एपोप्टोसिस मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ सेल का ऑटोमेटिकली डेड हो जाना ठीक है एपोपोटोसिस मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ ऑटोमेटिकली भाई जब टिलोमर सिक्वेंस नहीं होंगे तो प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी हो जाएगी सेल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगी देन खत्म ठीक है ये बहुत सुंदर मैकेनिज्म है हमारे अंदर पर कैंसर सेल क्या करती है भाई इसके बाद टिलोम एंजाइम एक्टिवेटेड है टीलोमर एंजाइम एक्टिवेटेड है उसकी सेल डिविजन क्या होती है सेल इन्फिनिटी इन्फिनिटी करती रहती है क्योंकि टीलोमर जो एंजाइम होता है वो टीलोमरेज एंजाइम होता है वो ट्यूलोमर सिक्वेंस को कम ही नहीं होने देता हर डिवीजन में फिर मेंटेन कर देता है फिर डिवीज़नों की फिर मेंटेन कर देता है जब टीलोमर सिक्वेंस मेंटेन ही रहेगी वो कम ही नहीं होगी तो क्या होगा अनकंट्रोल ग्रोथ इमोर्टल अमर हो गई क्योंकि यहां पर इसकी सेल डिविजन इन्फिनिटी होती है क्योंकि टीलोमरेज एक्टिव रहता है और इन टीलोमर सिक्वेंस को कम ही नहीं होने देता इसलिए यहाँ पर एपोपोटोसिस नहीं मिलती कैंसर सेल के केस में एपोपोटोसिस नहीं मिलती तो बेसिक समझ में आया होगा कि नॉर्मल सेल कॉन्टैक्ट इनिबिशन को फॉलो करती है ठीक है और इनवेजिवनेस को फॉलो नहीं करती जबकि कैंसर सेल उल्टा करती है कॉन्टेक्ट इनिविएशन को फॉलो नहीं करती इसलिए वो दूसरी सेल में इनवेजिवनेस एंटर कर जाती है अपने साइज को बढ़ा लेती है इरेगुलर शेप एंड साइज होता है कैंसर सेल का नॉर्मल सेल का एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज होता है पर कैंसर सेल का कोई शेप एंड साइज नहीं होता वो तो एक एक समझ रहे हो ना एक डेथ की तरह कंटिन्यू कंटिन्यू ग्रोथ करना है उनको बस ग्रोथ ही करना है और कुछ भी नहीं तो ये डिफरेंस है दोनों तो के अंदर और दूसरा मैंने बताया मोर्टेटी यहां होती है यहां इमोर्टल होते हैं क्योंकि यहां टीलोम सिक्वेंस सप्रेस होता है हर डिवीजन पर टीलोमर सिक्वेंस कम होते चले जाते हैं और जब टीलोमर सिक्वेंस बिल्कुल गायब हो जाते हैं तो एपोपोटोसिस प्रोग्राम सेल डेथ स्टार्ट हो जाती है सेल खत्म अप्रोक्सिमली फिफ्टी जनरेशन तक जबकि इसके केस में टीलोमर सिक्वेंस एक्टिव होता है टीलोमरेज एक्टिवेट होता है और एक्टिवेटेड टीलोमरेज कभी टीलोमर सिक्वेंस को कम ही नहीं होने देगा कम नहीं होने देगा तो वो इमोटल हो गई मीन्स इन्फिनिटी ग्रोथ करती रहेगी इमोटल समझ गया ना मेरी बात तो ये डिफरेंस है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के अंदर चलो एक चीज समझ में आई आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल सेल अगर कैंसर सेल में कन्वर्ट होती है तो कौन मतलब सेल डि डिवाइड करती है तो क्या है इसका कंसेप्ट ठीक है ये मान लो नॉर्मल सेल है ठीक है, नॉर्मल सेल में एक्चुअल में होता क्या है ये सेल जब डिवाइड करती है तो पहले साइज बढ़ता है इस रिसेप्टर्स होते हैं इसके ऊपर समझना डिफरेंट टाइप के सेल सिग्नलिंग सबस्टेंस होते हैं उस पर बाइंड करते हैं डिविजन कराना हो ठीक है सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जब इसके पास सिग्नल जाएगा तब सेल क्या करेगी साइज को इंक्रीज करेगी क्या करेगी सेल साइज को इंक्रीज करेगी इंक्रीज साइज तो सेल का साइज क्या हो जाएगा यहां पर इंक्रीज ये हम सेल डिवीजन में पढ़ाते हैं सेल कब डिवाइड करती है जब उसका न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ जाता है सेल का साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया जब सेल का साइज बढ़ता है तब सेल डिवाइड करना स्टार्ट करती है सेल डिवीजन होता है तब सेल एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट होती है यही सेल डिवीजन का मेन मैकेनिज्म है ठीक है इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। इस तरीके से सेल डिवाइड करती है भाई एक नॉर्मल सेल है न्यूक्लियस दिखा दो सेंटर में तो सबसे पहले सेल सीखने मॉलिक्यूल होते हैं जो उसकी डिवीजन के लिए इसको स्टूमुलेट करते हैं तो वो आके बाइंड करते हैं तब सेल का साइज बढ़ना स्टार्ट होता है जब सेल का साइज नॉर्मल से ज्यादा होता है नहीं न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो बिगड़ जाता है तब जाकर के सेल डिवीजन स्टिमुलेट होती है उसमें आपने पढ़ा भी होगा साइक्लिन रिस्पॉसिबल होते हैं साइक्लिन बनने चालू हो जाते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज तो अंदर होते ही हैं तो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का सेल को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और सेल डिवीजन स्टार्ट सेल डिवीजन हो जाती है नॉर्मल सेल में ये मैकेनिज्म होती है और इसको कंट्रोल करने के लिए कोई खेल नहीं है इस सेल डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए पूरी मैकेनिज्म है इसमें दो तरीके चीजें होती हैं एक तो होते हैं इसके अंदर प्रोटो ऑंकोजीन जो बच्चा कंफ्यूज होता है वो वही समझाने वाला हूं प्रोटोकोजीन क्या है और ट्यूमर सप्रेसर जीन इसको कंट्रोल करते हैं इस डिवीजन को एक तो होते हैं प्रोटो ऑंकोजीन एक होते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रोटो ऑंकोजीन और ट्यूमर सप्रेसर से मिलकर के सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं क्योंकि भाई ट्यूमर सप्रेसर कहीं ऐसा ना हो सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाए तो उसको कौन कंट्रोल करेगा ट्यूमर सप्रेसर यानी अनकंट्रोल होने से रोकेंगे यानी नेगेटिव सिग्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये ऑलवेज ये क्या करते हैं भाई प्रोटो ऑंकोजीन ये एक तरीके से ग्रोथ रेगुलेटिंग फैक्टर यानी ग्रोथ को स्टमुलेट करते हैं यानी ये वो जीन है जो क्या प्रोड्यूस करते हैं ये बनाते हैं ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं पॉजिटिव का मतलब ग्रोथ को प्रमोट करने वाले अगर मैं प्रोटो ऑंकोजीन की बात करता हूं तो प्रोटो ओंकोजीन समझना मेरी बात ये क्या है ये भाई क्या करते हैं ठीक है ये ग्रोथ 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 रेगुलेटिंग फैक्टर रिलीज करते हैं ठीक है इसके अलावा ये क्या काम करते हैं ठीक है इसके अलावा सेल सिग्नलिंग सेल सिग्नलिंग फैक्टर रिलीज करते हैं ठीक है इसके अलावा देखो भी ग्रोथ रेगुलेशन का, का काम कर रहे हैं सेल इसके BMR को कंट्रोल करते हैं, या कह सकते हो मेटाबॉलिज्म को ठीक है कंट्रोल। इन सबको कंट्रोल करने लक्ट्रा और भी बहुत सारे काम है मतलब मेनली सेल की ग्रोथ के लिए जो भी रिक्वायर्ड होगा उन सबको डिजाइन करते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन ये एक पर्टिकुलर मैनर में काम करते हैं अगर मान लो ये हाइपर हो गए ठीक है इनमें ऐसा म्यूटेशन हुआ कि ये हाइपर हो गई तो सेल की ग्रोथ क्या हो जाएगी अनकंट्रोल और अगर मैं बात करता हूं ट्यूमर सप्रेसर ठीक है ये क्या करते हैं ये चेक पॉइंट है एक तरीके से चेक पॉइंट है ठीक है सेल साइकिल चेक पॉइंट है ठीक है चेक पॉइंट जीन है जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बहुत प्यारा एग्जाम्पल है इसी में क्वेश्चन बनता है पी फिफ्टी थ्री पी फिफ्टी थ्री ये जीवन चेक पॉइंट होता है सेल साइकिल पढ़ा होगा तो जीवन चेक पॉइंट यानी सेल में जैसे मान लो ये सेल है ये जीवन फेज है भाई सेल S फेज में तभी एंटर करेगी जब जीवन सब कुछ ओके है तभी सेल S, S फेज में एंटर करेगी ठीक है और यानी यहां पर पी फिफ्टी थ्री का काम करेगा चेक करेगा कि जीवन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई कहीं ऐसा तो नहीं जीवन फेज के अंदर डीएनए के अंदर कहीं म्यूटेशन हो गया हो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं अगर म्यूटेशन हो गया होगा तो एस फेज में वो म्यूटेंट नेक्स्ट सेल में भी एंटर कर जाएगा अनकंट्रोल ग्रोथ हो सकती है तो सेल चेक करती है एस फेज में तब एंटर करूंगी जब पहले चेक कर लेते हैं सब कुछ ओके है तो जीवन चेक पॉइंट चेक करता है कि सब कुछ ओके है तो नेक्स्ट फेज में एंटर करेगी ऐसे ही एस फेज चेक पॉइंट होता है ऐसे एम फेज चेक पॉइंट होता है तो फिफ्टी थ्री सबसे कॉमन चेक पॉइंट है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर बनता है ठीक है ये ट्यूमर सप्रेसर जीन ऐसी प्रोटीन बनाता है अगर डीएनए में कहीं भी कोई दिक्कत आ जाती है तो तुरंत ही इस सेल को अरेस्ट कर देता है और एपोपोटोसिस के लिए डेथ के लिए इंड्यूस करता है एपोपोटोसिस यानी सेल म्यूटेंट सेल आगे बढ़े उससे अच्छा है उसको अरेस्ट करके खत्म कर दिया जाए ठीक है तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करते हैं ट्यूमर सेल को आगे ग्रो ही नहीं होने देते वो वहीं उनको अरेस्ट कर देते हैं सेल साइकिल को और उनकी एपोपोटोसिस को इंड्यूस करते हैं यानी इसको प्रोग्राम सेल डेथ बोलते हैं और सेल की डेथ हो जाती है सोचो इतने इंपॉर्टेंट जीन है ये चेक पॉइंट है अगर इन चेक पॉइंट में म्यूटेशन हो गई तो क्या होगा यानी म्यूटेंट जीन आगे बढ़ जाएगा और सेल अनकंट्रोल हो जाएगी ठीक है या ये हाइपर हो गए ठीक है तो सेल की ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाएगी अगेन कैंसर यानी अगर इसमें भी प्रॉब्लम आती है समझना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगर प्रोटोनको जीन में म्यूटेशन हो जाए या ट्यूमर सप्रेशर जीन में म्यूटेशन हो जाए दोनों की किस्त में लेके चल रहा हूं जो सेल की ग्रोथ को डिवीजन को कंट्रोल कर रहे थे एक नेगेटिव ब्रेक लगा करके एक पॉजिटिव लगा करके तभी सेल ग्रोथ हो रही है इनमें अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो हो जाएगा क्या कैंसर यानी कैंसर या ट्यूमर को इंड्यूस करने के लिए ये दो मतलब बहुत सेंसिटिव जीन है इनको प्रोटोन को जीन क्यों बोला प्रोटो इसलिए बोला क्योंकि अगर इनमें अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो ऑंको में कन्वर्ट हो सकते हैं ऐसे जीन जो बहुत सेंसिटिव हो जो सेल की डिवीजन को कंट्रोल करते हो ठीक है या सेल के ग्रोथ के के ग्रोथ लिए लिए डिवीजन के लिए, जो एसेंशियल है है या सिग्नलिंग सबस्टेंस है, या सिग्नलिंग फैक्टर्स है उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो अगर वो हाइपर हो जाते हैं ड्यू टू म्यूटेशन तो अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी या ग्रोथ समझना मेरी बात ग्रो ऐसे जो चेक पॉइंट है ठीक है कहीं ना कहीं ग्रोथ को सप्रेस करने का काम करते हैं ये अगर म्यूटेंट हो जाते हैं तो ग्रोथ सप्रेस नहीं हो पाएगी अगेन समझ रहे हो ना कैंसर हो जाएगा तो सेल की साइक ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए दोनों फैक्टर समझ में आए होंगे बेटा कि सेल तभी डिवाइड करती है सबसे पहले उसका साइज बढ़ता है इसके लिए सेल सिग्नलिंग तब सेल डिवीजन होती है इसको कंट्रोल करने के लिए दो तो सिस्टम है और इन सिस्टम में अगर म्यूटेशन हो जाएगी तो कैंसर होगा अनकंट्रोल ग्रोथ होगी फिर वो सारी प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई थी वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएंगी तो एक बात समझ में आई होगी मुझे लगता नहीं यहां तक तो कोई डाउट होना चाहिए यहां तक तो कोई डाउट है बेटा मैं मुझे पता है कि YouTube के बच्चों को इतना शायद डाइजेस्ट हो पाएगा नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता पर क्वालिटी है मतलब अपनी तरफ से तो बेहतर क्वालिटी में दे रहा हूं ठीक है वाकई में जो आपने नहीं पढ़ा आपने मिस किया है आप डायरेक्टली वो चीजें पढ़ते रहे हो तो बेहतर से बेहतर चीज देने की कोशिश कर रहा हूं हर चीज बहुत कंसेप्चुअल समझाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है और कैंसर और इम्यूनिटी और ड्रग्स ये तीन टॉपिक को मैं बहुत बेहतर तरीके से कराऊंगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा कैंसर अभी अभी स्टार्ट किया है बेटा कैंसर समझा रहा हूं विरोज नो डाउट नो डाउट ओके 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 अभी तो सिर्फ इतनी सी बात बताई है ठीक है शैली पूछ रही है सर डीप में पढ़ा रहे हो बच्चों को जरा भी समझ में नहीं आता तो लगता है कि सर डीप में पढ़ा रहे हैं मैं डीप में नहीं पढ़ा रहा सर कंसेप्ट बता रहा हूँ ठीक है भाई कैंसर रट्टा भाई कैंसर में है क्या अनकंट्रोल ग्रोथ ठीक है तो अनकंट्रोल ग्रोथ अगर समझ में ही नहीं आएगी ठीक है और दो हॉट टॉपिक है हर साल क्वेश्चन आ रहा है अब टीलोमर सिक्वेंस पर क्वेश्चन आया हुआ है ठीक है तीन दो, स, दो साल पहले ठीक है एनसीआरटी में तो नहीं है और मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आए थे और अब वो कंडीशन नहीं है अब कंडीशन ये है कि एक एक क्वेश्चन की वैल्यू है और इम्यूनिटी और कैंसर इससे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है बेटा ठीक है मुझे भी लगता यूट्यूग है यूट्यूब है यूट्यूब पर क्या भाई एनसीआरटी का पढ़ा दो ठीक है दो घंटे में खेल खत्म ठीक है मैं भी कर सकता था ठीक है पर P53 बेटा ट्यूमर सप्रेसर जीन है P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये तो ये तो नहीं पता यार तो तभी कि बच्चों के तो तो भी हम पढ़ाते हैं ठीक है P53 पे तो बनते हैं P53 एक, प्रो, एक जीन है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाता है उसको पी प्रोटीन बोलते हैं ये प्रोटीन सेल को अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है तो जीवन फेज में ही अरेस्ट कर देता है और एपोपोटोसिस यानी सुसाइड या डेथ के लिए इंड्यूस करता है भाई अब तू खत्म हो जा आगे नहीं बढ़ेगी उसको डिसाइड करने के लिए ये चेक पॉइंट है चेक पॉइंट का मतलब है हर फेज में चेक किया जाता है कि जीवन फेज ओके है तो सेल एंटर करेगी एस फेज में एस फेज ओके है तो सेल एंटर करेगी जी टू फेज में तो हर फेज के चेक पॉइंट होते हैं तो जीवन चेक पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है पी फिफ्टी थ्री और यह नहीं पता तो कैसे काम चलेगा ठीक है इनको ट्यूमर सप्रेसर जीन बोलते हैं उसमें एक ही जीन बताया मैंने ओनली पी फिफ्टी थ्री ठीक है जिस पर क्वेश्चन बनता है ठीक है ये ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो सेल की ग्रोथ को कराते हैं या अनकंट्रोल ग्रोथ को रोकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलकर के सेल को प्रॉपरली डिवाइड कराते हैं और इन दौर में किसी में भी अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वो कैंसर को लीड करता है एकदम क्लियर होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं अब मैं एनसीआरटी उठा ले रहा हूं पूरी एनसीआरटी अब तो एनसीआरटी आ रही है कि एक्चुअल मैं मान लो ये नॉर्मल सेल है जैसे एनसीआरटी बोलती है नॉर्मल सेल है भाई ऐसा कोई भी सबस्टेंस जो नॉर्मल सेल को ठीक है कैंसर में ट्रांसफॉर्म कर रहा है उन सबको कार्सिनोजन बोलते हैं तो एक नॉर्मल सेल को समझना एक नॉर्मल सेल है इस सेल को कितने टाइप के कार्सिनोजन इंड्यूस कर सकते हैं यानी आप कह सकते हो यहां पर ठीक है केमिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं यहां पर ठीक है फिजिकल कार्सिनोजन भी हो सकते हैं यहां पर बायोलॉजिकल कार्सिनो भी हो सकते हैं बायोलॉजिकल मतलब है कैंसर इंड्यूसिंग वायरस केमिकल का मतलब है जैसे टोबैको एक केमिकल है ठीक है ये डिफरेंट टाइप के पीवीसी बहुत सारे केमिकल होते हैं ठीक है जो कैंसर इंड्यूसिंग होते हैं फिजिकल का मतलब है डिफरेंट टाइप की रेजेस आयोनिक रेज नॉन आयोनिक रेज एक्स रेज गामा रेज अल्ट्रावायट रेज ये भी कैंसर इंड्यूसिंग होती है तो फिजिकल केमिकल ठीक है और बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं जो नॉर्मल सेल को ये नॉर्मल सेल है ठीक है नॉर्मल सेल को कन्वर्ट करती है कैंसर में मतलब ऑंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन आप ऑंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन समझते हो ऑंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है मानो ये ये ऑंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक अनकंट्रोल ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई अनकंट्रोल ग्रोथ अनकंट्रोल ग्रोथ अनकंट्रोल ग्रोथ ये बन गया कैंसर पर इस जब तक ये कैप्सूल से प्रोटेक्टेड है ये ये कैप्सुलेटेड कैप्सुलेटेड होता है 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 ठीक जब तक ये है, तब तक इतना खतरा नहीं है इसको बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं जब तक ये कैप्सुलेटेड है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक तो है क्योंकि ये फैलेंगे नहीं अभी ठीक है कैप्सुलेटिड बेनाइन ट्यूमर भाई इसको कैप्सुलेटेड बेनाइन ट्यूमर बोलेंगे ठीक है या इसको एक टर्म और जो जोड़ सकते हैं उसको कैप्सुलेटेड बेनाइन ट्यूमर है या नियो प्लाज्म बोल सकते हैं इसको उसको ने दे रखा है नियो प्लाज्म और इन सेल को नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं क्या बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स नियोप्लास्टिक सेल्स ठीक है तो कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर है इसको बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं बिनाइन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी ये घातक नहीं है फैला नहीं है और इसको नियोप्लाज्म बोल सकते हैं और सेल्स को नियोप्लास्टिक सेल्स बोल सकते हैं समझना ठीक है अब ये सेल्स क्या करते हैं ये सेल्स ये सेल्स ये कैंसर सेल की बात कर रहा हूं ट्यूमर सेल की बात कर रहा हूं ये रिलीज करते हैं ट्यूमर एनजीओ जिनेसिस एनजियोजेसिस का मतलब होता है एनजीओ टर्म लगाते हैं ब्लड वेसल्स के लिए ट्यूमर टियू, एनजियो फैक्टर ऐसे फैक्टर जो इन कैंसर सेल के अराउंड ब्लड वेसल्स को डेंसली बनाना चालू करते हैं ब्लड वेसल्स को डेंसली बनाना चालू करते हैं जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स को भरपूर अमाउंट में न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाए ठीक है ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क यहां बनना चालू हो जाता है इनके अराउंड बहुत अच्छा सा नेटवर्क इसी को बोलते हैं एंजियोजेसिस डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जो कहा इनके अराउंड क्या होता है भाई बॉडी का जो न्यूट्रिएंट है गैसेस है वो कैंसर सेल को मिलना स्टार्ट हो जाता है जिसके से नॉर्मल सेल स्टार्वेशन भूख मरी की वजह से मरना स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है तो एंजर एंजोनिज फैक्टर क्या करते हैं ठीक है ये इंक्रीज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इसकी वजह से क्या होता है बेटा इनकी वजह से इंक्रीज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रियट एंड ऑक्सीजन ट्यूबर्स कैंसर सेल तो कैंसर सेल की तरफ न्यूट्रियन का ट्रांसपोर्ट बढ़ना चालू हो जाता है जिसकी वजह से जो नॉर्मल सेल होते हैं वो स्टारवेशन की वजह से भूखमरी की वजह से मरना स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है तो सिंपल है भाई बायोलॉजिकल केमिकल फिजिकल एजेंट अगर इंड्यूस कर दिए जाएं और ये नॉर्मल सेल को ऑंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है इसको ट्यूमर बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर या नियोप्लाज्म बोल सकते हो और जो सेल्स होते हैं इनको नियोप्लास्टिक सेल्स बोल सकते हो तब ये कैंसर सेल इतने दुष्ट होते हैं ये खुद ही एंड समझना खुद ही ऐसे सेक्टर रिलीज करते हैं जो उनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स की अमाउंट को बढ़ा देता है तो जो न्यूट्रिय नॉर्मल सेल के पास जाना था वो इनके पास आ जाता है ठीक है और इस वजह से क्योंकि इनको तो न्यूट्रिय चाहिए क्योंकि इनको ग्रोथ करनी है ठीक है उस न्यूट्रियट और ऑक्सीजन को खुद यूज कर लेते हैं और नॉर्मल सेल स्टार्वेशन से मरना स्टार्ट हो जाते हैं तो एक ये प्रॉपर्टी है इनकी खतरनाक प्रॉपर्टी है ठीक है फिर क्या होता है समझना नेक्स्ट आगे क्या होगा जब तक ये एक जगह है ठीक है तब तक तो समझ में आ गया ठीक है समझ में आ रहा है हमारा ठीक है कि ये कैप्सुलेटेड है एक जगह है बिनाइन ट्यूमर है कैप्सुलेटेड है एक ही जगह है बिनाइन ट्यूमर है कोई दिक्कत नहीं है तब तक तो आप ट्रीटमेंट करा लो ठीक है जो भी कुछ है पर अगर ये कैप्सूल रप्चर हो गया अगर ये कैप्सूल फट गया बेटा समझना तब क्या होगा अगला केस मान लो कैप्सूल गया अब कैप्सूल गया अब क्या होने वाला है भाई कैप्सूल गया तो बस अब ये कैंसर सेल बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे कैंसर सेल बाहर निकलने स्टार्ट हो गए मीस अब जैसे कैंसर सेल एंटर कर जाएंगे हमारे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के अंदर ठीक है बहुत समझना अच्छे से कि यहां क्या हो रहा है ये कैंसर सेल एंटर कहां कर जाएंगे हमारे सर्क्यूलेटरी सिस्टम में आ जाएंगे और सर्क्यूलेटरी सिस्टम में एंटर करने के बाद ये जहां जाएंगे वहां एक नया कैंसर बना देंगे स्प्रेडिंग स्टार्ट हो गई स्प्रेडिंग स्टार्ट हो गई समझना यानी अब ये कैंसर सेल कहां जा रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पर सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंचेंगे और स्प्रेडिंग स्टार्ट हो गई ठीक है जब तक ये कंडीशन थी इसको बिनाइन ट्यूमर बोला हमने बस ये कैप्सूल हटा अब इसको हम टर्म यूज करते हैं कैंसर कैंसर बस कैंसर बन गया ये बन गया कैंसर ठीक है और जब कैंसर कैप्सूल हटता है फैलना स्टार्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं समझना भाई कैंसर का मतलब है उसमें स्प्रेडिंग स्टार्ट हो गई जो स्प्रेडिंग की प्रॉपर्टी होती है इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं ठीक है और जो फैल रहा है इसको मैलिग्नेंसी बोलेंगे ठीक है या ठीक है मेलिग्नेंट हो गया मेलिग्नेंट का मतलब है फट गया ठीक है निकल गया बाहर मेलिग्नेंट हो गया और मेलिग्नेंट होने के बाद जो स्प्रेडिंग की जो प्रॉपर्टी है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेडिंग इसी को बोलते हैं स्टेसिस ये सारे क्वेश्चन बनते हैं मैटास्टेसिस पे क्वेश्चन आता है मैलिग्नेंट मैलिग्नेंट का मतलब है घातक ठीक है मैलिग्नेंट कैंसर ठीक है भाई मैलिग्नेंसी आ गई मेटास्टेसिस स्प्रेडिंग करने की प्रॉपर्टी हो गई कैप्सुलेटेड है तब तक बिनाइन ट्यूमर अगर फट गया सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया नए नए कैंसर बनाना चालू कर दिया इसने तो आप बोलेंगे भाई इसमें मेलेग्नेंसी आ चुकी है ठीक है मेलेगनेटी मेलेग्नेसी मै, का मतलब है ये स्प्रेड हो चुका है स्प्रेडिंग की प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस अब मेटास्टेसिस आ चुकी है अब कुछ नहीं हो सकता अब ये पूरी बॉडी में आ चुका है और पूरी बॉडी में फैलेगा ठीक है तो बेसिक समझ में आया कि नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या होता है प्रॉपर्टी क्या है वो समझाया मैंने फिर एक सेल डिवाइड कैसे करती है और उसकी डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए एक पॉजिटिव भी होता है एक नेगेटिव होता है यानी टीमर सप्रेसर जीन भी होते हैं और कह सकते हो कि प्रोटो ऑंकोजिन भी होते हैं ठीक है ठीके? और प्रोटो ऑंकोजिन में अगर कैंसर म्यूटेशन हो जाती है तो वो अनकंट्रोल हो जाते हैं इसलिए तो मतलब ऐसा जीन नहीं होता कि वो खास कैंसर के लिए बनाए बहुत सेंसिटिव है किसी सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको प्रोटो ऑंकोजीन बोल देंगे क्योंकि अगर ये वो जीन है कि तो उसमें अगर प्रॉब्लम हो गई तो सेल अनकंट्रोल हो सकती है इसलिए प्रोटो Oncogene बोल दिया Onco का मतलब होता है कैंसर ठीक है प्रोटो प्रोटोकोजीन बोल दिया और सप्रेसर यही दो रिस्पॉन्सिबल होते हैं केस के के अंदर किसके लिए के लिए कैंसर फॉर्मेशन एक बात क्लियर है चलो ये कैंसर वाली बात तो एकदम क्लियर हो गई होगी यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब एक बात आ रहा आती है इसके अंदर टाइप्स ऑफ कैंसर और बता दूं मैं फिर मैं एनसीआरटी पर डायरेक्ट लिया जाता हूं टाइप्स ऑफ कैंसर इसमें भी क्वेश्चन आता है कैंसर को थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ठीक है कार्सिनोमा सार्कोमा और लिंफोमा इसको ल्यूकेमिया भी बोलते हैं ल्यूकेमिया ठीक है कार्सिनोमा सार्कोमा एंड लिम्फोमा या ल्यूकेमिया समझना मेरी बात तीनों टाइप के कैंसर हो गए अगर मैं कार्सिनोमा की बात करता हूं बहुत प्यारा कैसे आइडेंटिफाई करोगे भाई एट्टी परसेंट के आसपास जो मैक्सिमम कैंसर होते हैं वो कार्सिनोमा ही होते हैं ठीक है कार्सिनोमा का मतलब है एक्टोडर्मल एक्टोडरमल एपिथेलियल टिश्यू ठीक है कैंसर इन ऐसे लिख दो कैंसर इन एक्टोडर्मल एपिथिलियल टिश्यू में कैंसर होगा तो क्या बोलेंगे उसको कार्सिनोमा ठीक है अगर यही कैंसर ठीक है मीजोडर्मल मीजो डर्मल टिश्यू में होगा तो बोलेंगे सार्कोमा समझना और यही अगर बॉडी फ्लूड में होगा बॉडी फ्लूड यानी स्पेशली हम बात करते हैं पर ब्लड कैंसर की ब्लड कैंसर इसको ल्यूकेमिया या लिम्फोमा भी बोलते हैं फिर से समझा रहा हूं मैं सबसे पहला अगर हमने बात की हमारे बॉडी का कोई भी एपिथिलियल टिश्यू जैसे लोगों का देखा होगा जो तंबाखू खाते हैं यूज करते हैं माउथ कैंसर एपीथिलियर टिश्यू कैंसर ब्रेस्ट कैंसर एपीथिले टिश्यू कैंसर कोलोन का कैंसर ईसोफेगल कैंसर गट का कोई भी कैंसर एपीथिलियल टिश्यू कैंसर ठीक है स्किन का कैंसर एपीथिलियर टिश्यू कैंसर यानी कहीं पर भी एपीथिलियल टिश्यू में अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है जिसका ओरिजन एक्टूडर्मल है समझना उसको हम क्या बोलने वाले उसको बोलने वाले कार्सिनोमास कैंसर होते हैं वो कार्सिनोमाइज होती है ठीक है हाँ सार्कोमा बहुत कम होते हैं सार्कोमा का मतलब है जैसे म्यूजोडर्मल जैसे बोन कैंसर म्यूजोटर्मल टिश्यू हो गया ठीक है जैसे बॉडी के अंदर लिगामेंट जो मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू है उनके अंदर अगर कोई कैंसर होता है तो वो सार्कोमा जो बहुत कम होता है ठीक है और लिंफोमा ब्लड कैंसर ये भी बहुत कम होता है स्पेशली ये भी मीजोडर्मल है ब्लड पर मिजोडर्मल में भी हमने क्लासीफाई कर दिया फ्लूड वाला तो ल्यूकेमिया मैंने ब्लड में भी बताया था और लिंफोमा ठीक है स्पेशली डब्ल्यू कैंसर क्योंकि ब्लड में आरबीसी में तो कैंसर हो नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं होता प्लेटिलाइट्स में हो नहीं सकता क्योंकि वो तो भाई विदाउट न्यूक्टेड है बस डब्ल्यू बी सी बचते हैं वहां अनकंट्रोल ग्रोथ हो सकती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया या लिम्फोमा तो इस तरीके से कैंसर को थ्री पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये मेन पार्ट था कैंसर वाला जहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है नॉर्मल सेल कैंसर सेल में डिफरेंस क्या है ग्रोथ कंट्रोल कैसे होती है यानी कैंसर होता कैसे है ठीक है और कैंसर के केस में जब तक वो एक जगह है ठीक है तब तक टर्म यूज करते हैं उसको बिनाइन ट्यूमर जब उसमें कैप्सूल रप्चर हो जाता है ठीक है उसमें ठीक है स्प्रेडिंग हो गई उसकी उसकी स्टार्ट हो गई तो रप्चर होते ही वो एक्चुअल में घातक हो जाता है डेंजरस हो जाता है तब उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ठीक है उसमें मैलिग्नेंसी आ गई उसके अंदर ठीक है मैलिग्नेंट हो गया और मैलिग्नेंट में जो स्प्रेडिंग की प्रॉपर्टी है उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं ठीक है भाई कहते हैं ना तो मेटास्टेसिस हो कर रहा है फैल गया बॉडी के अंदर अब कुछ हो नहीं हो सकता ठीक है तो अब हम उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसर टर्म यूज करते हैं ठीक है थीके? और जब तक एक जगह है कैप्सुलेटेड है तब ओनली बिनाइन ट्यूमर टर्म यूज करेंगे तो बेसिक समझ में आएगा किसमें डिफरेंस क्या है ठीक है टाइप्स ऑफ कैंसर भी मैंने बता दिए एकदम क्लियर है अब डायरेक्टली एनसीआर पर आ रहा हूं कॉज ऑफ कैंसर एनसीआरटी फिजिकल एजेंट केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट की बात करती है फिजिकल एजेंट के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आयोनिक रेडिएशन और नॉन आयोनिक रेडिएशन आयोनिक में क्या क्या इंक्लूड होते हैं एक्स रेज आयोनिक में इंक्लूड होते हैं गामा रेज नॉन आयोनिक के अंदर आते हैं बेटा अल्ट्रा वायलेट रेज तो एक्स रेज गामा रेज आयोनिक रेडिएशन है कैंसर कॉजिंग होती है वायलेट रेज नॉन आयोनिक रेडिएशन है ठीक है ये भी कैंसर कॉजिंग होती है ठीक है केमिकल कार्सिनोजन की बात करते हैं तो एनसीआरटी ने सिर्फ एक ही की बात की है टोबैको क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा कैंसर देखने को मिल रहा है वो टिबैको ठीक है भाई तंबाकू की वजह से माउथ कैंसर गट कैंसर ठीक है यानी हमारे पूरा स्पार्ट का कैंसर ठीक है तो टिबैको कैंसर केमिकल में डाल दिया बायोलॉजिकल एजेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के वायरस ऐसे वायरस जो अपने प्रोटोनको जीन को यानी ऐसे जीन जो हमारे सेंसिटिव जीन के संग इंटरेक्ट कर जाते हैं वहां पर पेनिट्रेट कर जाते हैं जोड़ लेते हैं और हमारे जीन को अनकंट्रोल कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे वायरस को हम क्या बोलते हैं ठीक है बायोलॉजिकल एजेंट या ऑंकोजेनिक वायरस ठीक है स्पेशली आपको एसटीडी में बताया भी था मैंने ठीक है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो जेनेटल वॉट्स करता है जेनेटल वाले पार्ट के अंदर मस्से बन जाते हैं इज अनकंट्रोल ग्रोथ ठीक है एक हेपेटाइटिस वायरस भी लिवर कैंसर कर देता है तो ठीक है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और हेपेटाइटिस वी वायरस दोनों के दोनों बायोलॉजिकल एजेंट में एटसेट्रा और भी बहुत सारे हैं ये मेन आपको ध्यान रखने जो कैंसर कॉजिंग वायरस होते हैं तो बायोलॉजिकल एजेंट केमिकल एजेंट और ठीक है फिजिकल एजेंट समझ में आ गए होंगे भाई कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस क्या तरीका है है जब तक वो एक जगह ठीक है थीके? उसको ट्यूमर बोलते हैं ठीक है थीके? तो अक्सर कर लोग पहले क्या करते थे जब ट्यूमर होता था तो उससे एक छोटा सा पार्ट निकालते थे प्रोसेस करते थे स्टेनिंग करते थे उस स्लाइड में माइक्रोस्कोप में लगा के देखते थे कैंसर सेल का स्ट्रक्चर अलग टाइप का होता है नॉर्मल सेल से ठीक है पर इससे क्या होता था जब उसके पार्ट को निकालेंगे उसको बायोप्सी बोलते हैं तो वो कैप्सूल रप्चर हो जाता था और कैंसर फैल जाता था जिसकी वजह से बहुत डेंजरस कंडीशन आती थी तो कभी भी अगर एक जगह बॉडी के अंदर है यानी ट्यूमर फॉर्म में तो कभी भी बायोप्सी नहीं करनी चाहिए पहला जो डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है सिंपल बायोप्सी है ठीक है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं इसको या बायोप्सी बोलते हैं ठीक है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बायोप्सी या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन बेटर कब है अगर उस पार्ट को आपने बॉडी से बाहर निकाल दिया अब आप चेक कर लो भाई बायोप्सी करके ठीक है या अगर वो फ्लूड में आ गया तो फ्लूड के लिए सिर्फ यही किया जाता है कुछ नहीं करना बॉडी फ्लूड को हम निकालेंगे बॉडी फ्लूड को हम प्रोसेस करेंगे स्टेनिंग करेंगे स्लाइड में लगा करके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे और कैंसर सेल दिख रहे हैं तो भाई बोल देंगे मेटास्टेसिस हो गई ठीक है मेलेग्नेंट हो गया अब जो कैंसर हो गया बॉडी फ्लूड में देखने को मिल रहा है उसके लिए यही टेक्निक है हाँ नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं अगर बॉडी के अंदर है तो एक्सरेज भी यूज कर सकते हो और कंप्यूटर टोमोग्राफी भी यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर टोमोग्राफी में भी एक्सरेज यूज होते हैं ध्यान रखना कंप्यूटर टोमोग्राफी में भी हम क्या यूज करते हैं एक्सरेज तो एक्सरेज हम कंप्यूटर टोमोग्राफी में भी यूज करते हैं और रेडियोग्राफी में तो एक्सरेज यूज करते ही हैं ठीक है तो रेडियोग्राफी और कंप्यूटर टोमोग्राफी ठीक है इसमें एक्सरेज यूज करते हैं और एक्सरेज कैंसर के लिए बहुत लीथल होते हैं मानो कैंसर है आपने एक्सरेज का एक्सपोज दे दिया ठीक है खेल खत्म ठीक है और ध्यान रखना है आपको कंप्यूटर टोमोग्राफी और एमआरआई इन दोनों के अंदर एक ही तरीका है इसमें थ्री डी यानी थ्री डी थ्री डी इमेज बनती है थ्री 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 डी भाई या तो आप कंप्यूटर टोमोग्राफी कराओ या एमआरआई कराओ ठीक है बस अंतर अंतर इतना है कि कंप्यूटर टोमोग्राफी में आप एक्सरे यूज कर रहे हो और एमआरआई के अंदर आप मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके बॉडी का थ्री इमेज बना रहे हो थ्री इमेज बनने से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि और किस पार्ट की भाई किसी भी पार्ट की थ्री इमेज देखोगे तो देखेगा यार कैंसर है या नहीं है आइडेंटिफाई कर सकते हो अब नॉर्मल ग्रोथ है या नहीं है ठीक है तो एक तो तरीका क्या है बायोप्सी एक तरीका क्या है रेडिएशन ठीक है और थ्री डी इमेज बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी और मैग्नेटिक ठीक है फील्ड जनरेट करके एम आर आई ठीक है जिसमें क्वेश्चन एक बनता है कि सबसे सेफेस्ट टेक्निक कौन सी है एम आर आई एम आर आई मैंने लिख दिया है क्वेश्चन पर बनता है सबसे सेफेस्ट कौन सा होता है एम आर आई क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं जिसमें हम एक्सरेज यूज नहीं करते ठीक है इसीलिए सबसे सेफ यही है ठीक है इसके अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं एक तरीका और है भाई तो अगर बॉडी में कहीं पर भी कैंसर है तो आप बॉडी में खास टाइप के हर्सेप्टिन नाम के प्रोटीन एंटीबॉडीज होते हैं उनको इंजेक्ट कर देते हैं वो एंटीबॉडी पर्टिकुलर वहीं बाइंड करेंगे जहां पर कैंसर सेल है क्योंकि कैंसर सेल की सरफेस पर खास टाइप के एंटीजन बन जाते हैं उनसे बाइंडिंग हो जाएगी आइडेंटिफाई करने के लिए हम डाई डाल देते हैं उसके अंदर ठीक है फ्लोरीसेंट डाई वो फ्लोरिसन डाई उन एंटीबॉडी से बाइंड कर जाती है यानी अगर कैंसर होगा तो वहां पर फ्लोरीसेंस क्लोरिसाइन डाई और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन आइडेंटिफाई कर देगा कि हाँ यहाँ कैंसर है तो ये टेक्निक भी है ठीक है एंटीबॉडी बेस्ड और ये फ्यूचर में काम चल रहा है कि मॉलिकुलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाई टू डिटेक्ट कैंसर भैया हम मॉलिकुलर बायोलॉजी के बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं कि बॉडी के अंदर क्या प्रोटोन को जीन बहुत ज़्यादा हैं अगर ज़्यादा हैं तो फ्यूचर जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन में कैंसर ना हो जाए यानी कैंसर जेनेटिकली ना ट्रांसफर हो जाए तो उसके लिए स्टडी फ्यूचर में चल रही है यह मॉलिकुलर डायग्नोसर के अंदर आती है ठीक है तो मेनली कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस तो समझ में आगे बायोप्सी रेडिएशन कंप्यूटरोग्राफी एम आर आई ये मेनली यूज होने वाली टेक्निक है और ये भी यूज कर सकते हो एंटीबॉडी फ्लोरिस डाई के साथ ये फ्यूचर में काम चल रहा है इस पर ठीक है नेक्स्ट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट भी कैंसर के कुछ ज्यादा नहीं है जब तक एक जगह कैंसर है मानो ठीक है माउथ कैंसर है सर्जरी से उस चीज को निकाल दो एक तरीका तो ये है ठीक है जब तक वो एक जगह है मानो उसके अंदर मेलेग्नेंसी आ गई मेटास्टेसिस हो गई फैल गया स्प्रेड कर गया वो अब क्या करोगे भाई उसके केस में फिर सर्जरी तो काम नहीं आएगी ना उसके केस में रेडिएशन रेडिएशन थेरेपी इसमें आप समझ रहे हो रेडिएशन में आप गामा रेज जैसी रेज देते हो खतरनाक रेज और कैंसर सेल्स के अंदर ग्रोथ क्यों रुक जाती है गामा रेज क्यों देते हैं क्योंकि कैंसर सेल तेजी से डिवाइड करती हैं तेजी से डिवाइड करती हैं तो तेजी से डिवीजन की वजह से उनके स्पिंडल फाइबर तेजी से बनते हैं जैसे गामा रेज का एक्सपोजर देते हैं ना तो वो स्पिंडल फाइबर टूट जाते हैं जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है पर ये इतने लीथल होते हैं घातक होते हैं मेरी साउंड अगर रुक जाए तो मुझे बता देना ओके बैटरी भी बिल्कुल जाने वाली है ठीक है ठीक है तो बता देना मुझे मैं बैटरी चेंज कर दूंगा तो ठीक है मोबाइल बताओगे भी कैसे मोबाइल भी तो खत्म होना चाहिए ठीक है तो गामा रेज इतने लीथल होते हैं बेटा कि गामा रेज जब कैंसर सेल पर पड़ते हैं तो स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो जाते हैं ठीक है जिससे कैंसर सेल की ग्रोथ रुक जाती है पर ये इतने लीथल होते हैं कि नॉर्मल सेल को भी खत्म कर देते हैं तभी तो इनके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं इन रेडिएशन के और कीमोथेरेपी के देखा होगा हेयर लॉस हो जाता है इसकी वजह से ठीक है और बॉडी का मतलब पूरी बॉडी स्ट्रिंक कर जाती है बहुत डेंजरस होते हैं तो तरीका ही नहीं है हमारे पास कुछ ठीक है तो एक तो रेडिएशन थेरेपी है जब तो गामा रेज यूज करते हैं हम ठीक है इसके अलावा कीमोथेरेपी है कीमोथेरेपी में हम जैसे बहुत कॉमन ड्रग है ठीक ठीक है है विन, विन ब्लास्टिन जो ठीक है इन ड्रग को हम यूज करते हैं इनके भी साइड इफेक्ट है वही हेयर लॉस वगैरह ठीक है और भाई, ये भाई कॉमन कॉमन साइड साइड सबके हैं हैं तो हेयर लॉस इफेक्ट क्योंकि इससे हमारे वो सेल भी डैमेज हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं कीमोथेरेपी से और रेडिएशन से तो इसीलिए ये तो मतलब बस ऑप्शन नहीं है इसलिए लोग करते नहीं तो कोई फायदा नहीं है इनका भी ठीक है और एक इम्यूनोथेरेपी ये लेटेस्ट हम यूज कर रहे हैं इम्यूनोथेरेपी जिसमें हम अल्फा इंटरफेरॉन बताया भी था मैंने आपको कि अल्फा इंटरफेरॉन को हम कैंसर के केस में देते हैं ये इंटरफेरॉन एक तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं यानी कैंसर को खत्म करने का इलाज हमारी बॉडी में ऑलरेडी इन बिल्ड है नेचुरल किलर सेल और टी इम्फोसाइड ये दोनों ही एंटी कैंसरस होते हैं ठीक है कैंसर कब होता है जब इनका नंबर बॉडी में कम हो जाता है तो कैसे भी इनका नंबर अगर बढ़ा दिया जाए तो ऑटोमेटिकली कैंसर का ट्रीटमेंट बॉडी खुद कर लेती है तो अच्छे डॉक्टर्स यही काम कर रहे हैं और लेटेस्ट रिसर्च यही चल रही है कि कैंसर पेशेंट को कुछ भी मत करो उसके बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करो अगर उसका बॉडी सिस्टम इम्यून सिस्टम बूस्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर के सेल ही कैंसर सेल को मारना स्टार्ट कर देंगे सबसे बेहतरीन तरीका यही है और उस इंसान को पॉजिटिव रखा जाए क्या स्पेशली नेचुरल किलर सेल और टी इंफोसाइड के नंबर को बढ़ाओ तो वो ड्रग बनाए जा रहे हैं जो तो जिनके नंबर को तेजी से बढ़ाते हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका कैंसर के ट्रीटमेंट का यही है ठीक है तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल चल रही है, चल रही है है वो इम्यूनोथेरेपी ठीक है ये कैंसर वाला पार्ट हमारा एकदम फिनिश हो गया ठीक है यहां तक दो पार्ट हमारे बहुत बड़े पार्ट कंप्लीट हो गए एक तो कैंसर और एक इम्यूनोलॉजी ठीक है अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो, तो समझ में आएगा ही आएगा हंड्रेड परसेंट मजा आएगा नहीं भी पढ़ रखा तब भी हर बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होगा क्योंकि कोई हड़बड़ाहट नहीं है मैं बहुत तरीके से करा रहा हूँ सारे कंसेप्ट के साथ करा रहा हूँ कुछ भी नहीं छोड़ूंगा हर कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा ठीक है और ड्रग तो बहुत बेहतरीन कराने वाला ही हूँ ठीक है हाँ जो जो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं ठीक है वाकई में बिल्कुल यूट्यूबर्स ही हैं तो शायद उनको दिक्कत होगी ठीक है पर वो धीरे धीरे समझेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगी दो पार्ट फिनिश हो चुके अब हमारे दो पार्ट बचे हुए हैं ठीक है एक ड्रग वाला पार्ट बचा हुआ है और एक बैक्टीरिया वाला पार्ट बचा हुआ है बहुत बेहतरीन तरीके से आपके ब्रेन में सेट करने वाला हूं अपनी तरफ से तो कोशिश पूरी करूंगा यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ और वाकई में मजा आया हो समझ में आया हो ठीक है तो रिस्पॉन्स दो मैंने बोला ना जो बच्चे यूट्यूबर्स हैं मतलब बिल्कुल तो उनके लेवल का लेक्चर नहीं है लेवल मेरा लेक्चर थोड़ा लेवल वाला लेक्चर होगा ठीक है बाकी मैं जैनुअन लेक्चर होगा जैसा होना चाहिए ओके 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 ब्रेक बेटा ब्रेक कैसे हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा ना अब आप ही सोचो भाई मैं तो ब्रेक नहीं ले रहा खाना नहीं खाया मैंने क्योंकि खाना खा के नींद आती है इसलिए लेक्चर नहीं ले पाऊंगा मैं ठीक है बस ड्रिंक के थ्रू लेक्चर ले रहा हूँ तो मैं ब्रेक नहीं ले रहा तो आप ब्रेक कैसे लोगे ठीक है तो ब्रेक मत लो बेटा ठीक है मैं अगर भूखे पेट सिर्फ ड्रिंक से मतलब पानी पी पी करके आपको पढ़ा सकता हूं ठीक है तो आप पढ़ भी सकते हो ठीक है कोई तो ब्रेक ले लेंगे तो टाइम चला जाएगा ठीक है तो मैं फुल एनर्जी के संग लास्ट तक पूरी एनर्जी मेरी रहेगी ठीक है अब जो दो टॉपिक है जिनको एकदम ब्रेन में सेट करने वाला बहुत सिंपल टॉपिक है अब, दिक, अब दिक्कत नहीं आएगी तो एकदम फोकस्ड हो जाओ ठीक है ड्रग वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ मैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब पढ़ाया तब भी बताया था हेल्थ क्या है भाई फिजिकली हेल्दी होना हेल्दी नहीं है फिजिकली के साथ साथ आपको मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए और सोशली भी हेल्दी होना चाहिए तभी आप सही मायने में हेल्दी हो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ सिंपल डेफिनेशन है डिसीज क्या होती है भाई एनी चेंज भाई बॉडी में ऐसा कोई भी चेंज जो आपकी कंफर्टनेस को खत्म कर दे ठीक है आपकी कंफर्टनेस को खत्म कर दे मींस आपके ऑर्गन जो जो भी वर्क कर रहे हैं उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को रिड्यूस करे बस समझ लो कि भाई आपको कोई ना कोई डिसऑर्डर है ठीक है एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट दैट कॉज डिसकंफर्ट एंड इफेक्ट द वर्किंग ऑफ ऑर्गन एंड सिस्टम जब वो हमारे ऑर्गन और सिस्टम की वर्किंग पर इफेक्ट डालेगा वो डिसकंफर्टनेस आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिसीज से ठीक है मतलब आपको डिसऑर्डर हो रखा है जिसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं भाई कुछ साइन और सिम्टम्स होते हैं सम साइन साइन एंड सिम्टम जो आइडेंटिफाई करते हैं उस डिसीज को भाई किस टाइप की डिसीज है बैक्टीरियल है किस तरीके की मतलब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए साइन एंड सिम्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक है तो डिसऑर्डर समझ में आया आपकी कंफर्टनेस को जो डिस्टर्ब करे आपके ऑर्गन की और सिस्टम की वर्किंग एफिशिएंसी पर इफेक्ट डालता है ठीक है उसको हम डिसीज कहते हैं जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए साइन एंड सिम्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिंपल ठीक है तो हेल्थ क्या होती है और डिसीज क्या होती है बेसिक कंसेप्ट समझ में आया आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ठीक है डिसीज अगर हम डिसीज के टाइप्स की बात करते हैं इनको टू टाइप में डिवाइड कर सकते हो इस पर क्वेश्चन बनता है कंजेनेटल डिसीज एक्वाइट डिसीज कौन जेनेटल का मतलब है जेनेटिकल डिसऑर्डर एक्वाइड का मतलब है जो एटमॉस्फेयर में आने के बाद आप एक्वायर करते हो ये तो जेनेटिकल डिसऑर्डर हो गए अच्छा कॉन्जनेटल एक्वाइड एक्वाइड आफ्टर बर्थ ठीक है इसको डिवाइड करते हैं इस पर क्वेश्चन आता है ये कम्युनिकेबल भी हो सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल भी हो सकते हैं इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं कम्युनिकेबल के अलावा एक टर्म और यूज कर सकते हो इन्फेक्सियस कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होते हैं वो कम्युनिकेबल हैं इन्फेक्सियस का मतलब होता है जो बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजो यानी माइक्रोवियल ठीक है इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड होते हैं वो सारे सारे इन्फेक्सियस हैं ठीक है तो भी बोल सकते हो ठीक है या इनको इन्फेक्शियस टर्म भी यूज़ कर सकते हो इन्फेक्शियस की मतलब है ये किसके थ्रू हो सकते हैं बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजुआ फंगस हेलमेंथीस ये सब भाई ध्यान रखना कम्युनिकेबल भी बोल सकते हो इन्फेक्सियस भी बोल सकते हो जो स्प्रेड किसके होते हैं स्प्रेड स्प्रेड थ्रू लिख देता हूं मैं थ्रू बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ फंगस हेलमेंथीज इनके थ्रू जो स्प्रेड होते हैं वो सारे सारे कम्युनिकेबल है इनफेक्सियस हैं इसमें एक ही एग्जाम्पल नीट में पूछा जाता है एड्स एड्स इस पर तो क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया ये ध्यान रखना एड्स कम्युनिकेबल है नॉन कम्युनिकेबल है आप बोलोगे कम्युनिकेबल है ठीक है कम्युनिकेबल है ध्यान रखना ये भाई क्योंकि बच्चों के दिमाग में होता है एड्स नहीं फैलता छूने से ठीक है साथ खाना खाने से हाथ मिलाने से ऐसा टीवी में एड देखते हैं बच्चा तो बच्चों को लगता है कि ये नॉन कम्युनिकेबल है ठीक है और यही गलती कर देता है तो ध्यान रखना ये कम्युनिकेबल में इंक्लूड है ठीक है क्योंकि तो ये एक समझ रहे ना मेरी बात भाई कम्युनिकेबल का मतलब है पर्सन टू पर्सन फैलता है ब्लड के कॉन्टेक्ट से भी फैल सकता है बहुत सारे तरीके हैं ठीक है या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से भी ठीक है इसलिए कम्युनिकेबल बोला इन्फेक्शियस इसलिए बोला क्योंकि डिफरेंट टाइप के इन्फेक्टिव एजेंट इसकी स्प्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सो इट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस ठीक है चलो अब नॉन कम्युनिकेबल की बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है जो स्प्रेड नहीं होते जैसे नॉन कम्युनिकेबल में कौन आ जाएगा कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है आपके सिलेबस में है, जैसे एलर्जी आपके सिलेबस में नॉन कम्युनिकेबल है जैसे डेफिशियंसी डिसऑर्डर डिफरेंट टाइप के ठीक है जैसे ड्रग एंड एल्कोहल मतलब ये चार आपके सिलेबस में इसलिए ध्यान ध्यान रखना इन पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है यहां एड्स पर ठीक है एड्स नॉन कम एड्स कम्युनिकेबल है कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है एलर्जी नॉन कम्युनिकेबल है डेफिशिय डिसऑर्डर्स नॉन कम्युनिकेबल है ड्रग एल्कोहल एब्यूज नॉन कम्युनिकेबल है ठीक है वो कम्युनिटी से नहीं फैलते ये कम्युनिटी से फैलते हैं पर्सन टू पर्सन फैलते हैं तो एक क्वेश्चन तो यहां बनता है कम्युनिकेबल कौन है नॉन कम्युनिकेबल कौन है चलो सिंपल है आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं कम्युनिकेबल ठीक है, है? सबसे पहले तो बैक्टीरियल डिसीज आपके सिलेबस में वायरल डिसीज सिलेबस में हेलमनथीज हेलमन भी सिलेबस में और प्रोटोजोन डिसीज भी सिलेबस में सबको एक तरफ से लेते हैं मैंने टेबुलर फॉर्म कन्वर्ट कर दिया मेन मेन पॉइंट लिख दिए दो मिनट में खत्म भी हो जाएंगे और याद भी रहेंगे आपको तो भाई बैक्टीरियल में ध्यान रखना टाइफाइड टाइफाइड बैक्टीरियल डिसीजीजी है बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है टाइफाइड के ऊपर एनसीआरटी okay, ने पूरा पैरा ही टाइफाइड का दे रखा है भाई सालमोने टाइफी कॉजिंग एजेंट ध्यान रखना है आपको इसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं एंटेरिक फीवर क्योंकि इसका भाई हर एक डिसऑर्डर का ध्यान रखना है मोड ऑफ इंफेक्शन कैसे है वो भाई गट के थ्रू इंफेक्शन होता है ठीक है या कह सकते हो कंटामिनेटेड फूड के थ्रू होता है वाटर के थ्रू होता है तो गट के थ्रू होगा ठीक है एयर ड्रॉपलेट के थ्रू होगा तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू होगा ठीक है तो ये ध्यान रखना है आपको टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड वाटर के थ्रू हो रहा है मीनस ठीक है ओरल वाला इन्फेक्शन ध्यान रखना है आपको तो इसलिए इसको एंटरिक फीवर भी बोल रहे हैं क्योंकि इंटस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन होता है वहां से ब्लड में भी एंटर कर सकता है और इंटस्टनल परफोरेशन कर देता है ठीक है परफोरेशन का मतलब है उसमें मतलब कह सकते हो कि इंटस्टाइन के अंदर पोर बना देता है ठीक है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है टाइफाइड के केस में तो इसको भी एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रो कंटामी किसके थ्रो एंटर कर रहा है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू एंटर करता है ठीक है वहां से अदर ऑर्गन में भी एंटर कर सकता है फीवर कितना होता है वही थर्टी नाइन से लेकर के फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक फीवर आ जाता है कॉमन सिम्टम वो सारे सारे कॉमन इनको याद नहीं करना इस पर फोकस करना है मेन मेन बातों पर जहां से क्वेश्चन बनता है कंटामिनेशन किसके थ्रू होता है फीवर कितना आता है इस पर क्वेश्चन आता है सीवियर केस के अंदर इंटेस्टनल परफोरेशन हो जाता है इसमें डेथ हो जाती है इंसान की इसके लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं विडाल टेस्ट यूज करते हैं एक लेडी का नाम था मैरी मेलन ध्यान रखना उसका नाम मत भूलना ये एनसीआरटी ने दे रखा है निक नेम टाइफाइड मैरी बोलते हैं क्योंकि तो ये लेडी जो थी एक रेस्टोरेंट चलाती थी ठीक है और इसको टाइफाइड की कैरियर थी ये ठीक है ये कई सालों तक क्या करती रही अपने फूड के थ्रो भाई कंटामिनेटेड फूड के थ्रू फूड को कंटामिनेट करती रही और कंटामिनेटेड फूड को क्या करती रही वो लोगों को देती रही कई साल तक तो कई साल तक ये बहुत खतरनाक तरीके से टाइफाइड को उसने स्प्रेड किया था कंटामिनेटेड फूड के इसलिए इसका नाम भी लोग याद रखते हैं ठीक है मैरी मैरी मेलन टाइफाइड टाइफाइड कैरियर ऑफ इसने अपने फूड के थ्रू अपना चलाती थी, थी उसके थ्रू ढेर सारे लोगों को टाइफाइड कई साल तक फैलाया ठीक है दूसरा ध्यान रखना निमोनिया भाई निमोनिया केस में दो एक तो स्टेप्टोकोकस निमोनिया ध्यान रखना है और एक हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा दोनों नाम ध्यान रखना स्टेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा अंतर क्या है निमोनिया टर्म जब भी आएगा तो लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक इंफेक्शन है कोल्ड की बात करते हैं तो अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक इंफेक्शन है ठीक है ध्यान रखना निमोनिया में आपके एलव्यूलाई में इंफ्लामेशन होता है म्यूकस का डिपोजिशन हो जाता है और कभी कभी इतना म्यूकस हो जाता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता जिसकी वजह से बॉडी में डिऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है आप समझ रहे हो और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ जाएगा तो ब्लूइश अपीरियंस आ जाएगी ब्लूइश अपीरियंस आपके लिप्स ने्ल्यू हो जाएंगे ठीक है आप समझ रहे हो ना मेरी बात यहां पर क्या होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जब भी लंग्स की बात आती है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है एरोसोल इन्फेक्शन है लोअर लंग यानी एल्विलाई के अंदर इन्फ्लामेशन होता है ठीक है इसमें एल्विलाई क्या हो जाते हैं इस इन्फ्लामेटरी फ्लूड से भर जाते हैं जिसकी वजह से जिस सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है कॉमन फीवर सभी में आएगा ठंडी सभी में लगेगी कफ हेडेक सभी में होगा ठीक है सीवियर क्या होता है यहाँ पर लिप्स ने ब्लू इन कलर ठीक है तभी आप समझ रहे हो निमोनिया में क्या होता है अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो इनमें ब्लूश अपीरियंस आ जाती है क्योंकि बॉडी में डिऑक्सीजन ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता क्योंकि लंग्स में इंफ्लामेटरी फ्लूड बढ़ जाता है यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए तो यहां तक क्लियर है दो बैटर डिजीज बताया मैंने अभी दो और बताऊंगा एक बहुत खतरनाक है ठीक है एक तो टाइफाइड से क्वेश्चन आता है एक निमोनिया से आएगा निमोनिया हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा ठीक है और स्टेप्टोकोकस निमोनी दो आपको दे रखे हैं दोनों के नाम याद रखने टाइफाइड ठीक है साल्मोनेला टाइफी आपको याद रहेगा ठीक है चलो अब डिप्थीरिया की बात करते हैं मैंने बताया भी था अगर डिप्थीरिया की बात करते हैं ठीक है अब तो जो डीपीटी वैक्सीन लगती है कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है पहले बच्चों को होता था ठीक है इसमें क्या होता था आपका जो नेक वाला रीजन है नीचे अंदर ठीक है थ्रोट वाला रीजन है यहां पर एक ग्रेश मेमरीन बन जाती थी तो बच्चों को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती थी डिप्थीरिया डिपथ्रिया केस में बट अब तो वैक्सीन अवेलेबल है ठीक है कॉर्नी बैक्टेरियम डिपथ्री कॉजिंग एजेंट होता है क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है नाम इसका ठीक है भाई फीवर सभी के केस में आएगा आपका गले वाला रीजन इस पर इफेक्टेड होगा ठीक है क्या होगा इसके अंदर इसमें सफोकेशन सफोकेशन का मतलब है आप प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाओगे तो सफोकेशन होना चालू हो जाएगा ठीक है तो डीपीटी वैक्सीन आज की डेट में अवेलेबल है इसकी ठीक है डिप केस में डी पी डी टी ये भी नहीं दिख रहा कोई नहीं वैक्सीन, चुका हूं मैं इस वैक्सीन को हम यूज करते हैं या पता भी इंडिया में सबसे पहले माइक्रोवेल वेपन्स को किसने यूज किया था तो माइक्रोवेल समझते हो ये जो कोरोना है एक तरीके से माइक्रोवेल वेपन्स ही तो है किसी कंट्री ने बनाया पूरी दुनिया में यूज किया और ये अब टाइम टू टाइम इसके नए नए स्ट्रेन आते रहेंगे किसी पे कोई शक नहीं कर सकता और देश के देश बर्बाद होते रहेंगे ये चीज चलेगी अब तुम आपको क्या लगता है कोरोना खत्म हो गया टाइम टू टाइम नए नए स्ट्रेन आएंगे बेटा इसके इसलिए अब ये अवेयरनेस हमें रखने पड़ेगी और हमें हर समय अलर्ट रहना पड़ेगा हर समय हर चीज़ का ध्यान रखना होगा मास्क हमारी लाइफ का हो सकता है एक हिस्सा बन जाए फ्यूचर में ठीक है चाइना के अंदर है तो क्योंकि पता नहीं कब कौन सा इन्फेक्टिव एजेंट कहा मैक्रो, वेपन्स की तरह ने कहा जाए तो, इसके भी देख और तो बड़ी बड़ी जो मेडिकल इंसान ठीक है वो तो आप समझ रहे आसान नहीं है इस चीज का खत्म हो जाना ठीक है तो बस सीधी सी बात है पर इंडिया में सबसे पहले इसको यूज किया था चाणक्य शायद आपको पता हो चाणक्य जब भी कहीं अटैक करना होता था तो पहले वहां जो भी सोल्जर्स होते थे ठीक है सेना सोल्जर्स उनके खाने में एक असाध मतलब उस समय जो रोग यूज करते थे प्लेग तो प्लेग चूहों को होने वाली प्रॉब्लम थी ह्यूमन को नहीं होती थी इसलिए वो अपनी जो लेबोरेटरी थी मतलब एक तरीके से उस समय की प्रयोगशाला बोल सकते हो वो एक ऐसे चूहों को रखते थे जिनको प्लेग होता था ठीक है क्योंकि तो एक्चुअल में चूहों को होने वाली प्रॉब्लम है प्लेग और चूहों की सरफेस पर एक रेड फ्ली होते हैं ठीक है चिनोपसेला चिओप्सिस वो इसको स्प्रेड करते हैं सारे चूहों के अंदर ठीक है माइस के अंदर तो वो ऐसे चूहों को रखते थे और जब भी कहीं समझ रहे हो किसी को करना है तो वहां उस खाने में इसको मिला दिया जाता था इस ऐसे चूहे को मतलब जो भी छोड़ दिया जाता था वहां पर सेना के अंदर जिनको प्लेग होता था वो कहीं ना कहीं खाने को इन्फेक्ट करते थे और खाने को जब इन्फेक्शन होता था तब क्या होता था वो इन्फेक्टेड खाना जब कोई खाएगा तो ह्यूमन के अंदर होगा और इतना डेंजरस प्रॉब्लम होती है प्लेग के अंदर जो आपके आम पेट्स होते हैं आम पेट्स में लिम्फ जो लिम्फाइड पार्ट हैं वो स्वेल्ड अप हो जाते हैं तो आप हाथ नीचे नहीं कर सकते बहुत पेन होता है इसके केस में बॉडी पर कुछ पैचेस पड़ जाते हैं और लास्ट टाइम पर ये पैचेस ब्लैक कलर के हो जाते हैं तब डेथ हो जाती है इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं तो ये यूज किए जाते थे ठीक है आप समझ गए ना मेरी बात तो प्लेग को ब्लैक डेथ भी बोलते हैं बेटा यर्सिन पैस्टिस ठीक है एक तरीके से ये क्या है कॉजिंग एजेंट है बैक्टीरिया है ठीक है ये पैरासाइट किसके ऊपर होता है रेड एक तरीके से पैरासाइट ऑफ रेड फ्ली जिनोपसेला ठीक है इसके थ्रू ये क्या होता है ये स्प्रेड होता है मतलब तो ट्रांसफर होता है एक दूसरे के अंदर इसमें होता क्या है हाई फीवर होता है इलार्जमेंट ऑफ एग्ज ठीक है लिम्फ नोड्स रेड पैचेज होते हैं जो लास्ट में ब्लैक कलर के हो जाते हैं तब डेथ हो जाती है आप समझ में आ गया होगा ये ध्यान रखना है आपको रेट को होने वाली प्रॉब्लम है यर्सिनिया पेस्टिस कॉजिंग एजेंट है रेड फ्लीस को ट्रांसफर करते हैं ठीक है ब्लैक डेथ बोलते हैं क्योंकि बॉडी का कलर ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं लास्ट टाइम पर ठीक है चलो समझ में आ गया होगा ये हो गया बैक्टेरियल डिसीज वायरल डिसीज के अंदर ज्यादा नहीं है कॉमन कोल्ड हेपेटाइटिस और पोलियो इसमें पोलियो याद करो ना करो कोई दिक्कत नहीं कि पुराने क्वेश्चन पोलियो पर आए हुए हैं नीट के या ए के इसलिए मैंने एक पोलियो डाल दिया नहीं, दो आपके सिलेबस में हेपेटाइटिस और कॉमन कोल्ड कॉमन कोल्ड राइनो बता चुका हूं मैं आपको ठीक है राइनो वायरस ठीक है आर फैमिली का वायरस है वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन प्रॉब्लम है मतलब यहां तक कि कोल्ड आप समझते हो ना अगर किसी ने छीका और उस हाथ को कहीं टच कर लिया ठीक है पेन कोई किसी भी चीज को तो उससे भी इंफेक्शन हो जाता है ठीक है हाईली इन्फेक्शियस है मोस्ट इन्फेक्शियस में काउंट करते हैं इसलिए इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है क्योंकि अपर रेस्परी ट्रैक इन्फ्लामेशन है ठीक है इसमें नो इसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता निमोनिया में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ध्यान रखना ये मैंने मेन मेन पॉइंट लिख दिए हैं तीन दिन की से लेकर थ्री टू सेवन डेज की साइकिल होती है इसकी आपको पता होगा को कॉमन को कोल्ड ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है क्यों क्योंकि बॉडी में इंटरफ्रॉन बन जाते हैं इसकी साइकिल बहुत छोटी होती है तेजी से फैलता है इंटरफ्रॉन बनते हैं सप्रेस कर देते हैं थ्री टू सेवन डेज में फिनिश हेपेटाइटिस बी नाम में छुपा हुआ मतलब मतलब लिवर ऐसा वायरस जो लिवर को इन्फेक्ट करता है यानी कहीं ना कहीं कंटामिनेटेड फूड से इसका इन्फेक्शन होता है ठीक है तो हेपेटाइटिस वी वायरस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है मैक्सिमम हेपेटाइटिस के बारे वायरस जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस है बी डी एन ए वायरस है ये ध्यान रखना है आपको लंग्स को डैमेज करता है लंग्स डैमेज होंगे तो जॉन्डिस होगा रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनी हुई वैक्सीन बता चुका हूं मैं इसके बारे में ठीक है इसमें ईस्ट को यूज करते हैं ट्रांसमिट थ्रो किसके थ्रो भाई एस टी डी पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हेपेटाइटिस बी को हमने सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में इंक्लूड किया है क्योंकि इसके ट्रांसमिशन में कही कहीं ना कहीं सेक्सुअल सम्र इंटर कोर भी इन्वॉल्वमेंट है ब्लड कॉन्टेक्ट से भी फैलता है सेक्चुअल ट्रांसमिशन के थ्रू भी इसका ट्रांसमिशन होता है ठीक है और ये मेन तो सोर्स इंक्लूडेड इन इनडी पोलियो की बात करते हैं पोलियो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आर वायरस है कंटामेड फूड के थ्रू ये भी एंटर करता है पोलियो केस में पता होगा आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं लिम मसल्स हैं उनमें स्टिफनेस आ जाती है नेक मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में कॉन्ट्रेक्शन हो जाता है मसल्स के अंदर ठीक है इंफ्लामेशन ऑफ नर्वस सिस्टम स्टिफनेस ऑफ नेक क्योंकि भाई इंफ्लामेशन नर्वस सिस्टम होगा तभी तो स्टिफनेस आएगी नेक मसल्स वीक हो जाते हैं ठीक है स्पेशली लिम मसल्स स्क्रटल मसल्स में प्रॉब्लम आती है हाई फीवर होता है पेन इन ऑपडाउन ठीक है और पैरालिसिस हो जाती है लिम्स मसल्स के अंदर बस इनके अंदर दो बातें ध्यान रखनी है डिसीज डिसीज कॉजिंग एजेंट अगर कोई स्पेसिफिक सिम्टम है तो सिम्टम या स्पेसिफिक टेस्ट है तो टेस्ट बस चार चीजें बनती हैं और कुछ भी नहीं ठीक है आगे देखते हैं हेलमेंथीज हेलमन में दो ही हैं एक तो एस्करेस जो हर बच्चे को बचपन में हुआ है भी पेट में पड़ने वाले कीड़े तो है राउंड ठीक है जो इन, जो भाई सॉइल में कोई कंटामिनेट सॉइल में कुछ गिर जाता है बच्चे उठा के खा लेते हैं ठीक है तो कंटामिनेटेड सॉइल से होने वाला इन्फेक्शन है रूट क्या है उसका वही ओरल वाला रूट है ठीक है एस्करेस यानी वार्म होते हैं राउंड ठीक है, warm, है? इन, कभी कभी इनकी अमाउंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि इंटेस्टाइन को ब्लॉक भी कर देते हैं ठीक है और कभी कभी ठीक है हो सकता है ब्लीडिंग भी कर सकते हैं ठीक है बहुत सारे केसेस के केस में तो एस्केरिस कॉज बाय एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड ब्राउंड वॉर्म होता है भाई इंटेस्टर्नल पैरासाइट है इंटरनल ब्लीडिंग भी कर सकता है मस्कुलर पेन भी हो सकते हैं फीवर एनेमिया ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइन ये भी केस देखने को मिल सकते हैं इसका जो एग होता है वो एक तरीके से कंटामिनेशन या इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कंटामिनेश किसके थ्रो हो सकता है वाटर के थ्रू हो सकता है फ्रूट के थ्रू हो सकता है ठीक है वेजिटेबल के थ्रू हो सकता है जो लोग बिना क्लीन किए हुए भाई आपको पता होना चाहिए ये कहाँ होता है इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइन से फीकल मैटर के थ्रू उसके कहाँ आते हैं सीवेज वाटर के अंदर सीवेज वाटर जितना भी वेजिटेबल हो रहा है जितना भी सैलेड जहां उगाया जाता है वहां पर सप्लाई सीवेज वाटर की होती है इसलिए वो उसके जो सिस्ट होते हैं वो सीवेज वाटर से कहाँ चले जाते हैं वेजिटेबल इन सब के अंदर और अगर किसी ने बिना प्रॉपर क्लीन किए हुए उन वेजिटेबल को इनटेक कर लिया तो इन्फेक्शन हो जाता है सिंपल ठीक है हाँ, ये एलिफेंटियसिस इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी ने डायग्राम भी दे रखा है इसको फाइलरियसिस भी बोलते हैं एलिफेंटियसिस भी बोलते हैं बाउचेरिया बैनक्राफ्टी इसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है ठीक है और इसको ट्रांसमिट करने के लिए जो वेक्टर होता है वो मॉस्क्यूटो है कौन सा मॉस्क्यूटो मैं मैंने लिख दिया नीचे लास्ट में ठीक है मेनली क्यूलैक्स क्यूलैक्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसको ट्रांसफर करने के लिए ठीक है करता क्या है इसमें होता क्या है ठीक है इसके अंदर आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है कभी कभी लिम्फ सिस्टम ब्लॉक भी हो जाते हैं जिसके से लिम्फ अपर साइड में नहीं आता लोअर साइड में डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है और लिम्फ का अगर लोअर साइड में डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो लिम्फ के डिपोजिशन से ठीक है आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे कभी कभी इसका डिपोजिशन जनरटल पार्ट में भी हो जाता है तो स्टरिटी को भी लीड करता है ठीक है तो ध्यान रखना ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिम्फ इन लोअर साइड ऑफ बॉडी ठीक है मेनली क्या हो रहा है ड्यू टू ब्लॉकेज ठीक है इंफ्लामेशन हो रहा है लिम्फेटिक सिस्टम में तो लिम्फेटिक फ्लू लोअर साइड में डिपोजिट हो रहा है इससे इस तो हाँ, इस तीनों फंगस के नाम पता होने चाहिए हो और हर कोई इससे कहीं ना कहीं ठीक है एक ना लाइफ में हुआ जरूर होगा ठीक तो है रिंग वॉर्म ठीक है दांत खात खुजली करके टर्म क्वेश्चन आता है तो रिंग वॉर्म यानी फंगल इंफेक्शन है रूसी भी फंगल इंफेक्शन है ठीक है थ्री फंगस के नाम याद रखने हैं आपको ठीक है माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन बस ये ध्यान रखना है ये तीनों के तीनों फंगस रिंग वार्म कॉजिंग होती है ठीक है जो बेटा नेल से नहीं जो आपका डेड पार्ट होता है स्किन हो गई नेल हो गए ठीक है हेयर में जो रूसी वाला पार्ट हो गया यहां पर स्प्रेड करते हैं इसके माइसिलियम ठीक है और कंटामिनेटेड नहीं किसी को अगर इन्फेक्शन है उसका आप कॉम यूज कर लो उसके आप ठीक है क्लॉथ यूज कर लो उसका टॉबल यूज कर लो तो उसको भी उस इन्फेक्शन हो जाएगा इसलिए बहुत

पर्सनल चीजें जो आपको खुद अपने सेल्फ यूज करने चाहिए किसी और के यूज नहीं करने चाहिए ठीक है फंगल डिसऑर्डर हो गए तो फंगल बैक्टीरियल और वायरल इसके अंदर सिर्फ आपको मैंने टेबुलर फॉर्म बना दिए इतने टेबल को बस ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं डिसीज डिसीज कॉजिंग एजेंट स्पेसिफिक सिम्टम और स्पेसिफिक टेस्ट बस सिफिशियंट है अब प्रोटोचुआ प्रोटोचुआ में जो डिटेल में दे रखा है वो तो दो ही हैं एक तो मलेरिया ठीक है एक अमीवाइसिस एंटमीवास्टोलेट का ठीक है तो मलेरिया के लिए एक, एक टेबल है मैं समझा देता हूं आपको तो सब समझो बेनी मेरी बात अगर मैं मलेरिया की बात करता हूं तो मलेरिया एक प्रोटोजोन डिसीज है पहली बात आपको समझ में आई रही है प्रोटोजोन डिसीज है कौन सा प्रोटोजो कॉज करता है आप बोलोगे प्लाजमोडियम कौन सा प्लासमोडियम अगर प्लाज्मोडियम की बात करते हैं प्लाज्मोडियम के भी ठीक है चार कह सकते हो ठीक है यहां पर टाइप के प्लाज्मोडियम है जिसको कॉज करते हैं प्लाज्मोडियम मलेरी प्लाज्मोडियम फैलसीफेरम प्लाज्मोडियम ठीक है ओवल ठीक है और कौन सा बच्चा इसके अंदर वाइवैक्स प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हेलो अब साउंड साउंड आई बेटा साउंड ओफो मैंने ध्यान ही नहीं दिया मोबाइल हाथ में नहीं था ओके ओके साउंड आ गई होगी मुझे लगता है अब ओहो कब से साउंड नहीं आई नो साउंड नो साउंड कितना टाइम हो गया साउंड नहीं आया आए हुए मैं एक बार रिपीट रिबी, कर देता हूँ ठीक है रिपीट कर देता हूँ मैं ठीक है एक बार रिपीट कर देता हूँ अब साउंड मोबाइल हाथ में नहीं था कितना टाइम हुआ बेटा साउंड ना आए हुए टेन मिनट सेवन मिनट ओके ओके ठीक है ठीक है दो मिनट में रिवीजन कर देता हूं मैं ठीक है सेल चेंज कर लिए बैटरी चेंज है अब अब साउंड प्रॉपर चलेगी इस बैटरी में फिनिश हो जाएगा सारा ठीक है देखो मैंने इतनी बात की थी कि ह्यूमन के लिए मैं थोड़ा सा बैक जाकर के ले रहा हूं भाई हम प्लाज्मोडियम की था। बात करते हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होती है डाइजेनेटिक 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 का मतलब कितने होस्ट में कंप्लीट होगी टू होस्ट में कंप्लीट होगी इसमें एक प्राइमरी होस्ट होगा एक सेकेंडरी होस्ट होगा प्राइमरी होस्ट ऑलवेज वो होस्ट होता है जिसके अंदर सेक्सुअल पार्ट होता है साइकिल का और सेकेंडरी होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर ए सेक्सुअल पार्ट होता है साइकिल का एक बात क्लियर है तो यहां पर फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो में सेक्सुअल पार्ट होगा सो इट इज कॉल्ड प्राइमरी होस्ट और अगर मैं एसेक्चुअल पार्ट की बात करता हूं तो ह्यूमन के अंदर ए पार्ट होगा क्योंकि ह्यूमन के अंदर मल्टीपल फिशन होता है इट इज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन तो ह्यूमन को हमने सेकेंडरी होस्ट में रखा फीमेल एनाफ्रीज को हमने प्राइमरी होस्ट में रखा ह्यूमन में साइकिल लिवर में चलती है और आरबीसी में चलती है लिवर में चलती है उसको प्री यानी रेथ्रो से पहले की साइकिल बोलते हैं और जो आरबीसी में चल रही है रेथ्रोसेटिक साइकिल बोलते हैं हमने फिर साइकिल स्टार्ट किया आगे साइकिल में हमने बताया कि अगर हम बात करते हैं मॉस्किटो की तो जो मॉस्किटो एक हेल्दी ह्यूमन को बाइट करता है तो उसकी सलाइवा के अंदर कौन होते हैं स्पोरोजॉइट इट इज अ इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन स्पोरोट एंटर करके कहा जाएंगे लिवर में लिवर में स्पोरोजॉइट जाते हैं ये सेक्सुअल रिपोडक्शन करते हैं मल्टीपल फिशन करते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं इसको बोलते हैं साइजोगोनी साइजोगोनी कर रहे हैं हमें साइज को नंबर को बढ़ा रहे हैं और जब नंबर बढ़ जाता है और इनसे जो बनते हैं वो होते हैं मीरोजॉइट ये मीरो एंटर करते हैं आरबीसी के अंदर फिर आरबीसी में साइकिल चलती है ठीक है ठीक और जब परा, अंदर समझना आरबीसी में एंटर करके सिग्नेटरिंग वाली स्टेज आएगी एक ट्रोफोज स्टेज आएगी ये ट्रोफोज आरबीसी के हीमोग्लोबिन को यूटिलाइज करेगा खाएगा यानी आरबीसी के हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिलिन होता है ग्लोबलिन को तो डाइजेस्ट कर लेगा पर हीम बहुत टॉक्सिक होता है आपको पता है वो टॉक्सिक मटेरियल क्या होता है हीमोजॉइन उसको एक्मिलेट कर देगा एक की फॉर्म में फिर जब मल्टीपल फिशन करके आरबीसी को रप्चर करके बाहर निकलेगा तो ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स बाहर आ जाएंगे दीज ग्रेन्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम ऑफ टाइफॉइड सॉरी सिम्टम ऑफ ठीक है मलेरिया मलेरिया के सिम्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं यही हीमोजॉइन ठीक है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम ऑफ मलेरिया तो मलेरिया के सिम्टम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है यह हीमोजोन ग्रेन्यूस जब भी हिमोजॉन ग्रेन्यूल निकलेंगे हर साइकिल के बाद तो आपको ठंडी लगकर के फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा यही मलेरिया का सिम्टम है ठीक है तो इसलिए जब भी साइकिल कंप्लीट होगी ग्रेन्यूस निकलेंगे आपको फीवर आना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो अब इनमें से कुछ आरबीसी ऐसे होते हैं जिनमें यह स्टेज फर्दर नहीं जाती ये अंदर ही रहते हैं इनको गैमिटोसाइट्स बोलते हैं ठीक है अब ये आरबीसी इसी फॉर्म में रहेंगे अगर किसी मॉस्किटो ने बाइट किया और मॉस्किटो में एंटर कर गए तो तो साइकिल आगे बढ़ेगी नहीं तो ये डिजनरेट कर जाएंगे ठीक है इनको गैमिटोसाइट्स बोलते हैं यानी कुछ प्लाज्मोडियम आरबीसी में एंटर करने के बाद ए सेक्चुअल रिपोडक्शन नहीं करते उसी फॉर्म में अरेस्ट हो जाते हैं ठीक है इसमें कुछ बड़े साइज के होते हैं उनको मेगा गैमी बोलते हैं कुछ छोटे साइज के होते हैं उनको माइक्रो लो नाइट का टाइम है किसी हेल्थी मॉस्किटो ने क्या किया इस इंफेक्टेड ह्यूमन को बाइट किया बाइट करेगा तो उस मॉस्क्यूटो के अंदर ये सारी स्टेज एंटर कर जाएंगे ठीक है जिसमें उसके स्टमक में सारी स्टेज डाइजेस्ट हो जाएंगे एक्सेप्ट गैमिटोसाइड तो ये गेमिटोसाइड उसके स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते अब स्टमक में जाकर के भाई कहा स्टमक में जाकर के जो मेगा गैमिटोसाइट है वो एक्स फ्लैजिलेशन की मैकेनिज्म फ्लैजला की फॉर्म में एट मेल गैमिट बना देंगे ये मेल गैमिट हो गए ये फीमेल गैमिट बन गया अब ये मेल गैमिट के फ्लैजला फीमेल गैमिट को फर्टिलाइज करेंगे जायगोट बन जाएगा जायगोट कैसा होगा डिप्लॉइड फिर जायगोट मोटाइल होगा और इसके स्टमक में वॉल में एंटर करेगा इसको उठ बोलते हैं अंदर जाकर के सिस्ट बना लेगा और सिस्ट बना करके मियोसिस स्टार्ट कर देगा और मियोसिस स्टार्ट कर देगा तो अगेन स्टेज कैसी आ गई और इससे बनते हैं क्या और ये स्पोरोट जहां से रिलीज होंगे रिलीज होकर कहा जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड के अंदर अगेन किसी हेल्दी ह्यूमन को इंफेक्शन करने के लिए यह तैयार हो गया तो यह हो गई बेटा प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल ठीक है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में क्या क्या ध्यान रखना है नंबर वन ओके ठीक है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में क्या क्या ध्यान रखना है आपको लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक या डाइजेनेटिक डाइजेनेटिक प्लाज्मोडियम की ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट ठीक है ह्यूमन लिए इंफेक्टिव स्टेज स्पोरोजॉइट ठीक है ये ध्यान रखना है प्राइमरी होस्ट ऑलवेज वो होगा जहां सेक्चुअल पार्ट होगा सेकेंडरी होस्ट ऑलवेज ए सेक्चुअल पार्ट होगा सेक्चुअल पार्ट कहां होता है सेक्चुअल पार्ट स्पेशली मॉस्क्यूटो में होगा तो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो क्या हो गया प्राइमरी होस्ट और ह्यूमन क्या होगा सेकेंडरी होस्ट तो ये वाली बात एकदम क्लियर है लाइफ साइकिल सिंपल है जब भी इन्फेक्टिव मॉस्किटो एंटर करेगा स्प्रोजॉइट सीधे लिवर में साइजोगोनी होगी आरबीसी में रेथ्रोसिक साइकिल चलेगी जब आरबीसी रप्चर करेंगे तो हिमोजॉइन ग्रेन्यूल्स जो टॉक्सिक मटेरियल है हीमोग्लोबिन का वो रिलीज होगा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम ऑफ मलेरिया ये क्वेश्चन आता है इनमें से कुछ आरबीसी ऐसे होंगे जो फर्दर आगे ठीक है इनमें स्टेजेस नहीं होगी उनको मैक्रो और माइक्रो गैमिटोसाइड बोलते हैं वो गैमिट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे एक्सीडेंटली अगर कोई हेल्दी मॉस्किटो इस ह्यूमन को बाइट करता है तो ये गैमिटोसाइट उसके स्टमक में एंटर करेंगे वहां जाकर के मेल और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा और ये गैमिट या फर्टिलाइज करेंगे जायगोट बनेगा उट बनेगा ये उनिट पेनिट्रेट करके स्टमक की बॉल में एंटर कर जाएगा और अपने अराउंड एक सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा इसको ऊ सिस्ट बोलते हैं और ऊ सिस्ट के अंदर मियोसिस होगी वो डिप्लॉय से हिप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा देन अगेन ढेर सारे प्रोजेक्ट बन जाएंगे जो यहां से सीधे सलाइवरी ग्लैंड में एंटर कर जाएंगे और अगेन ये मॉस्किटो इन्फेक्शन करने के लिए तैयार हो गया ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल एकदम कंप्लीट है अब एंटमीवास्टोलिटिका की लाइफ साइकिल ठीक है बहुत बेहतरीन तरीके से आपके ब्रेन में सेट कर देता हूं मैं ठीक है इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं एक बार क्वेश्चन आया हुआ भी नीट में थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया था वो भी मैंने ऐड कर रखा है जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कौन सा डिसऑर्डर अभी हमने मलेरिया पढ़ा आप पढ़ रहे हैं अमीवाइसिस कॉजिंग एजेंट ठीक है एनटमिवा हिस्टोलिटिका कॉजिंग एजेंट क्या होगा इसका एनटमिवा हिस्टोलिटिका अब क्वेश्चन एक बहुत बेहतरीन बनता है कि एन हिस्टोलिटिका ठीक है ह्यूमन इंटेस्टाइन में पैरासाइट होता है लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसलिए ऐड कर दिया है मैंने ये कहां पर होगा पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन ये क्वेश्चन बनता है एंटमीवाटिका अमीवा डिसेंट्री या अमीवाइसिस बोलते हैं इसके डिसऑर्डर को पहला क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएगा अब बताती है लाइफ साइकिल मैंने बोला कि होता कहा इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइन से ये कहां जाता है फीकल मैटर सीवेज वाटर में सीवेज वाटर कहां जाएगा भाई यहाँ क्रॉप कल्टीवेशन हो रहा है ठीक है वेजिटेबल कल्टीवेशन हो रहा है वहां से वहां अटैच हो जाता है इसका सिस्ट जो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है ये क्वेश्चन अगला बनेगा इन्फेक्टिव स्टेज पे क्वेश्चन आता है ह्यूमन के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो टेट्रा टेट्रान्यूक्लेटिड सिस्ट है ऐसा सिस्ट जिसके पास कितने न्यूक्लियस है फोर न्यूक्लियस है तो टेट्रा टेट्रान्यूक्टिड सिस्ट जो है वो ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है यानी ये टेट्रा न्यूक्टेड सिस्ट जब ह्यूमन में जाएगा स्टमक इस में इसका जो सिस्ट है वो डाइजेस्ट हो जाएगा फिर फोर जो न्यूक्लियस थे हर एक से दो लेकिन टोटल कितने एट एट एंटमिवा का फॉर्मेशन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में कितने एंटमीवा बनने वाले हैं यहां पर आठ ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आएगा कि जब ये एंटर करता है तो फोर न्यूक्लिएटेड सिस्ट जो था उससे कितने एमिवा का फॉर्मेशन होगा एट भाई एक न्यूक्लियस से डिवीजन करके टू तो फोर से एट बन जाएंगे ये एंटेमीट का है। इन एंटेट का भी टू फॉर्म्स होते हैं बेटा ठीक है एक मैग्ना, एक माइन्यूटा मैग्ना फॉर्म पैथोजे होता है ये इंटेस्टाइन के अंदर क्या करता है फ्लास्क अल्सर बना देता है लिख दिया मैंने फ्लास्क अल्सर बना देता है भयंकर एबडोमल पेन होता है अमीवा एक डिसेंट्री होती है क्योंकि फीकल मेटर के संग ब्लीडिंग भी होती है

इस टेट्रान्यूक्टेड सिस्ट से सारे क्वेश्चन आपको यहां मिल जाएंगे ठीक है तो ह्यूमन के लिए लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक सिर्फ एक ही इसका होस्ट है ह्यूमन ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज टेट्रा टेट्रान्यूक्टेड सिस्ट कैसे जो लोग बहुत अच्छी तरीके से वॉश करके वेजिटेबल्स यूज नहीं करते सैलेड को ऐसे ही खा जाते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है ये सिस्ट स्टमक में जाकर के इसका डाइजेस्ट होगा फोर न्यूक्लियस

जो तो मैग्ना होगा वो तो की अमी, अमीवायिस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और जो माइन्यूटा है ठीक है वो अगेन सिस्ट में कन्वर्ट होगा और फीकलैटर के साथ बाहर जाकर के हेल्थीनेशन के, के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो लाइफ साइकिल आपके सामने है सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं के अलावा कहीं कुछ भी नहीं बचता ठीक है तो जो प्रोटोजोन डिसीज के अंदर सिर्फ दो ही डिसीज है आपके सिलेबस के अंदर एकदम क्लियर होने चाहिए अब बात करते हैं अगेन बहुत डेंजरस एड्स एक्वाइड इम्यूनो डेफिशेंसी सिंड्रोम एक्वाइड समझ में आ गया हो जो आप एक्वायर करते हो यानी कम्युनिकेबल है ठीक है नाम ही छुपा हुआ एक्वायर जो आप एक्वायर कर रहे हो मीन कम्युनिकेबल है ठीक है इम्यूनो डेफिशियंसी यानी ऐसा कम्युनिकेबल डिसऑर्डर जो आपकी इम्यूनिटी को डेफिसियंट कर रहा है सिंड्रोम सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कोई एक डिसऑर्डर नहीं है सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर क्योंकि इसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है और ढेर सारे डिसऑर्डर आपकी बॉडी के अंदर होने स्टार्ट हो जाते हैं ढेर सारे डिसऑर्डर ठीक है मतलब जो भी डिसऑर्डर आप समझ रहे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होते ही डिफरेंट टाइप के पैथोजन के इन्फेक्शन आपकी बॉडी को ठीक है होने स्टार्ट हो जाते हैं तभी तो उसको सिंड्रोम टर्म यूज किया तो काफी कुछ तो नाम में छुपा हुआ है नाम ही क्लियर हो गया ठीक है ए एक मतलब एक्वाइड समझ रहे हो ना आई डी इम्यूनोडेफिश सिंड्रोम जो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर ठीक है तो बेसिक समझ में आ गया एक्वाइड का मतलब कम्युनिकेबल इम्यूनोडेफिश का मतलब है का मतलब है ठीक है, means, आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ ठीक है डिसऑर्डर चलो बात क्लियर हो गई होगी एक्वाइड समझा दिया मैंने ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर सिंड्रोम समझा दिया अब 1981 का केस है लॉस एंजल्स ठीक है लॉस जल्स का केस है दम मारो दम चल रहा था मतलब समझ रहे हो ना सब इंजेक्शन यूज करते थे दम मारो दम मूवी देखी होगी आपने ट्रांसफर किया तो ये वो ड्रग को ट्रांस ट्रांसफर कर रहे थे एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे थे ठीक है अब क्या हुआ एक को इन्फेक्शन होगा तो वो सबको हो गया और उस समय नहीं पता था इसके बारे में सबका इम्यूनिटी सप्रेस होने लगी सबके लंग्स के अंदर एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन था सबको कपोसी सार्कोमा हो गया था ठीक है एक तरीके से लंग कैंसर कह सकते हो कैंसर हो रहा था उनको ठीक है उनको डिफ, और डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन हो रहे थे माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन था टॉक्सोप्लाज्मा पैरासाइट का इंफेक्शन था तो डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया हो क्या रहा है ठीक है तो कई डॉक्टर ने कहा कि यार कैंसर हो गया है इस वजह से यह प्रॉब्लम आ रही है कपोसी सार्कोमा ठीक है कई लोगों ने अपने अलग अलग कंक्लूजन निकाले पर यह समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअल में चीज क्या थी लोगों ने कहा कि ये लोग ठीक है ड्रग यूज करते थे प्रॉपर हेल्थ का केयर नहीं करते थे इसलिए इनका इम्यून सिस्टम वीक था इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं पर वो इम्यून सिस्टम वीक का तो कॉज कुछ और था एच ठीक है उसका उसने इसकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया क्योंकि तो एच करता क्या है एच आई हेल्पर टी सेल को खत्म कर देता है और हेल्पर टी सेल आपके पूरे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करते हैं वो कंट्रोलर हैं ठीक है तो बस इम्यूनो और डेफिशेंसी हो जाती है और छोटे छोटे ना डिसऑर्डर्स वो भी डोमिनेंट हो जाते हैं बॉडी के अंदर क्योंकि इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है ठीक है तभी तो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर सिंड्रोम टर्म यूज करते हैं तो बेसिक समझ में आया कि किस तरीके से कब स्टार्टिंग कब हुई थी आप बोलोगे वन नाइन एटी वन के अंदर मिलियंस लोग मारे गए ठीक है पच्चीस साल में ही अगर देखोगे ठीक है तो लगभग ट्वेंटी फाइव ईयर की बात कर रहा हूं मैं लगभग ट्वेंटी फाइव मिलियन पर्सन इससे खत्म हो गए थे एनसीआर टी लाइन डायरेक्टली आ जाती है इतने कम समझ रहा हूँ मेरी बात बहुत है बहुत बड़ा डेटा है ये ठीक है ये तो मैं ट्वेंटी फाइव ईयर की बात कर रहा हूं नहीं तो अब तक तो कितने और खत्म हुए डेटा नॉर्मल डेटा है ठीक है इतना डेंजरस था उस समय हां फिर जब से मैंने बताया कि बैरियर मेथड आ गए थे ठीक है गवर्नमेंट ने फिर कुंडूम ठीक है इनको बहुत अच्छी तरीके से उसको ऐड किया फिर जाकर के लोग थोड़ा अवेयर हुए ठीक है फिर धीरे धीरे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम चलाए गए नेको ठीक है जो डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने प्रोग्राम रन किए तब जाके धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आई हाँ तब जाकर क्योंकि सेक्चुअली ट्रांसमिशन इसका मेन कॉज था ड्रग्स तो एक मैंने एग्जाम्पल बताया जब स्टार्ट हुआ था कि इतने लोग ड्रग्स इतनी बड़ी पॉपुलेशन ड्रग्स नहीं लेती ठीक है मेनली सेक्चुअली ट्रांसमिशन इसका सबसे बड़ा ट्रांसमिशन का सोर्स था ट्रांसमिशन ब्लड के थ्रू भी हो सकता है ट्रांसमिशन मदर से फीटस के थ्रू फीटर फीटस के अंदर भी हो सकता है प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है ठीक है गलती से आपने गलत ब्लड डोनेट कर दिया किसी को विदाउट टेस्टिंग तो उस नॉर्मल इंसान को भी एच हो सकता है आपने किसी एच पेशेंट का ब्लड डोनेट कर दिया ठीक है और ड्रग्स के थ्रू यानी ब्लड के या बॉडी फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आने पर होता है एक लाइन में एक लाइन में खा जाए बॉडी फ्लूड का कॉन्टैक्ट किसी भी तरीके से होगा इन्फेक्शन हो जाएगा ठीक है Osionfish. तो पहले बात करते हैं कुछ एचआईवी के बारे में क्योंकि इस एचआईवी वायरस पे ही क्वेश्चन बन जाते हैं बढ़िया तरीके से ये क्या है बेटा आप रिट्रो वायरस है ठीक है मैंने लिखी दिया यहां पर रिट्रो वायरस है रिट्रो समझते हो रिट्रो का मतलब आर एन वायरस है, है। रिट्रो का मतलब आर एन ए आर एन ए वायरस है भाई जितने भी आर एन ए वायरस होते हैं इनको रिट्रो वायरस बोलते हैं ठीक है, ने ने है। इस वायरस की खास बात क्या है इसका ठीक है इसके ऊपर एक एनवलप होता है लिपिड का एनवलप जिसमें प्रोटीन के स्पाइक्स लगे हुए हैं अंदर दो प्रोटीन के कैप्सिड होते हैं कितने है? कैप्सिड टू कैप्सिड अंदर ये इन्हीं पे क्वेश्चन बनता है स्ट्रक्चर पर टू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं टू सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और थ्री टाइप के इसके पास एंजाइम्स होते हैं ये क्वेश्चन बनते हैं अब सुन लो मेरी बात पहले मैं एंजाइम्स की बात कर दूं अगर हम एंजाइम्स की बात करते हैं जो कर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपको पता ही है रिवर्स ट्रांसक्रप्टेज इसके अलावा इंटीग्रेस इसके अलावा प्रोटीएज ये थ्री टाइप के एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रप्टेज इंटीग्रेस एंड प्रोटीएज ठीक है तीनों की बात कर लेते हैं जैसे ये तो प्रोटीएज दोनों कैप्सिड के बीच में दिखा रखा है मैंने ठीक है एक को दिखा दो रिवर्स ट्रांसक्रपटेज एक को दिखा दो इंटीग्रेज ये तीनों टाइप के एंजाइम आपके सामने हैं जो इस एच वायरस के अंदर होते हैं ठीक है इसका लिपिड का ऊपर दिखाया जो, जो दिख रहा है ना ये लिपिड एनवलप है इसका इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड से मिलकर बनी होती है इनवेलप इसके अलावा इसके ऊपर प्रोटीन के कुछ स्पाइक्स लगे हुए हैं दिख रहे होंगे प्रोटीन के स्पाइक्स, ठीक है? इसमें, इसमें क्वेश्चन आता है भयंकर तरीके से क्वेश्चन बनता है इसमें जी दिख रहा है, बेटा ये है, इस इस ग्लाइको प्रोटीन वन ट्वेंटी ये क्वेश्चन बनेगा ग्लाइको प्रोटीन वन ट्वेंटी जो दिख रही है ऊपर ठीक है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसके अलावा और क्या दिख रहा है यहां पर ठीक है हाँ आपको आर भी दिख रहे होंगे यहां पर ये टू सिंगल स्टैंडर्ड आर एन भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए कितने मॉलिक्यूल होते, है? होते हैं टू सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए मॉलिक्यूल होते हैं एंजाइम कौन कौन से होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रप्टेज इंटीग्रेज प्रोटीज समझाता हूं सबके फंक्शन इसके अलावा यहां प्रोटीन के दो तो कैप्सिड भी दिख रहे हैं आपको ठीक है एक तो बाहर वाला कैफेट दिख रहा है आपको P17 एक अंदर वाला दिख रहा है आपको P24 ये प्रोटीन के नाम है P17 P24 सेवन ये वायरस का स्ट्रक्चर है आप समझना समझा रहा हूं फिर से एक लिपिड से मिलके बना हुआ ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया एक एनवलप है इसमें प्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं जो सही मायने में इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनमें जो बाहर लग रही है प्रोटीन वो ग्लाइको प्रोटीन 120, ग्लाइकोप्रोटीन 120 है इस पे क्वेश्चन आता है ग्लाइकोप्रोटीन 120 ठीक है इसके अलावा दो व्हाइट कलर के सर्किल दिख रहे हैं आपको ये कैप्सिड है प्रोटीन के कैप्सिड प्रोटीन कैप्सिड है पी वन सेवन ठीक है आउटर वाला है और पी ट्वेंटी फोर इनर वाला है और इन कैप्सिड के बीच में ही एंजाइम होता है प्रोटीएस प्रोटीएस जो इन प्रोटीन के कैप्सिड को ब्रेक करता है दोनों के बीच में होता है नहीं उसको बाहर वाले को भी ब्रेक कर सकता है अंदर वाले को भी ब्रेक कर सकता है कब करता है बताता हूं ठीक है इसके अलावा अंदर वाले कैप्सिड के अंदर टू तो सिंगल स्टैंडर्ड आर एन है और टू टाइप के एंजाइम है जो इन आर से अटैच है एक इंटीग्रेस और एक रिवर्स ट्रांसक्रप्टेज ठीक है क्योंकि आरएनए से डीएनए को बनाने के लिए चाहिए रिवर्स ट्रांसक्रप्टेज और फिर उस डीएनए को हमारे डीएनए से जोड़ने के लिए इंटीग्रेट करने के लिए चाहिए इंटीग्रेस तो मेनली थ्री टाइप के इसके पास एंजाइम्स होते हैं ठीक है टू टाइप के इसके पास कैप्सिड है और एक ठीक है लिपिड का एनवलप है इसके पास जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन एज अ स्पाइक्स लगे हुए हैं जो इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और भाई सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के टू मॉलिक्यूल होते हैं ये मेन स्ट्रक्चर है इसका ठीक है रेट्रोवायरस है क्योंकि आरएनए वायरस है अब इसका इन्फेक्शन किस सेल में होता है इसका इन्फेक्शन उन सेल्स में होता है एक सेल दिखा देते हैं बना करके इसका इन्फेक्शन उन सेल्स में होगा जिनके पास खास टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं इनको बोलते हैं सी डी फोर रिसेप्टर्स ठीक है इनको क्या बोलते हैं सीडो फोर रिसेप्टर सी डी फोर तो एक्चुअल में ग्लाइकोप्रोटीन 120 और और सीडो फोर ये मिलते हैं तभी इंफेक्शन होता है तो एक्चुअल में ये इंफेक्शन के लिए इनका इंटरेक्शन बहुत जरूरी जब तक ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे सी डी फोर रिसेप्टर और ग्लाइकोप्रोटीन 120 जब नहीं मिलेंगे तब तक इंफेक्शन नहीं होगा तो ये सी डी फॉर रिसेप्टर किस किस सेल में प्रेजेंट होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ये तो टी फोर या इनको हम टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं इनके पास होते हैं ठीक है एंड मैक्रोफेस के पास ठीक है सी डी फॉर रिसेप्टर प्रेजेंट कहां कहां होते हैं दोनों के पास होते हैं सी डी फोर रिसेप्टर ठीक है ये सी डी फोर रिसेप्टर टी फोर सेल के पास भी होते हैं मैक्रोफेज सेल के पास भी होते हैं टी फोर को टी हेल्पर सेल भी बोलते हैं और मैक्रोफेज समझ में आ गया ये दोनों टाइप के सेल आप समझ सकते हो सारा खेल सी डी फोर रिसेप्टर और इसके ग्लाइकोप्रोटीन वन ट्वेंटी का है यानी ग्लाइकोप्रोटीन वन ट्वेंटी और सीडी फोर मिलेंगे तभी इन्फेक्शन पॉसिबल है नहीं तो इन्फेक्शन नहीं होगा ठीक है तो इसलिए इनकी एंट्री सिर्फ दो ही टाइप की सेल्स में होती है एक तो टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेज जिनको टी फोर सेल भी बोलते हैं टी हेल्पर सेल को एक बात क्लियर है चलो अब आती है बात ये जनरल एनसीआर की लाइन है कि ट्रांसमिशन ऑफ किसके अंदर होता है अगर कैसे होता है एक तो सेक्चुअल कॉन्टेक्ट से होता है बता दिया है मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होगा बता दिया मैंने शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडिल उसको शेयर करने से होगा ठीक है और हाँ भाई मदर से फीटस में भी हो सकता है किन लोगों में हाई रिस्क है ट्रांसमिशन का ऐसे लोग ठीक है जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को यूज करते हैं ऐसे लोगों में ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है ऐसे लोग जो ड्रग एडिक्ट हैं उनमें ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ठीक है और ऐसे इंडिविजुअल जिनको टाइम टू टाइम हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है जैसे ब्लड कैंसर है किसी को ठीक है या ब्लड से रिलेटेड कोई ऐसा डिसऑर्डर है इसमें क्या करना पड़ता है ब्लड को चेंज करना पड़ता है आपको ठीक है तो वहां पर ठीक है क्या हो सकता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होते हैं बहुत सारे तो वहां पर इसके होने की प्रॉबिबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि अगर ब्लड डोनेट करोगे कभी भी गलती से एक्सीडेंटली एक ऐसा ब्लड आपको डोनेट कर दिया जाता है जो ऑलरेडी एचआईबी इंफेक्टेड है खेल खत्म ठीक है या मदर से बच्चे में भी जा सकता है एक ऐसी मदर जो ऑलरेडी एचआईबी पॉजिटिव है और वो बेबी कंसीव कर लेती है तो उसके बेबी में एचआईवी इंफेक्शन होने की रिस्क है सीधी सी बात तो ये वो केस है जहां से एच आई इन्फेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जनरल है पता होता है बच्चे को ठीक है बताई दिया मैंने नॉट स्प्रेड वाई द भाई एच आई कैसे नहीं फैलता भाई फिजिकल कॉन्टेक्ट से नहीं फैलता ठीक है ये सिर्फ फैलता है बॉडी फ्लूड के कॉन्टेक्ट से समझा चुका हूं मैं इसीलिए लोग कहते हैं टीवी पर एड भी आता है कि एच आई वी इंफेक्टेड पर्सन होता है उसको आइसोलेट नहीं करना चाहिए फैमिली से यानी उठा के अलग कमरे में डाल दिया अभी तो मतलब नहीं है ठीक है क्योंकि फ्लूड कॉन्टेक्ट से फैलता है भाई एच आई वी हो हेपेटाइटिस हो सब फ्लूड कॉन्टेक्ट से फैलते हैं जब तक फ्लूड कॉन्टेक्ट नहीं है कोई डरने की जरूरत नहीं है ठीक है बस ध्यान रखना है इसकी लाइफ साइकिल बहुत स्लो होती है अगर आज इन्फेक्शन हुआ तो उसकी लाइफ साइकिल फाइव टू टेन ईयर तक के बाद सिम्टम आते हैं सोचो इसलिए पता नहीं चलता तो क्योंकि लाइफ साइकिल बहुत स्लो है इसकी ठीक है मतलब सिम्टम को आने में पाँच से दस साल लग जाते हैं ठीक है तो क्योंकि समझ रहे हो लाइफ साइकिल बहुत स्लो होती है पीरियड में बी वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ टू मैनी ईयर ठीक है लगभग टू ईयर तक इसके ठीक है सिम्टम आने की प्रॉबिबिलिटी होती है अब लाइफ साइकिल समझा देता डायरेक्टली मैं देखो अब समझना अच्छी तरीके से सबसे पहले रेट्रोवायरस की बात करता हूं रेट्रो क्यों क्योंकि आरएनए कंटेनिंग है इसमें आरएनए है इसकी सरफेस पे कौन से रिसेप्टर लगे हुए हैं सरफेस पे लगे हुए हैं इसके ऊपर ग्लाइको प्रोटीन 120 और होस्ट सेल की सरफेस पे कौन से रिसेप्टर लगे हुए हैं जो इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्बल है आप समझ गए सी डी फोर यानी ये ग्लाइको प्रोटीन वन ट्वेंटी सी डी फोर जब मिलेंगे बेटा तभी इंफेक्शन होगा यानी इनका इंटरेक्शन बहुत जरूरी है तभी इंफेक्शन होगा तो यहां पर क्या हो रहा है ग्लाइको प्रोटीन वन ट्वेंटी और सी डी फोर आपस में मिल रहे हैं ये मिले होंगे तभी ये फ्यूज करेंगे फ्यूज करेंगे तब क्या होगा इसके अंदर दोनों के दोनों प्रोटीन के कैप्सिड आ जाएंगे जब अंदर दोनों प्रोटीन कैप्सिड आ जाएंगे तब जाकर के उनका प्रोटीएज एंजाइम एक्टिवेट होगा होगा जो प्रोटीन के दोनों कैप्सिड को तोड़ेगा और जिससे क्या जीनोम बाहर निकल आएगा जीनोम आ गया आरएनए इस आर के बाद दो टाइप के एंजाइम है एक तो इंटीग्रेज एंजाइम भी है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है तो सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या काम करेगा इस आर से इस आर से डी एन ए का फॉर्मेशन करेगा रिवर्स ट्रांसक्रप्टेज ठीक है रिवर्स ट्रांसक्रप्टेज तो रिवर्स ट्रांसक्रप्टेज एंजाइम आर एन ए से डीएनए बना लेगा और डीएनए के पास इंटीग्रेस लगा हुआ है क्या इंटीग्रेस इंटीग्रेस एंजाइम के पास है अब इंटीग्रेस की मदद मतलब से ये डीएनए इंटीग्रेट कर जाएगा हमारे जीनोम के साथ इंटीग्रेट करके हमारे जीनोम के साथ जब ये हमारे जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा इसका जीनोम अब क्या करेगा हमारी ट्रांसलेशन मैकेनरी को यूज करेगा अपने प्रोटीन भी बनाएगा पहले तो अपना एम बनाएगा और कुछ एम तो डायरेक्टली वायरस में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ एम वायरल प्रोटीन बनाएंगे जिससे वायरस का बनना फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया अब यहां से वायरस बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा अंतर इतना है अगर मैक्रोफेज होगी अगर मैक्रोफेज होगी तो वायरस धीरे धीरे बाहर निकलता रहेगा ठीक है मैक्रोफेज को नुकसान नहीं करेगा पर अगर टी इंफोसाइड होगी बेटा टी लिम्फोसाइड उनको क्या कर देगा उनको प्रॉब्लम करेगा क्योंकि टी इंफोसाइड को बस्त करता है ये इसीलिए टी की नंबर क्या होता है है कम होती चली जाती इंफेक्शन कहां हो सकता है इसका एक ही इंफेक्शन की सीडी फोर और ग्लाइकोप्रोटीन वन ट्वेंटी ग्लाइकोप्रोटीन वन ट्वेंटी वायरस के प्रोटीन है सीडी फोर सेल पर मिलने वाले रिसेप्टर्स हैं इन्फेक्शन के लिए इस रिसेप्टर को ग्लाइकोप्रोटीन का मिलना जरूरी है ये उन्हीं सेल में एंटर करेगा जिनके पास सी डी फोरप्टर है और सी डी फोर रिसेप्टर कहां होते हैं मैक्रोफेज के पास होते हैं और टी हेल्पर सेल के पास होते हैं अंतर इतना है टी हेल्पर सेल को बस्ट करेगा ठीक है क्योंकि उसके लिए इंटरनल मैकेनिज्म होते हैं क्योंकि टी हेल्पर सेल और माइक्रोफेज में थोड़ा डिफरेंस होता है मैक्रोफेज को बस्ट नहीं करता इसलिए मैक्रोफेज को एच आई वी फैक्ट्री बोलते हैं एनसीआर ने लिख रखा है ठीक है तो ये माइक्रोफेज का दिखाया है ना ना? फैक्ट्री ऑफ एच आई वी एचआईवी की फैक्ट्री कौन होती है मैक्रोफेज क्योंकि यहां पर लाइटिक यानी मैक्रोफेज को नुकसान नहीं पहुंचाता ठीक है तो ये कंडीशन निकलता जा रहा है यही मैक्रोफेज तो को HIV बोलते है, अगर यहां पर फोर या टी हेल्पर सेल ये बस्ट हो जाएंगे ये खत्म होना चालू हो जाएंगे समझना ये मैक्रोफेज ये तो मैक्रोफेज का डायग्राम देखा रखा एनसीईआरटी वालों ने ठीक है

रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस आरएनए से डीएनए को बनाएगा फिर इंटीग्रेस इस डीएनए को हमारे डीएनए के संग जोड़ेगा तब जाकर के ये अपना एमआरएनए और कई एमआरएनए से प्रोटीन बनेंगे यानी एमआरएनए और प्रोटीन बनने स्टार्ट हो जाएंगे और नए नए वायरस बनने स्टार्ट हो जाएंगे और यहां से बाहर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा मैक्रोफेज के केस में टीलिम्फोसाइड अब चर कर जाएंगे सिंपल इतनी सी बात है वापस आते हैं लाइफ साइकिल आपकी समझ में आ गई होगी और सिम्टम आने कब स्टार्ट होते हैं ठीक है इनको अपॉर्चुनिस्टिक सिम्टम बोलते हैं जब इनका नंबर टू हंड्रेड समझना मेरी बात टू हंड्रेड पर एम एम क्यू या उससे कम हो जाता है नॉर्मल नंबर तो पता होना चाहिए दिस ठीक है दिस इज रिपीट लीडिंग टू द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल कितना डिक्रीज अब ये समझा देता हूं मैं द बॉडी ठीक है Take yeah. care. देखो अगर नॉर्मल ह्यूमन है तो नॉर्मल टी हेल्पर सेल का जो नंबर होता है कितना होता है 1200 पर एमएम ये नॉर्मल नंबर है हेल्दी ह्यूमन के अंदर नॉर्मल नंबर है ध्यान रखना है अगर मान लो एच का इन्फेक्शन हो गया उसको तो उसके अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब है जो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं यानी अपॉर्चुनिटी क्या है भाई इम्यून सिस्टम कम है भाई मौका पाके एंटर कर जाओ ठीक है उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं जैसे माइक्रोबेक्टियम ट्यूबरक्सिस जैसे मैंने बताया टॉक्सोप्लाजमा ठीक है जैसे बताया कपोसी सारकोमा डिफरेंट टाइप के ठीक है तो ये इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं ठीक है कब होते हैं जब ये नंबर टी हेल्पर सेल का नंबर लेस देन टू 200 से कम हो जाएगा ये सारे सिम्टम आने चालू हो जाएंगे वीकनेस हेड एक ठीक है डिफरेंट टाइप के सिम्टम और साथ साथ में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का केस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसको ध्यान रखना है आपको नॉर्मल और सिम्टम कब आएंगे ये कंडीशन पर आएंगे ठीक है तो एक बात क्लियर गई साइकिल क्लियर होगी लाइफ साइकिल अब सिम्टम की बात करते हैं भाई वो कौन से सिम्टम है? इनको अपॉर्चुनिस्टिक सिम्टम बोलते हैं ठीक है तो पहले कॉमन सिम्टम क्या आएंगे भाई फीवर होगा डायरिया हो जाएगा वेट लॉस ये कॉमन सिम्टम है लोग समझते नहीं है यार क्योंकि कॉमन ये कॉमन सिम्टम है नॉर्मल इंसान को भी हो जाते हैं ठीक है फिर धीरे धीरे क्या होगा भाई उस इंसान को माइको बैक्टेरियम का इन्फेक्शन हो, टीबी होना चालू हो जाएगी ठीक है उसको वायरस का इन्फेक्शन भी हो सकता है फंगस का इन्फेक्शन भी हो सकता है उसको डिफरेंट टाइप के पैरासाइट लाइक टॉक्सो प्लाज्मा इसका क्वेश्चन आता है इसका इन्फेक्शन भी हो सकता है इन सबको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बस समझ लो कब ठीक है इफ ये सारे अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है बस लेस देन 200 हंड्रेड एमएम क्यू होते ही आने स्टार्ट हो जाएंगे समझ लो अब कुछ नहीं हो सकता काम टाइम बहुत निकल चुका ठीक है भाई टू हंड्रेड ठीक है कम होते ही पर एमएम क्यू पर एमएम क्यू इतना नंबर कम होते ही मामला बिगड़ जाएगा अपॉर्चुनिटी के इन्फेक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे ये सिम्टम हो गए इसके भाई डायग्नोसिस एंड टेस्ट ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के लिए दो ही तरीके हैं एक तो भाई एलाइजा करा लेते हैं लोग एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉरबेंट ऐसे बायोटेक्नोलॉजी में भी आएगा ये अभी ठीक है एलायजा ओनली फॉर ठीक है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अगर कराना है ऐसे किसी का एलायजा पॉजिटिव आया ठीक है तो उसको बोलेंगे भाई तेरा पॉजिटिव आ गया ठीक है तो डर जाएगा मर भी सकता है तो कहते हैं भाई एलाजा नेगेटिव भाई पॉजिटिव कभी कभी गलती से भी आ जाता है एलाइजा पॉजिटिव आ रहा है तो कन्फर्मेसी टेस्ट भी कराओ तो कन्फर्मेसी टेस्ट होता है बैसन ब्लॉटिंग ठीक है ये कन्फर्म सिविल तक में आया हुआ क्वेश्चन है इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं न ब्लॉटिंग अलायजा क्वेश्चन आएगा भाई नॉर्मल टेस्ट कौन सा करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ठीक है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉरमेंट ऐसे ये मोस्टली यूज होने वाला टेस्ट है पर कंफर्मेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे अगर ये पॉजिटिव आता है बेस्टर्न ब्लॉटिंग ठीक है अलाइजा ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन कंफर्मेशन वेस्टन ब्लॉटिंग ये ध्यान रखना है। इन पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं ठीक है तो ये तो टेस्टिंग हो गई अब ट्रीटमेंट क्या है भाई ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं बताओ ठीक है बॉडी का इम्यून सिस्टम भी वीक हो गया तो इसके ट्रीटमेंट के लिए साइंटिस्टों ने कुछ टारगेट बनाए उन्हें क्या काम किया जाए भाई वायरस की तीन ही कमजोरी है तीन एंजाइम कौन कौन सा इंटीग्रेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस और प्रोटीएस तो इसी को टारगेट बना करके ड्रग बनाई गई ठीक है सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का टारगेट बनाया ठीक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस तो कुछ ड्रग थे जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनिबीटर थे इसमें सबसे कॉमन ड्रग है ए जे ए जेटी एजिटोडिन भी बोलते हैं एजिटोविडिन भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म रखते हैं ए जेट टी सबसे पहली ड्रग थी जो सबसे पहले बनाई गई थी सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग थी ए जेट टी रिवर्स पर इससे काम नहीं बना ठीक है आगे जाकर के क्या हुआ हमें और ड्रग बनाने पड़े तो हमने प्रोटीज इनिबीटर ड्रग भी बनाए जैसे रेटिनो ठीक है रेटोना वायर रेटोना वायर प्रोटीज इनिबीटर थी ऐसे ही फिर हमने आगे जाकर के और इंटीग्रेज इनिबीटेड ड्रग भी बनाई ठीक है फिर ड्रग का पूरा एक पूरा सीरीज है पर मेन ड्रग मैंने आपको बता दिए ए जेट टी जो आपके मतलब की है और ठीक है रेटोना वायर ये आपके मतलब की है एक प्रोटीज इन्ही है और एक रिवर्स ट्रांसक्रप्टेज इन्ही है तो इनको सबसे ज्यादा यूज हुआ लास्ट में जाकर के मल्टीपल ड्रग यानी दोनों ड्रग को भी यूज करके देना चालू चालू कर दिया ठीक है तो आप समझ रहे ना मेरी बात तो ये एक लौथा ट्रीटमेंट है क्योंकि इसके केस में ट्रीटमेंट है ही नहीं ठीक है हाँ फ्यूचर में हो सकता है कि हम आगे जाकर के कुछ वैक्सीन की कोशिश कर रहे हैं कि बना पाएं ठीक है वो आगे की कहानी है फिलहाल इंटरफिन यूज़ कर रहे हैं इसके केस में बता भी दिया मैंने और भी अल्टरनेटिव चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रोवाल ड्रग इज़ ओनली ठीक है पार्शली इफेक्टिव बहुत अच्छा इफेक्टिव नहीं है दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग टू लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ लाइफ को थोड़ा सा भाई एक साल में खत्म होने वाला है तो दो तीन साल चला लेंगे बस यही कर सकते हैं ठीक है और कोई आप सोचो कि इसको ट्रीट कर दिया जाए अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट है ही नहीं इसका ठीक है चलो ये वाली बात भी क्लियर है अब इसके लिए एक जनरल बात है क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है एनसीआरटी की लाइन के एड्स के, के लिए जो अवेयरनेस फैलाती है वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होती है ठीक है इसके लिए एक स्पेसिफिक नेम है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन बनता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नेको इस पर क्वेश्चन आ जाता है बस ध्यान रखना तो नेको जो है एक नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो इस पर मेनली वर्क कर रही है किसके ऊपर वर्क कर रही है भाई एड्स से भाई एड्स को क्या है एक अवेयरनेस ही तो चाहिए ठीक है ठीके? एक अवेयरनेस अगर अवेयरनेस है आपको पता है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर यूज नहीं करने आपको पता है कि अगर मदर इंफेक्टेड है तो बेबी में होने की प्रॉबिलिटी है आपको पता है कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे तो प्रॉपर टेस्टिंग के बाद किसी भी ऐसी वैसी ठीक है ब्लड बैंक से ब्लड नहीं लेना प्रॉपर टेस्टिंग के बाद लेना है ऑथेंटिक होना चाहिए मतलब अवेयरनेस चाहिए ठीक है और कुछ भी नहीं अवेयरनेस अगर है ठीक है तो ये डिसीज नहीं होगी लास्ट में अवेयरनेस बढ़ी लेवल पर कैंसर है और आज में कोरोना ठीक है तो नेको को बस नाम ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं अब लास्ट टॉपिक इसका ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज बहुत 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 इंटरेस्टिंग है ठीक है इस टॉपिक को मैं 45 मिनट में करा दूंगा 45 मिनट में आपके ब्रेन में याद करा दूंगा ड्रग इतना खतरनाक है बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं सारे कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा ड्रग के आज प्रॉमिस कर रहा हूं प्रॉमिस है क्योंकि ड्रग से आता है क्वेश्चन ड्रग का एक सिंगल कंफ्यूजन नहीं बचेगा पक्की बात है ठीक है हाँ बेटा ड्रग के बारे में बात करते हैं ड्रग की अवेयरनेस के बारे में बात करने करते हैं ये भी हम बात करते हैं कि आपको ड्रग नहीं लेने आपको सावध समझ रहे ना मेरी बात आपको अलर्ट करने के बारे में बात करते हैं ठीक है क्या क्या ड्रग्स हैं उनके क्या क्या साइड इफेक्ट हैं वो भी बताएंगे जिससे कि कहीं लाइफ के किसी पड़ाव में कोई ऐसा दोस्त मिल गया जो आपसे कहता यार ले ले एक ले ले कुछ भी नहीं होगा तो आपको पता होना चाहिए तभी आवेरनेस। तो बोला अवेयरनेस तो अवेयरनेस में टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो इसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है ठीक है इसमें स्माइली चेहरे होने चाहिए कि हां ड्रग्स की अवेयरनेस सर बता रहे हैं किस ड्रग का क्या इफेक्ट है किस किस ड्रग को हम ऑथेंटिकली यूज कर सकते हैं यूज की जाती थी राजा महाराजा उस समय पेन किलर नहीं थे तो क्या यूज करते थे जितने भी एथलीट्स हैं देखा होगा एथलीट्स भाई उसने देखा होगा आज की डेट में देखा होगा उसने बैट घुमाया बॉल स्टेडियम पार था उस उसने क्योंकि तो उसने एक ड्रग ले रखी थी जिसकी वजह से उसमें क्या होगा सुपरमैन वाली पावर आ गई एंटी स्लीप ड्रग क्या होते हैं ठीक है एक के चार दिखते हैं हैं वो ड्रग क्या होते है? ठीक है कुछ बंजारे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते तो वो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट यानी एक के चार वाले इफेक्ट के लिए वो क्या देसी चीजें यूज करते हैं लाइक ठीक है जो एनसीआरटी ने रखें वही एग्जांपल मैं यूज करूंगा वो सारी बातें मैं करने वाला हूं ठीक है ट्रेंक्यूलाइजर क्या होते हैं ट्रेंक्यूलिटी क्या होती है कामनेस रिलैक्सेशन जो बौद्ध धर्म से लिया गया ठीक है जब आपने मूवी देखी होगी जोरेसिक पार्क तो उसमें डायनासोर्स को ठीक है किल नहीं करते थे उनके लिए एक इंजेक्शन यूज करते थे उसमें भी ड्रग्स होते थे जब किसी एनिमल का जू में ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो कौन सी ड्रग होती है जो उनको लगाई जाती है जब कोई एक इंसान कहता है मैं पागल नहीं हूं हाइपर हो जाता है तब कौन सी ड्रग यूज की जाती है जब आपने एक मूवी देखी होगी ठीक है भूल भूलैया उसमें किरदार था मंजोलिका तो मंजोलिका के किरदार के अंदर उसको ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था वो हाइपर थी उसने एक उस किरदार में एक बेड को एक सिंगल हैंड से ऊपर उठा लिया है तो आखिर वो कौन सा इफेक्ट था जिसकी वजह से ऐसा हो गया उस केस में कौन से ड्रग देने चाहिए तो ढेर सारे कंसेप्ट ठीक है जो इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं ठीक है बहुत बेहतरीन तरीके से मैं एक एक चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा फोर्टी फाइव मिनट में आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा ड्रग्स से रिलेटेड कोई डाउट फ्यूचर में नहीं आएगा कोशिश तो यार सभी में की है मैंने ठीक है पर जो दस क्लास का लेक्चर था उसको हम एक क्लास में कर रहे हैं तो आप समझ रहे हो ना मेरी बात तो कुछ तो फर्क पड़ता है ना दस क्लास में तो मैं इसकी एक, एक एक चीज़ याद ही करा देता हूँ कुछ बचता ही नहीं है ठीक हर चीज़ ब्रेन में याद होगी बच्चे की हर चीज़ हर सिम्टम हर साइकिल इससे भी थोड़ा और डिटेल में ले जाऊंगा तब भी याद होगी बच्चे को पर एक क्लास में खत्म कर रहे हैं तो आप समझ रहे हो क्वालिटी के साथ क्वालिटी के संग कम्प्रोमाइज़ नहीं किया मैं जानता हूं कि मैं जिस हाई क्वालिटी पे रखूंगा तो मेरे व्यवर कम हो जाएंगे मुझे पता है क्योंकि बच्चे मैक्सिमम क्या है उनको सिंपल चाहिए समझ रहे हो एनसीआर की लाइन टू लाइन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मेरे व्यवर से बढ़ सकती थी क्वालिटी के संग कंप्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी देंगे बेहतर क्वालिटी देंगे और ठीक है एक एक चीज ब्रेन में सेट भी कराएंगे ये पक्की बात है चाहे जो हो ठीक है तो ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज की बात कर रहे हैं बेटा तो अब मैं सबसे पहले समझाऊंगा कि ड्रग क्या है एल्कोहल क्या है और एब्यूज मतलब ठीक है उनका दुरुपयोग ठीक है उनके भाई किस किस तरीके से क्या क्या उनके इफेक्ट हो सकते हैं ठीक है अब सारी बातें डिस्कस करेंगे तो पहले मैं क्लासिफिकेशन की बात करता हूं कि पहला क्वेश्चन यही बनता है कि बताओ साइकोट्रॉपिक और ड्रग्स क्या होते हैं ठीक है सम, समझना मेरी बात तो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो मूड को चेंज कर देते हैं मूड अल्टरिंग ड्रग ठीक है उनको साइकोट्रॉपिक ड्रग बोलते हैं जो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं एक के चार समझना जो आपके मूड को ही चेंज कर दे नहीं आपका मूड बना दे जो भी है ठीक है आपके मूड को चेंज करते हैं आपके नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं ठीक है वो साइकोट्रॉपिक ड्रग होते हैं और जो आपके नर्वस सिस्टम पर ऐसा इफेक्ट डालते हैं जिससे दृष्टि भ्रम हो जाता है यानी एक के चार ठीक है आप किसी को देख रहे हो कोई और दिख रहा है ठीक है तो वो सब क्या है हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट यानी हेलुसिनोजेन होते हैं तो वो ड्रग तो हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा विच ऑफ द फॉलिंग इंक्लूडेड इन साइकोट्रॉपिक और विच ऑफ द फॉलिंग इंक्लूडेड इन साइके तो साइकोट्रॉपिक की बात करते हैं बेटा तो साइकोट्रॉपिक बेटा वो ड्रग होते हैं ठीक है जो मूड को अल्टर कर देते हैं मूड अल्टरिंग ड्रग साइकोट्रॉपिक हैं ठीक है मूड अल्टरिंग ड्रग साइकोट्रॉपिक हैं जिसमें हम पढ़ाने वाले आपको ट्रैंकुलइजर जिसमें हम पढ़ाने वाले आपको ओपियॉइड्स जिसमें हम पढ़ाने वाले स्ट्यूमिलैंड ट्रैंकुलाइजर ओपियॉइड्स और स्ट्यूमिलेंड्स ये आपके सिलेबस में

तो इस्माइली चेहरे चाहिए मुझे ठीक है गुस्से वाले चेहरे नहीं चाहिए ठीक है हमने ये नहीं बताया कि आप ड्रग लेना है आपको हमने ये नहीं बताया कि ड्रग हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं हम ये बताने वाले हैं कि ड्रग का ठीक है क्या क्या, -क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं ठीक है सारी डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं ठीक है चलो ठीक है क्योंकि ड्रग्स से बचना भी है हमें तो एक क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा आपको कि साइकोट्रॉपिक क्या होते हैं साइकेडेलिक क्या होते हैं ठीक है थीके? तो अब एक एक करके पढ़ेंगे पहले हम बात करते हैं साइकोट्रॉपिक और साइकोट्रॉपिक में बात करते हैं ट्रेंक्यूलाइजर ठीक है ट्रेंक्यूलाइजर और ट्रैनक्विलिटी टर्म कहां से आया पता है, है आपको ट्रैनक्विलिटी ट्रैनक्विलिटी समझते हो ट्रैनक्विलिटी मतलब होता है कामनेस रिलैक्सेशन ठीक है बौद्ध धर्म से इस टर्म को लिया है क्योंकि बौद्ध मेडिटेशन करते हैं मेडिटेशन का मतलब समझते हो जो मेडिटेट करते हैं मेडिटेशन है, क्यों करते हैं रिलैक्स के लिए कामनेस के लिए ठीक है एकदम अपनी एनर्जी को किसी सुपर लेवल पर ले जाने के लिए तो वो नेचुरल प्रोसेस है तो ये ड्रग कुछ ऐसा ही फील कराते हैं फील कराते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन नहीं करते हैं लाव ड्रग को ले लेते हैं ठीक है ऐसा नहीं बोला मैंने ध्यान रखना कुछ वैसी ही फीलिंग कराते हैं सो डिस कॉल ट्रेंक्यूलिटी से लिया गया ट्रेंक्यूलाइजर ऐसे ड्रग जो आपको एकदम रिलैक्स कर देते हैं ठीक है जो मैंने बताया भाई आपने जो मूवीज देखी थी ठीक है लाइक ठीक है जुरैसिक पार्क एटसेट्रा ठीक है जिसमें जो उनको जो शॉट दिया जाता था सिरिंज का गन के थ्रू तो वो ट्रेंकुललाइजर होते हैं या कोई भी एनिमल जब बेकाबू हो जाता है अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो उसको भी ट्रैंकुलाइजर लगाए है। तो लगा जाते हैं या मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जो ह्यूमंस को ठीक है ड्रग दिए जाते हैं स्मॉल डोज में वो ट्रेंकुललाइजर है जो रिलैक्स कर देते हैं वो हाइपर एग्रेसिव होते हैं तो ट्रेंकुलजर लगा दिए जाते हैं भाई शांत हो जाते हैं या किसी को एंजाइटी का शिकार है एंजाइटी समझते हो बहुत टेंशन बहुत टेंशन बहुत टेंशन नींद नहीं आ रही है इंसोम भी हो गया एंजाइटी की वजह से मर जाएगा वो ठीक है तो डॉक्टर के पास क्या करते हैं डॉक्टर ट्रेंकुलाइजर लगा करके सुला देता है भाई इनको स्लीपिंग ड्रग भी कहते हैं भाई सो जा ठीक है या आप इतनी ज्यादा कॉफी पीते हो जो का काम करती है तो आप इंसोमिया के शिकार हो जाओगे इंसोमिया मतलब नींद ना आना तो आपको ट्रेंकुलजर दिए जाएंगे स्लीपिंग ड्रग सुला दिया जाएगा रिलैक्स कर देंगे ट्रेंकुलजर ठीक है या जो मूवी थी भूल भूलैया जिसमें मंजोलिका का किरदार किसने निभाया था विद्या ने ठीक है तो वो हाइपर जो हो गई थी हाइपर ठीक है उसको एक डिसऑर्डर बताया था वहां पर साइजोफ्रीनिया क्योंकि तो उसके ब्रेन में डोपामाइन का लेवल बढ़ गया था और डोपामाइन कई जगह स्टूमलेटर का भी काम करता है जिसकी वजह से वो हाइपर एग्रेसिव हो गई थी आप समझ रहे ना मेरी बात तो उसको सप्रेस करने के लिए ट्रैंक्यूलाइजर सोला देंगे भाई ठीक है बहुत हो गया हाई पर अब शांत हो जाओ ठीक है कोई भूत नहीं था उसके अंदर ये हर इंसान के पास कैपेबिलिटी होती है ठीक है अगर आप कभी इमरजेंसी में फंस जाओ ठीक है आप अकेले हो और चार आपके सामने लोग खड़े हुए हो ठीक है जो आज आपको खत्म करने वाले हैं और आपको लगेगा ना तो डर गए आप तो गए आप कुछ भी नहीं कर पाओगे पर आपने सोच लिया कि जाऊंगा पर इनमें से दो को तो साथ लेके जाऊंगा और आपके अंदर एक एक समझ सुपर नेचुरल पावर आ जाएगी पावर नहीं आ जाएगी ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन का लेवल बढ़ जाएगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी ये तीनों मिल गए ना तो पता नहीं आप क्या कर जाओगे सो तो चारों को ही खत्म कर दो ठीक है कुछ भी कर सकते हो सारा खेल ड्रग एग्जाम टाइम पर मैं हर बच्चे से बोलता हूं एग्जाम टाइम पर जब एग्जाम चल रहे होते हैं तब आपको ना भूख लगती है ना आपको प्यास लगती है आपके पढ़ने की और कंसंट्रेट करने की कैपेसिटी इतनी तगड़ी हो जाती है उन दिनों एक ख्याल जरूर आता है हर बच्चे के मन में क्या काश ऐसे हम चार या पांच महीने पहले पढ़ लिए होते तो आज हम टॉप कर जाते पर तब नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि उस समय आपके ब्रेन के अंदर ये हॉर्मोनल इफेक्ट नहीं था एग्जाम टाइम पर आप सीरियस हो जाते हो यार अब तो निकालना ही है नहीं तो फेल हो जाएंगे नहीं तो घर वाले क्या कहेंगे पड़ोसी क्या कहेंगे रिश्तेदार क्या कहेंगे तो सीरियस हो जाते हो ठीक है बस वो सीरियस होने से आपका अंदर डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है ब्रेन में ठीक है ब्रेन में डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है इसके अलावा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है आपकी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और आप वो काम करना चालू कर देते जो सोच्चे भी नहीं थे एक एक चैप्टर फटाफट याद होता चला जाता है आप समझ रहे ना मेरी बात ये सब इफेक्ट है बिना ड्रग के आप समझ रहे हो अगर आप ड्रग लोगे तो वे ड्रग से निकलेंगे और नेचुरल निकलना बंद हो जाएंगे जिसकी वजह से मौत हो जाती है वो बताऊंगा साइड इफेक्ट तो नेचुरली रिलीज करो यार ड्रग की जरूरत क्या है ऑलरेडी भाई समझ रहे हो ना बॉडी में सब कुछ है उसको एक्टिवेट करना है ठीक है सारा के एक्टिवेशन का है तो ट्रेंक्यूलाइजर समझ में आए होंगे ट्रैक्र ट्रेंक्यूलिटी ट्रेनक्यूलिटी रिलैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ठीक है के केस के में यूज करते हैं ठीक है हाइपर एग्रेसिवनेस के केस में यूज करते हैं ठीक के के है जैसे एनिमल केस में बताया मैंने ठीक है या साइजोफ्रीनिया केस बताया था मैंने साइजोफ्रीनिया मंजोलिका भूल भलैया मूवी याद रखना उसके केस में यूज करते हैं या कोई एंजाइटी का शिकार है तो वहां यूज करते हैं रिलैक्स कराने के लिए एनिमल्स को भी यही ड्रग दिए जाते हैं सुलाने के लिए जिससे इनको ट्रीटमेंट हो पाए या अगर हाइपर एग्रेसिव हो गए तो उनको कंट्रोल किया जाए इनको ट्रैंकुलाइजर बोलते हैं ओपियोइड्स ओपीएम पोपी ठीक है अफीम सबको पता है ठीक है जो इसकी प्रॉपर्टी है सुपर सुपर एनल जैसे समझते हो पेन किलर भाई आज की डेट में तो आप आइबुप्रोफेन खा लेते हो ठीक है भाई दर्द हुआ गोली खा ली ठीक है काम खत्म शांत हो गया उस समय जब राजा महाराजा होते थे युद्ध होते थे तलवारें लगती थी खून निकलता था ठीक है तो कहां से पिंक कलर आते थे क्या सोचा आपने तब नहीं तब तो बड़ी-बड़ी बैलगाड़ियां होती थी उनमें ओपिओइड्स रख करके ये प्लांट ठीक है अफीम की खेती होती थी ये रख के जाया जाती थी इसके घोल बनाए जाते थे जो पिलाए जाते थे और इसको ठीक है लुगदी की फॉर्म में बना करके जो वुंड घाव होते थे बेटा उन पर उसको लगाया जाता था जिससे उन सोल्जर्स को रिलीफ मिलता था यही एक तरीका था तो पर नेचुरल थे साइड इफेक्ट नहीं थे जो आज की डेट में पेन खा रहे हो वो किडनी डैमेज करते हैं लिवर के लिए नुकसानदायक है ठीक है जितने भी समझना मेरी बात मॉर्फिन डेरिवेटिव्स आते हैं वो सबसे बेहतरीन है जो ओपीओ से बनते हैं ठीक है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं स्ट्यूमिलेंट स्टमिलेंट में एक तो एम्फेटामिन पढ़ने वाले हैं सुपरमैन ड्रग ठीक है एक हम टोबैको पढ़ने वाले हैं जो अगेन स्ट्यूमिलेंट है ठीक है जो आपके सिलेबस के अंदर है एक कोकेन पढ़ने वाले हैं तो ये बताऊंगा बहुत जरूरी है क्योंकि हर बच्चा एनर्जी ड्रिंक की फॉर्म में ड्रग ही ले रहा है जो आप हंस रहे थे ना अभी जो गुस्सा कर रहे थे तो आप इनडायरेक्टली ड्रग ले रहे हो जो भी बच्चे डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स आते हैं मार्केट में नाम नहीं लूंगा मैं ठीक है पर उन ब्रांड्स को एनर्जी ड्रिंक के नाम से लोग ऐड करते हैं और बच्चे उन एनर्जी ड्रिंक को इनटेक करते हैं ये सोच करके इनको पीने से तो एनर्जी आ जाएगी अरे एनर्जी एनर्जी नहीं आती है एनर्जी आती है काजू पिस्ता बादाम खाने से इनसे तो सिर्फ क्या हो रहा है ये आपके ग्लैंड को स्ट्यूमलेट कर रहे हैं और जब आप इनकी आदत पड़ जाएगी एडिक्शन हो जाएगा आपको फिर ये ग्लैंड तभी स्टूमलेट होंगे जब आप इसको इनटेक करोगे फिर क्योंकि आप एडिक्टेड हो गए ठीक है और धीरे धीरे आपका नेचुरल सिक्वेशन खत्म हो जाएगा और आप उस पर डिपेंड हो जाओगे डिपेंडेंसी नहीं मिलेगा तो आप पगला जाओगे और मौत तक हो सकती है डेथ इसी को बोलते हैं डिपेंडेंसी इसी को बोलते हैं एडिक्शन जो पढ़ाने वाला हूं तो समझ में आ गया हम टारगेट हमारा क्या क्या है टारगेट है ट्रेंक्यूलाइजर ओपियर्स और स्टूबेंट एक एक करके पढ़ते हैं एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैंक्यूलाइजर जनरल प्रॉपर्टी डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया बहुत बेहतरीन तरीके से भाई एनस्थेटिक ट्रेंकुलर कैसे होते हैं एनस्थेटिक यानी एनस्थीसिया भाई एनस्थीसी समझते हो ना बेहोश कर देना एनस्थेटिक होते हैं एज एनस्थीसिया यूज की तरह यूज करते हैं मैंने एनिमल्स को भी बताया था डिप्रेसेंट होते हैं सेडेटिव होते हैं डिप्रेजेंट का मतलब है आपको एकदम डिप्रेस कर देते हैं डिप्रेस का मतलब है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को स्लो कर देते हैं आपके रेट ऑफ ब्रीदिंग को स्लो कर देते हैं आपकी हार्ट रेट को स्लो कर देते हैं ठीक है आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं जिसकी वजह से एकदम आप रिलैक्स मोड में आ जाते हो ठीक है ये इसलिए डिप्रेजेंट होते हैं इनको स्लीपिंग ड्रग भी बोलते हैं ठीक है क्योंकि तो सुलाने का काम करते हैं एनेस्थीसिया सुलाने का काम करते हैं ये ट्रैंक्युलिटी को बढ़ाते हैं ट्रेंक्यूलिटी समझते हो बताया था मैंने कामनेस रिलैक्सेशन इसको ट्रेंक्यूलिटी बोलते हैं इसको बढ़ाने का काम करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा एग्जाम्पल एनसीआर ने दोनों दे बैनजो डा जैपैन एंड एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है वेलम के ऊपर मैंने ऐड कर दिया बैनजो डा जैपैन को ही वेलम बोलते हैं एम्स में आए हुआ क्वेश्चन है ठीक है तो ये क्या है बेटा ये ट्रैंकुलाइजर के एग्जाम्पल है जो मार्केट में अवेलेबल है ठीक है यूज नहीं करने ठीक है ये पागलों को दिए जाते हैं ठीक है जो हाइपर होते हैं उनको दिए जाते हैं कहां कहां यूज कर सकते हैं के केस में यूज कर सकते हैं सोमनिया का केस तो यूज कर सकते हैं साइजोफ्रीनिया साइजोफ्रीनिया नाम तुरंत याद आना चाहिए भूल भूलिया मन जोलिका विद्या बालन साइजोफ्रीनिया का केस तो इन सब केसों में या हाइपर एग्रेसिवनेस किसी को हो जाए तो उन केसों में आप इन ड्रग को यूज कर सकते हो इसका मैकेनिज्म क्या है भाई क्या करती है ये बेसिक तो मैंने बता दिया क्यों शांत कर देती है बस ब्रेन के अंदर इनहिबिटरी नीरो ट्रांसमिटर गावा के लेवल को बढ़ा देती है अगर गाबा का लेवल बढ़ गया ब्रेन में आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाओगे क्योंकि सारा खेल तो समझो एक्साइटेटरी वाले न्यूरो ट्रांसमीटर कर रहे थे उनको खत्म करके गाबा ने क्या कर दिया गाबा जानबीट्री न्यूरो ट्रांसमीटर तो ये क्या करते हैं ये इंक्रीज कर देते हैं जी ए बी ए गाबा इन ब्रेन गाबा इज एन इनिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर इस गावा के लेवल को ब्रेन में बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से आप एकदम शांत हो जाते हो ठीक है सो जाते हो एनेस्थेटिक हो जाते हो डिप्रेस की तरह काम करते हैं आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो ठीक है आपकी एग्रेसिवनेस को शांत कर देता है बस फिनिश ट्रैंकुलजर अब बात करते हैं किसकी ओपियोइड्स ओपियोड समझ में आ गया होगा अफीम ओपियम पोपी ठीक है तो ओपियोइड्स की बात करते हैं पहला नार्कोटिक्स नार्कोटिक्स समझते हो नार्कोटिक्स मतलब नशीले पदार्थ यानी इसको इंक्लूड किया गया नार्कोटिक्स नार्कोटिक्स की लिस्ट अलग बनती है ठीक है तो ओपियम पोपी या ठीक है मैं बात कर रहा हूं किसकी ओपियोइड्स ओपियोर्स आल्सो इंक्लूडेड इन नारकोटिक्स क्वेश्चन तो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन नार्कोटिक्स ठीक है ओपियोर्स इंक्लूडेड इन नारकोटिक्स नशीले पदार्थों में इंक्लूडेड होते हैं ठीक है ये भी सेडेटिव होते हैं डिप्रेजेंट होते हैं यानी कहीं ना कहीं रिलैक्स करने का काम करते हैं ये भी सेम उसी की तरह ठीक है हाँ, पर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये एनल होते हैं पेन किलर होते हैं सुपर नेचुरल पेन किलर ठीक है बहुत बेहतरीन तरीके से पेन पेन किलर का काम करते हैं और यू फोरियंट होते हैं एनसीआरटी में दे रखा यू फोरियंट का मतलब होता है सुखद एहसासदम प्लेजर ठीक है कह सकते हो तो प्ले कंडीशन एकदम बहुत अच्छा फील करना तो कहीं ना कहीं प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं यू फेरियंट यू यू फोरियंट का मतलब ही है एक बहुत अच्छा सा एहसास उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा नार्कोटिक्स में इंक्लूडेड किया है सेडेटिव है क्वेश्चन आएगा ऑफ द फॉलोइंग ठीक है एक्ट एज सेडेटिव तो ट्रेनकुलजर भी सेडेटिव की तरह काम करते हैं ओपीओ की भी भी तरह काम करते हैं पर खास बात क्या है यहां पे एनल होते हैं वो इनको स्लीपिंग ट्रक में इंक्लूड नहीं किया इनसे नींद नहीं आती तभी तो इनको यू बोला जबकि ट्रैंकुलजर से नींद आती है इसलिए उनको यूफ नहीं बोला ये ध्यान रखना चलो ठीक है बेसिक बात किससे आइसोलेट करते हैं इसको फिरम, जो क्या है ओपीएम पोपी भी बोलते हैं उसकी लेटेक्स या अनराइप फ्रूट से आइसोलेट करते हैं इसको इसमें कितने एल्कोलॉयड मिलते हैं टोटल ट्वेंटी एल्कोलॉयड होते हैं इसके एक्सट्रैक्ट में ठीक है मेन डेरिवेटिव कौन कौन से हैं इसके उसकी बात करता हूं देखो एक तो उसका स्ट्रक्चर नहीं भूलना बेटा इस पर क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन थोड़ा अपडेट हुआ है स्ट्रक्चर पुराना स्ट्रक्चर अलग था नया थोड़ा चेंज किया है इन्होंने ठीक है तो जहां पर आपको पेंटा हेक्सा रिंग देखने को मिल रही है ओपीएम पोपी का स्ट्रक्चर है स्पेशली मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है क्योंकि मेन डेरिवेटिव इसका मॉर्फिन है प्लांट दिखा रखा है ओपीएम पोपी इसका जो फ्रूट है इसका अन फ्रूट की बार्क से इस इसके एल्कोलॉइड को आइसोलेट करते हैं ठीक है थीके? या लेटेक्स भी बोल सकते हो उससे इसके एल्कोलॉयट को आइसोलेट करते हैं ठीक है इसके एल्कोलॉड्स के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं मेन एल्कुलॉड जो है मेन मेन डेरिवेटिव कौन है मेन तो इसमें मॉर्फिन ही होता है ठीक है मॉर्फिन जो एनाल्जेसिक होता है मैंने बताई दिया बेहतरीन एनलजेसिक पेनकिलर का काम करता है मॉर्फिन और इसके रिसेप्टर कहा होते हैं ब्रेन में भी होते हैं और गट में भी होते हैं मॉर्फिन के रिसेप्टर ब्रेन में भी होते हैं और गट में भी होते हैं अगर आप मॉर्फिन लेते हो ठीक है तो आपको ब्रेन में तो जो फीलिंग आई रही है पर आपकी गट में पेरेस्टाल स्लो हो जाती है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि इसके रिसेप्टर गट में भी होते हैं तो मॉर्फिन ध्यान रखना मॉर्फिन क्या ओपियम पोपी के सारे डेरिवेटिव इनके रिसेप्टर ब्रेन में भी होते हैं ठीक है इसके साथ साथ इसके रिसेप्टर गट में भी होते हैं ये सभी के सभी कॉन्स्टिपेशन को लीड करते हैं क्योंकि पेरेस्टालसिस को स्लो कर देते हैं ठीक है जब पेरेस्टालसिस स्लो हो जाएंगे गट के तो फिकलमीटर आगे नहीं बढ़ेगा वहीं पड़ेगा सड़ेगा कॉन्स्टिपेशन होगा ठीक है प्रॉब्लम आनी चालू हो जाएगी मॉर्फिन अगर मैं मॉर्फिन का ही क्या कर दूं मिथाइलेशन कर दूं इसी का डेरिवेटिव है मेन तो मॉर्फिन ही है मॉर्फिन का अगर मैं मिथाइलेशन कर दूंगा तो कोडीन बन जाएगी मेन ठीक है क्या कर दिया मैंने इसका मिथाइल methyl, मिथाइलेशन कर दिया तो मिथाइलेशन करने पर क्या हो गया मिथाइलेशन अगर मॉर्फिन का मैं मिथाइलेशन कर दूंगा तो क्या बन जाएगी कोडीन अगर मैं मॉर्फिन का क्या कर दूं मिथाइलेशन तो कोडीन बन जाएगी और कोडीन की बात करते हैं इसको मिथाइल मॉर्फिन बोलते हैं इसको कफ सिरप में यूज करते हैं खास बात इसका एडिक्शन में कोई रोल नहीं है इसको एडिक्ट देखा होगा आज के में कफ सीरप आते हैं उसमें कोडीन होती है ठीक है कोडीन समझ लेना मॉर्फिन का डेरिवेटिव है कई बार कई लोग तो कफ सीरप इसलिए पी जाते हैं क्योंकि कोडीन होती है कोई दिक्कत नहीं है कफ सीरप लेके आएंगे और पी जाएंगे क्योंकि तो उसमें कोडीन होती है ठीक है कोडीन से आपको एकदम मतलब समझ रहे ना फीलिंग वही सारी की सारी आएंगी पर अब ऐसे कफ सीरप जो तो कोडीन कंटेनिंग होते हैं उससे कहीं ना कहीं आपके ठीक है पेट को साफ होने में दिक्कत होती है क्योंकि पेरिस्टाल्टिक स्लो हो जाती है ये ध्यान रखना ठीक है तो मॉर्फिन का डेरिवेटिव होता है कोडिन पर कोडिन को गवर्नमेंट ने परमिशन दी है कंपनीज को कफ सिरप में यूज करने के लिए क्योंकि तो कोडिन बहुत बढ़िया ब्रॉन्ड को डायलेटर का भी काम करता है ठीक है एडिक्टिव नहीं होता इसलिए आप यूज कर सकते हो कफ सिरप के अंदर ठीक है बनता कैसे है मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दोगे कोडिन बन जाएगा और मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर दोगे डाई एसिटाइल मॉर्फिन उसको हम बोलते हैं हेरोइन बहुत महंगी होती है ठीक है हेरोइन बोला हीरोइन नहीं ठीक है क्या कर दू मैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन यानी इसका एसिटाइलेशन कर दूंगा अगर मॉर्फिन का तो हेरोइन बन जाएगी ठीक है जो बहुत कॉस्टली होती है और जब हेरोइन बनती है तो जो है, product, उसका जो बाई प्रोडक्ट बचता है क्रूड बाई प्रोडक्ट उसी का प्रोसेस करके बनाते हैं उसको बोलते हैं स्मैक या ब्राउन शुगर भी बोलते हैं उसको स्मैक भी बोल सकते हो ब्राउन शुगर भी बोल सकते हो ये भी हेरोइन से ही बनता है ठीक है भाई मॉर्फिन मेन है उसका मिथाइलेशन कर दोगे कोडीन बन गई एसिटाइलेशन कर दोगे डाइएसिटाइल मॉर्फिन बन गई यानी हेरोइन हेरोइन और हैरौएन का जो क्रूड होता है इसको प्रोसेस करते हैं तो उसको हम ब्राउन शुगर या स्मैक बोलते हैं जो वाइट क्रिस्टल होते हैं बिटर होती ऑर्डर लेस होती है ठीक है किससे बनती है हेरोइन से बनती है ब्राउन शुगर भी बोलते हैं कैसे लेते हैं बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन ये क्वेश्चन आता है स्नॉटिंग समझते हो कैसे लेते हैं इतनी स्ट्रांग होती है अगर आपने खा खाली ना मर जाओगे ठीक है तो एक ही तरीका है ठीक है पेपर के बत्तियां बनाते हैं पेपर की बत्ती ठीक है या कोई पतला सा एक रिफिल जैसा पाइप तो उसमें रखते हैं और नाक में लगा करके इसको ठीक है स्नोटिंग करते हैं स्नोटिंग समझ रहे ना सूंघना एक तरीके से तो उसके थ्रू लेते हैं सोचो इतना खतरनाक होता है उसके थ्रू जाते ही सीधा ब्रेन पर इफेक्ट करता है समझ रहे ना मेरी बात सोचो उससे तो कितना स्ट्रांग होगा अगर आपने थोड़ा सा भी माउथ में रख लिया तो मर जाएंगे लोग ठीक है इतना खतरनाक होता है इतना स्ट्रांग होता है तो ध्यान रखना हेरा सोचो स्मैग इतना स्ट्रांग है तो हेरोइन कितना खतरनाक होगा क्योंकि हेरोइन का ही तो बाई प्रोडक्ट है ये ठीक है तो हेरोइन तो बहुत महंगी होती है कंप्लीट भी स्मैक तो ये चारों के चारों क्या है ओपीएम पोपी ओपीएम पोपी का जो मेन एल्कोलाइड है वो मॉर्फिन है मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दोगे कोडीन एसिटाइलेशन करोगे हेरोइन और हेरॉइन का बाई प्रोडक्ट क्या हो गया स्मैक

बस बचना इन चीजों से जितना बच सकते हो बहुत डेंजरस है ठीक है अब बात करते हैं तो दो दो बातें क्लियर हो गई हमारी पहली बात क्या है, क्लियर हो गई हमारी ठीक है कि ट्रैंकुलजर्स क्या होते हैं दूसरी बात क्लियर हो गई ओपीएम पोपी क्या है ठीक है अफीम क्या है कैसे निकालते हैं कहां से लेते हैं क्या चीज यूज करते हैं अब तीसरी बात इसके अंदर आती है क्या स्ट्यूबलैंड अगर मैं स्ट्यूबलैंड की बात करता हूं तो यहां पढ़ाऊंगा आपको कोकेन टोबैको और एम्फेटामिन ये तीन आपके सिलेबस में ठीक है कोकेन नाम समझ में आ गया होगा एनर्जी ड्रिंक मैं बोल चुका हूं एनर्जी ड्रिंक मत भूल जाना कोकेन ही होती है उसमें इनडायरेक्टली ठीक है इसको कोक भी बोलते हैं इसको क्रैक भी बोलते हैं इसको कोकेन भी बोलते हैं ठीक है कहां से आइसोलेट करते हैं कोका प्लांट क्या बोलते हैं इस कोका प्लांट को एरेथ्रोजाइलम कोका कहां का नेटिव है साउथ अमेरिका कहां मिलता है साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका का नेटिव है ठीक है एरेथ्रोजायलम कोका से आइसोलेट करते हैं ठीक है कोकेन भी बोलते हो क्रैक भी बोल सकते हो ठीक है कोक भी बोल सकते हो बात समझ में आ गई होगी से क्वेश्चन बनेगा कैसे लेते हैं, Again, snorting. Again, snorting लेते हैं? बनाया, नाक में लगाया क्या महंगा होते हुए ठीक है प्लेजर वाली कंडीशन क्रिएट होना और एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है हाँ अगर आपने कोकेन को थोड़ा एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया तो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट भी दिखा देता है क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है ऐसा कौन सा स्टूमिलेंट है और एक्सेस अमाउंट में लिया जाए तो वो साइको डेलेक् की तरह बिहेव करता है तो आप समझ गए कोकेन ठीक है तो कोकेन का तो बेसिक समझ में आया कहां से आइसोलेट करते हैं किस तरीके से लेते हैं यू फोरियंट एनर्जी लेवल बढ़ाता है एक्सेस अमाउंट में लेने पर हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाता है इसको कोक भी बोलते हैं क्रैक भी बोलते हैं एकदम क्लियर होगा कोकेन ठीक है एनर्जी ड्रिंक की बात कर रहा हूं इसी की बात कर रहा हूं मैं क्या करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है स्ट्यूमुलेट करता है क्या करके अब देखो ये आपका सनेप्स है प्री सेनेप्टिक नोव पोस्ट पोस्टनेप्टिक नोव ठीक है ये सेनेप्टिक लफ्ट हो गया सेनेप्टिक लफ्ट बीच में यहां पर ढेर सारे प्रोटीन्स होते हैं ठीक है मान लो यहां डोपामाइन रिलीज हुआ यहां से रिलीज हुआ डोपामाइन डोपामाइन रिसेप्टर से बाइंड करेगा और जो भी मैकेनिज्म होगी आपको स्टूमुलेट करना है क्योंकि वैसे भी इनिमिट्री हार्मोन है पर कई जगह स्टूमुलेशन का भी काम करता है ठीक है डोपामाइन ही एक ऐसा है जो दोनों में हेल्प करता है पर आफ्टर सम टाइम क्या करेगा ये इसको ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को कहां पहुंचा देंगे अंदर वापस अंदर ठीक है यहां से गायब हो जाएगा रिलैक्स हो जाएगा इंसान ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ट्रांसोटर प्रोटीन यानी जब तक डोपामाइन सेनेटिक लफ्ट में है तब तक तो आपको यू फोरिएट मजा आएगा पर जब वापस अंदर चला गया तो आपका मजा खत्म हो जाएगा पर अगर आपने कोकेन ले ली अगर आपने कोकेन ले ली तो आपका मजा मेंटेन रहेगा कैसे रहेगा देखो ये कोकेन क्या काम करेगी यू को, कोकेन है इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को क्या कर देगी ब्लॉक कर देगी कोकेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक कर देगी तो ये वापस नहीं जाएगा सेनेटिक लेफ्ट में मेंटेन रहेगा और सेनेटिक लेफ्ट मेंटेन रहेगा तो आपको अच्छी सी फीलिंग आती रहेगी आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात पर जब आपने कोकीन लेना स्टार्ट कर दी और आप एडिक्ट हो गए तो अच्छी सी फीलिंग फिर तभी आएगी जब आप कोकेन लोगे और कोकेन नहीं लोगे तो कभी भी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए ठीक है और फिर कोकेन लोगे तो धीरे धीरे एडिक्शन होगा डिपेंडेंसी होगी फिर सिम्टम होंगे और मौत निश्चित है ये दूसरा पहलू भी इसका, एडिक्षयन, डिपेंडेंसी, एडिक्षयन, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, जुड़े हुए हैं हर किसी से तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फैक्ट करती है इंटरफेरेंस विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेरेंस करती है ठीक है जो इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक करके डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट को होने से ब्लॉक कर देता है जिससे डोपामाइन में मेंटेन रहता है और आपको अच्छा एहसास एनर्जेटिक फील करते रहते हो सोचो ये डोपामाइन की वजह से तो भूल भुलैया में मंजोल का ठीक है उसने पलंग उठा लिया था ये डोपामाइन आपसे कुछ भी करा सकता है अगर आपने नेचुरली डोपामाइन ने रिलीज कर, करवा लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो दुनिया में ठीक है कुछ भी कर सकते हो नथिंग इम्पॉसिबल अगर आपने डोपामाइन को एक्टिवेट कर लिया सिंपैथाटो को एक्टिवेट कर लिया और अगर अगर आपने इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट कर लिया इस दुनिया में ऐसी कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है आप नहीं कर सकते हो जो दुनिया के टॉप लोग होते हैं वो इन्हीं ग्लैंड को एक्टिवेट कर पाते हैं नेचुरली ड्रग से नहीं नेचुरली ठीक है जिसने ड्रग से किया उसके लिए मौत निश्चित है जिसने नेचुरली किया वो दुनिया की टॉप लेवल पर जाएगा अब कैसे करना है ठीक है तो हां इतना मैं एक हिंट देता हूं ठीक है कि जो लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं उनका मूड अच्छा रहता है वो अच्छी फीलिंग करते हैं थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं क्योंकि एक्सरसाइज भी कुछ ऐसे नहीं बहुत ज्यादा वो तो फिर बेकार कर देगी कुछ अमाउंट में एक्सरसाइज आपके ब्रेन के अंदर डोपामाइन के लेवल को बढ़ाती है इसके अलावा अच्छी फीलिंग ठीक है आपका अपने टारगेट के लिए सीरियस होना जो ऑटोमेटिकली डोपामाइन के लेवल को बढ़ाता है कि आप कितना सीरियस हो अपने टारगेट के लिए ठीक है चलो केन वाली बात क्लियर होगी अब टोबैको भाई टोबैको तो बड़ी खतरनाक है जो आज की डेट में केस बढ़ते ही जा रहे हैं कैंसर के माउथ कैंसर गट कैंसर टोबैको की वजह से ठीक है ये एक निकोटीन इसमें निकोटिन होती है जो एक एल्कोलॉड है निकोटिन एल्कोलॉयड टोबैको में प्रेजेंट होता है लेने का तरीका क्या है भाई स्मोकिंग के थ्रू लेते हैं लोग चबाते भी हैं स्नफ भी करते हैं स्नफ समझते हो स्नफिंग पाउच आते हैं ठीक है पाउच के थ्रू आप उसको ले रहे हो ठीक है या कह सकते हो हुक्का ठीक है वो भी स्नफिंग में आता है ठीक है लेने का तरीका जो है स्नफिंग ठीक है इस तरीके से भी ले सकते हैं यह क्या करती है ग्लैंड को स्टूमुलेट करती है अगर आपने टुबैको खाई ठीक है एक सही किस्सा है बहुत सही किस्सा है कि मेरे घर पर मैं बच्चों को बताता भी हूं गल्ला मंडी गल्ला मंडी ना गेहूं तो मैं छोटा था तब तो मुझे याद है कि गेहूं की मंडी से ठीक है हम लोग गेहूं मंगाते थे बोरे ठीक है तो एक बार हम गेहूं की मंडी से बोल के आए कि भाई गेहूं बेच देना पांच बोरे ठीक है तो ठीक है वो लेके आया और हमने कहा साथ में कुछ ऐसे भी लोग भेजना जो फर्स्ट फ्लोर पर उसको चढ़ा पाए ऊपर ऊंचाई पर ठीक है तो नीचे नहीं रखे जाएंगे ऊपर रखे जाएंगे तो वहाँ से एक छोटा सा बच्चा लगभग दुबला पतला बच्चा एक तांगा गाड़ी के अंदर गेहूँ को लेकर के आया ठीक है मैंने कहा और लोग कहा है क्योंकि ये एक एक कुंटल की बोरी ऊपर जाएंगे ठीक है तो ना इशारा किया हो जाएगा ठीक है मैं चढ़ा दूंगा भाई ये तो मर जाएगा दब जाएगा इसके नीचे उसने मुझसे कुछ घुटके के पाउच मंगाए जिसने मैं नहीं समझता था उसने कहा ये ले आओ तो भाई ठीक है पड़ा उसकी दुकान से ला करके दे दिए उसको हमने ठीक है उसने वो पाउच खोले तब ना नहीं पता था पाउच खोले उसने मुंह में दो तीन पाउच डाल लिए उसने और पाउच डाल करके उसने एक कमर पे गमछा बांधा और एक गर्दन में कुछ पहना उसने वो एक कुंटल की बोरी ऊपर पहुँचा दिए मैं भाई बचपन था तो नहीं समझ पाया यार पाउच में क्या था असल क्यूरिसिटी इस पाउच में क्या था इसने खाया और सुपरमैन बन गया इसने उठा करके ऊपर चढ़ा दिया उसको ठीक है उस समय नहीं समझ में आया फिर जब मैं बड़ा हुआ तो जो लोग खाते थे ये पाउच मजदूर या वो लोग तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों खाते हो उन्होंने कहा कि साहब जब खाना नहीं मिलता और बेरोजगारी मतलब काम लेबर बहुत ज्यादा करने पड़ती है एनर्जी कहां से आएगी इन पाउच को खाने से एनर्जी आ जाती है और हम काम कर पाते हैं तब दो रोटी कमा पाते हैं तब घर का पालन पोषण हो पाता है मैं भी शौक हो गया मैं सही बात कह रहा है वो ठीक है तो मजबूरी में खा रहा है पर स्टार्टिंग में मजबूरी में खाया बाद में वो एडिक्ट हो गया एडिक्ट का मतलब एडिक्शन यानी उस पर डिपेंडेंसी हो गई अगर नहीं खाएगा तो मर जाएगा वो ठीक है इसी को बोलते हैं फिर बाद में क्यों कैंसर हो जाते हैं मतलब ये कहीं ना कहीं मजबूरी का भी कारण है पर टीनेजर्स को या तुम्हारी एज के बच्चों को ये चीज ले रहे हो ये बहुत गलत है ये बहुत गलत है ठीक है वो एक मजबूरी थी वो मैंने सुना ठीक है मैं खुद शौक था कि हाँ वो इस वजह से उसने किया बहुत सारे केस भी सुने मैंने बहुत सारी स्टडी भी देखी मैंने कि हाँ कुछ लोग इस वजह से भी लेते हैं पर ठीक है आप समझ रहे हो ना अलर्ट कर रहा हूं इज अ डेंजरस बहुत डेंजरस ठीक है अगर आप किसी भी फॉर्म में टोबैको लेते हो सिगरेट की फॉर्म में बीड़ी की फॉर्म में तंबाकू की फॉर्म में हुक्के की फॉर्म में ठीक है ये सब किसको स्टमुलेट करते हैं ग्लैंड को और एड्रनलिन कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं एड्रिनल एडिन और एड्रलिन ठीक है और नॉर एड्र हॉर्मोन करते क्या है ये आपको होना चाहिए एड्रेनलिन और हार्मोन हॉर्मोन इमरजेंसी में निकलते हैं ठीक है यानी ये आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं इंक्रीज इंक्रीज आपके ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं इसके अलावा और क्या काम करते हैं इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज ब्रीथिंग रेट एटसेट्रा यानी इमरजेंसी में आपकी बॉडी में जो जो चेंजेस होते हैं वो सब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि यार सिगरेट पी रहे हैं यार एनर्जी आती है गुटखा खा रहे हैं एनर्जी आती है एनर्जी नहीं आती आज आप सिगरेट पी रहे हो तो कल आप एक पी रहे हो तो कल आप फिर दो पियोगे फिर तीन पियोगे लेकिन उतनी एनर्जी लाने के लिए आपको क्वांटिटी बढ़ाने पड़ेगी क्योंकि आपके रिसेप्टर सेचूरेट होते जाएंगे और धीरे धीरे आप उस पर डिपेंड हो जाओगे क्योंकि आप एडिक्ट हो जाओगे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी वो लीड करती है कैंसर और डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर मौत निश्चित है आप समझ रहे हो ना मेरी बात तो टोबैको का मतलब कंसर समझ में आया टोबैको क्या करती है मैकेनिज्म समझ में आ गया ये माउथ कैंसर को लीड करती है अगर आप स्मोकिंग की फॉर्म में लेते हो तो आपके ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देगी और लंग कैंसर कर देगी और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो आपकी हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी आपको शीमिया हो जाएगा इसीमिया लीड करता है किसको एंजाइना एंजाइना लीड करता है किसको मायोकार्डियल इन्फॉक्शन पहले हार्ट फेल्योर हार्ट फेल्योर इन्फॉक्शन इन्फॉक्शन मतलब हार्ट अटैक और अटैक लीड करता है कार्डियक अरेस्ट खेल खत्म समझ में आ गया होगा सब चीजें कितनी डेंजरस हैं, ठीक है एम्फिटामिन, इनको सुपरमैन ड्रग बोलते हैं ये अक्सर कर एथलीट्स अक्सर कर इसको लेते हैं आपने कहानी भी सुनी होगी रशिया वाली भाई रशिया ने सबसे पहले यूज किया था डिस्कवरी पर भी आई है अपनी इंडिया में भी एक मूवी बना दी गई है इसके ऊपर ठीक है कि किस तरीके से रशिया ने इंडिया में जो मूवी बनी है उसमें इंडियन साइंटिस्ट को इन्वॉल्व कर दिया इन्होंने पर रियलिटी में मुझे लगता नहीं है इंडियन साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व था उन्होंने दिखाया कि इंडियन साइंटिस्ट ने एक ड्रग बनाई रशियन कंपनी को उस ड्रग को बेचा उसी रशियन कंपनी में काम करता था तो उन लोगों ने अपने एथलीट्स को मिल्क की फॉर्म में उस ड्रग को दिया ठीक है मिल्क की फॉर्म में लेने से वो हाईपर सुपर होते गए उनकी परफॉर्मेंस बढ़ती गई वर्क कैपेसिटी बढ़ती गई उनकी ठीक है ठीक है तो नो डाउट वो गोल्ड मेडल पर गोल्ड मेडल जीतते गए जो पहले कभी नहीं जीते थे उन्होंने ठीक है पर वो बीमार पड़ने लगे ठीक है बाद में आकर के तो कहीं इसका खुलासा ना हो जाए तो सारे मेडल छिन जाएंगे तो इसलिए उन सारे एथलीट्स को इकट्ठा किया गया और कुछ ना कुछ एक उनको मतलब कुछ एक, एक कह सकते हो कुछ एक उनको एक गिफ्ट देने के चक्कर में उनको कहीं भेजा गया कि आपको वहां जा रहा ये किया जा रहा है ठीक है सारे एथलीट्स को इकट्ठा करके तो किसी गलती से दो या तीन एथलीट्स उस प्लेन में नहीं बैठ पाए थे उस प्लेन को क्रैश करा करके कर उनको मार दिया गया ठीक है क्योंकि वो सबको पता था कि इन ट्रक का साइड इफेक्ट क्या है बेदर्द दर्दनाक मौत ठीक है क्योंकि आप समझ रहे हो ना मेरी बात पर वो तीन एथलीट्स बच गए थे जो बहुत गंदी मौत से मारे गए बाद में ठीक है पर उसको आइडेंटिफाई कर पाए कुछ जर्नलिस्ट थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से क्या उनकी मतलब पूरी कहानी है मूवी सबने देखी होगी तो समझ गए होंगे कि ये ड्रग कितनी डेंजरस होती है पर करती क्या है ये ड्रग ये एम्फेटामिन जहाँ समझना इसको डोप टेस्ट में इंक्लूड किया है जो अक्सर कर खिलाड़ी अक्सर कर जो हमारे स्पोर्ट्समैन है वो यूज़ करते थे ठीक है इंडिया के हों या अदर कंट्री के हों मैक्सिमम लोगों ने इसको यूज़ किया है ठीक है तो ये डेंजरस है डोप टेस्ट में इंक्लूडेड है ठीक है सुपरमैन ड्रग बोलते हैं एंटी स्लिप एंटी स्लीप एंटी हंगर ड्रग बोलते हैं इसको लेने से ना नींद ना नींद भी नहीं आती और आपको भूख भी नहीं लगती ठीक है क्योंकि तो ये क्या काम करती है एक तो ब्रेन के अंदर डोपामाइन के लेवल को बढ़ा देती है और आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है जिसकी वजह से आप कुछ भी कर सकते हो सिंथेटिक ड्रग है सुपरमैन ड्रग बोलते हैं एंटी स्लीप ड्रग बोलते हैं इंड्यूस इंक्लूड इन डोप टेस्ट डोप टेस्ट में इसको इंक्लूड किया गया है देखा होगा डोप टेस्ट करते हैं एथलीट्स के या जितने भी ठीक है स्पोर्ट्स मैंस होते हैं उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कहीं है, ऐसा नहीं एम्फिटामिन आपकी आपने ले रखी हो तो ये बेसिक कंसेप्ट है ठीक है समझ में आ गए होंगे एम्फिटामिन तक के स्ट्यूमलेंट्स तक के ठीक है अब बात करते हैं कैनाबिनोइट्स हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट तो हेलोसुलजेनिक इफेक्ट में कैनाबिनॉइड्स आते हैं जो हैलुसिनोजेनिक होते हैं पहली बात इनके रिसेप्टर कहाँ पर लगे होते हैं ब्रेन में होते हैं तभी तो हेलोसुल इफेक्ट आते हैं से आइसोलेट करते हैं कैनाबे सटावा भांग भांग का जो प्लांट होता है उसको बोलते हैं इसी के डेरिवेटिव हैं अगर आपने कैनाबेवा की ग्रीन ग्रीन लीव्स यूज करी और गोले बनाए तो भांग के गोले बन जाएंगे उसको भांग बोलते हैं अगर आप भांग क्या है इसकी ग्रीन लीव्स यूज कर रहे हो फ्रेश लीव्स यूज कर रहे हो तो भांग है अगर आपने मैरी जुआना बहुत कॉस्टली होता है उसके जो ड्राई फ्लावर को ड्राई करते हैं ड्राई करके उससे एक एक्टिव इंग्रेडिएंट आइसोलेट करते हैं डेल्टाइन डेल्टा एस टीएससी बोलते हैं डेल्टा नाइन टी एस इसकी ये खतरनाक हेल्यूशन होता है ये एक फ्लोवर से आइसोलेट करते हैं ठीक है फ्लावर से ठीक है गांजा क्या होता है अगर आप इसकी फीमेल इनफ्लोरिसेंस को निकालो उस फ्लावर की फीमेल इनफ्लोरिसेंस को उससे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट निकलते हैं उनसे क्या बनता है गांजा चरस क्या है बेटा चरस आप इस प्लांट की अगर रेजिन निकालोगे उससे चरस बनती है उस चरस को ही अरबियन कंट्रीज में हशीश बोलते हैं हशीश ठीक है हशीश चरस का ही नाम है ठीक है ये ध्यान रखना तो सब कुछ किससे बन रहा है कैनाबिनोट से मैरिज आना ठीक है उसके फ्लावर का ड्राई करके उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट ठीक है डेल्टा नाइन टीएससी टेटराइड्रोकेट बन गया मैरिज जुआ, मैरिज वाना ठीक है भांग की बात करता हूँ ग्रीन लीव सबको पता है गांजा की बात करता हूं ठीक है फीमेल इनफ्लोरीसेंस और अगर चरस की बात करते हैं ठीक है तो मैंने बताया चरस क्या है रेजिन उसी को अरेबियन कंट्रीज में हशीश बोलते हैं तो ये कैनाबेनोट्स की बात समझ में आ गई होगी सारे वो पॉइंट्स हैं डायरेक्टली क्वेश्चन आता है अब पे क्वेश्चन आएगा तो यहां पर पेंटा और हैगजा रिंग नहीं दिख रही इसे भी एक हैग्जा रिंग दिख रही है आपको एक सिंगल हैग्जा रिंग दिख रही है आपको साउंड आ रही होगी सिंगल हैग्जा रिंग दिख रही है आपको आप समझ पाओगे सिंगल हैग्जा रिंग के बेस पर ठीक है सिंगल हैग्जा रिंग के बेस पर बेटा ये बताओ कि विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी प्रॉपर है विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी प्रॉपर है ओके 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 चलो ठीक है तो स्ट्रक्चर समझना होगा आपको दो ही स्ट्रक्चर बताए एक मॉर्फिन का बताया इसमें पेंटा हेग्जारिंग बहुत सारे हैं एक मैंने कैनामीनोट्स का बताया है ठीक है जिसमें सिर्फ एक हैगज रिंग है और स्टेट चेन है लीव्स आप पहचान ही जाओगे सबको पता होती है इसके अलावा जो तो होगी हमारा क्या ठीक है एक पार्ट सेकंड पार्ट इसमें क्या दे रखा है मैं फोर एग्जांपल बताने सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं इसमें लेसरजिक एसिड ठीक है एल एस डी बहुत स्ट्रॉन्ग हेलिस्जेनिक होता है ठीक है इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक फॉर्म होती है इसकी क्योंकि इसको बनाया जाता है सिंथेटिक है कहां से ऑप्टेन करते हैं इसको इसको अर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस फंगस का नाम रखना क्लाइविस पर प्यूरा

धतूरा ठीक है शिवजी पर इसके इसका जो फ्रूट्स है वो शिवजी पर भी चढ़ाते हैं इसके फ्लावर को भी चढ़ाते हैं शिवजी के ऊपर तो उसका जो जो पार्ट होता है जो फ्रूट्स का उसके सीड होते हैं कुछ लोग क्या करते हैं उसके सीड को ड्राई करते हैं ड्राई करके कुछ उसमें इंट्रैक्शन करते हैं कुछ चीज़ों का देसी चीज़ों का फिर उनके ड्राई पाउडर को वो यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में फ्यूम्स की फॉर्म में और खतरनाक हेल्यू के इफेक्ट दिखाते हैं वो भी ठीक है तो एक वो भी है क्योंकि ये खतरनाक हेल्यू के में काउंट होता है धतूरा ठीक है हाईली पॉइजनस भी होता है ध्यान रखना ठीक है इसके अलावा एक एनसीआरटी नाम और दे रखा है एट्रोपा ठीक है बेलाडोना एट्रोपा बेलाडोना भी एक प्लांट है ठीक है उस पर भी मतलब स्ट्रॉबेरी जैसे मान लो या ठीक है फ्रूट्स लगते हैं उसको भी लोग यूज करते हैं सुपर तरीके से हेल्लू सो जेनिक इफेक्ट नाम रखो सफिशियंट है तो ये चारों के चारों बेटा क्या हो गए हेल्लू इफेक्ट दिखाने वाले ठीक है कहना भी सटाइवा समझ में आ गया आपको ठीक है ये तीनों समझ में आ गए आपको यहां तक कोई डाउट अब दोनों क्लियर हो गए एक स्ट्यूमुलेंट भी क्लियर हो गए ठीक है ट्रैंकुलाइजर भी क्लियर हो गए उससे भी पहले और ऊपर पहुंचो साइकोट्रॉपिक भी क्लियर हो गए और साइकेडिलिक भी क्लियर हो गए साइकोट्रॉपिक में ट्रैंकुलाइजर ठीक है ओप्य और स्ट्यूमलेंट्स हमने पढ़े थे साइकेड के अंदर ठीक है कैनावे सेटावा हमने पढ़ा ठीक है इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा कैनावेटा सेटावा के अलावा हमने यहां पर ठीक है धतूरा पढ़ा हमने यहां पर ठीक है एट्रोफा पढ़ा और हमने एक और क्या एल ठीक है एल एस डी के बारे में क्लियर हो गया हमारा धतूरा हमारा क्लियर हो गया और एट्रोफा हमारा क्लियर हो गया ये चार हमारे यहां क्लियर हो गए तो मुझे लगता नहीं कोई डाउट आना चाहिए अब यहां तक कोई डाउट है नहीं मजा आया ड्रग में नहीं आया ये बताओ पहले तो मुझे मुझे रिस्पॉन्स चाहिए तभी मैं आगे लास्ट फिनिश कर रहा हूं उसका फिनिश है लास्ट में ड्रग में मजा आया या नहीं आया अरे रिस्पॉन्स दो ड्रग में मजा आया या नहीं आया ओके 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 तो रिस्पांस दो देखो तो रिस्पांस देने में भी कंजूसी करते हो तो सोचो अगर हम बिना खाए एनर्जी लेवल कम नहीं होने दे रहे ठीक है और आप रिस्पांस देने में भी एनर्जी लेवल कम करोगे तो कैसे काम चलेगा वाह अब मुझे भी लग रहा है कि हां ये मजा आया ठीक है बहुत सही ठीक है बहुत बढ़िया और आएगा भी ठीक है हर लेक्चर में लेके आएंगे और बेहतरीन तरीके से लेके आएंगे और हर बार अगर एक लेक्चर को हर बार कई बार भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी डिफरेंट वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे ठीक है पर अब लास्ट पर हम आ रहे हैं सिंपल है एडोलसेंस ड्रग एल्कोअल एब्यूज ये हर बच्चे के लिए है एडोलसेंस यानी आपकी जो उम्र है वही ठीक है, बारह चौदह से लेकर के अठारह के बीच वाली उम्र जो होती है बारह साल से लेके अठारह साल के बीच की जो उम्र होती है उसको एडोल बोलते हैं सबसे ज्यादा क्यूरियसिटी इसी उम्र में होती है सबसे ज्यादा गलतियां इसी उम्र में होती हैं, ठीक है और इसी उम्र में ड्रग और एल्कोहल एब्यूज की लत लगती है अगर आप 18-19 साल तक की उम्र को निकाल गए सही सलामत ठीक है तो फिर चांस बहुत कम है ठीक है आपको इन गंदी लतों के पढ़ने का तो बस कैसे भी करके ठीक है जितने भी बुरे लोग भी आपके आसपास में होंगे ठीक है कैसे भी करके उन सबसे बचते हुए इस उम्र को निकालो ठीक है क्योंकि ये वो उम्र है ठीक है जहां पर कोई बारह से अठारह साल वाली ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है क्योंकि क्यूरियसिटी बहुत ज्यादा होती है यानी कह सकते हो चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच की ये उम्र है जिसके अंदर ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं ठीक है नेक्स्ट एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी एक ही लाइन में बोलता हूं एडिक्शन क्या है आज एक दोस्त ने कहा कि यार एक पैक है ले ले अरे नहीं नहीं मैं पीता नहीं हूं मैं पीता नहीं हूं अब एक ही तो है ले ले अरे नहीं नहीं यार पीता नहीं हूं पीता ही नहीं हूं तो मेरी कसम एक पैक तो पीना पड़ेगा भाई एक घूट पीने में कहते तो दोस्त की कसम दोस्त मर जाएगा एक एक पैक यार सही बात है दोस्त कह रहा है ठीक है लाओ एक घुट पी लेता हूँ ठीक है दो घुट पी लेता हूँ ठीक है आज पी लिया दो घूट अगले दोस्त आया ठीक है अब अरे नहीं नहीं पीता नहीं हो वह तूने कल पी थी ना कल पी थी अब मना क्यों कर रहा है अब चल पी फिर अब पिएगा क्योंकि तो दोस्त को लत लगवानी है उसको ठीक है क्योंकि आज दोस्त खर्च करेगा तो कल उसको भी तो खर्च करवाना है यही यही सिस्टम होता है ठीक है तो तभी तो कम्युनिटी बनती है जब एक कम्युनिटी बनती है कम्युनिटी बनाने के लिए एक को अगर लत होती है तो वो सबको लत लगवाएगा ठीक है फिर एक कम्युनिटी बनेगी तब फिर वो चीजें खर्चे होंगे तो वो कही कहीं ना कहीं से लोग पैसे अरेंज करेंगे कुछ भी करेंगे जुआ खेलेंगे जो भी करेंगे ठीक है डकैती डालेंगे और वो चीज आएगी और धीरे धीरे समझ रहे हो सब बर्बाद हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा जब वो एक पैक से दो पैक पर आएगा तो उसके रिसेप्टर सेचूरेट हो जाएंगे फिर दो पैक से उसको मजा नहीं आएगा उसको तीन पैक पीने पड़ेंगे फिर बोतल पीने पड़ेगी फिर बोतल से मजा नहीं आएगा उसको दो बोतल पीने पड़ेंगी उस मजे के लिए तो धीरे धीरे बॉडी क्या होती जा रही है उसके रिसेप्टर सेचूरेट होते जा रहे हैं बॉडी एडिक्ट होती जा रही है अब एडिक्शन पता करना है एडिक्शन हुआ या नहीं हुआ एक दिन वो मिलेगी नहीं आप तड़पोगे जैसे लोग चाय के एडिक्टेड होते हैं ठीक है चाय नहीं मिलती तो हैडिक हो रहा है अगर चाय ना मिलने पर आपको सिर दर्द हो रहा है समझ लो आपको चाय का एडिक्शन हो गया ठीक है वो चीज नहीं मिल रही है और आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके ना मिलने की वजह से आप समझ जाओ आप उसके एडिक्ट हो गए आपको एडिक्शन हो गया तो बस इन ड्रग्स का भी कुछ ऐसा ही एडिक्शन होता है जब वो ड्रग्स नहीं मिलते तो धीरे धीरे आप समझ रहे हो आप एक अजीब से सिम्टम दिखाते हो उसको विड्रॉल सिम्टम बोलते है। आप हैं आप सारा हम अलग कर देंगे उन ड्रग्स को नहीं देंगे विड्रॉल कर देंगे तो आपको अजीब अजीब सिम्टम आएंगे ठीक है आप पगले जैसी हरकतें करोगे ठीक है इसको विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं ठीक है समझना क्योंकि आपकी बॉडी सेचुरेट होती जा रही है ठीक है विद रिस्पेक्ट टू यूज ड्रग ठीक है टॉलरेंस लेवल रिसेप्टर धीरे धीरे क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे क्या होता जाएगा रिसेप्टर रिस्पॉन्स ओनली टू हाई डोज ऑफ ड्रग और एल्कोहल लीडिंग टू ग्रेट इंटेक इंटेक एंड एडिक्शन तो समझ लो कि आप एडिक्ट होते जा रहे हो ठीक है जनरल बातें हैं सारी की सारी इसकी वजह से क्या होगा जब आप एडिक्ट हो जाओगे तो आप डिपेंडेंसी हो जाएगी आप डिपेंडेंसी का मतलब है आप उस पर डिपेंड हो जाओगे जब आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे और एक दिन में आपको देते नहीं है तो आप विड्रॉल सिम्टम ना मिलने पर आपके अजीब अजीब से सिंड्रोम होने चालू हो जाएंगे ठीक है इनको विदड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं ठीक है जैसे आपको एंजाइटी हो जाएगी ठीक है सेकिकनेस हो जाएगी हाथ पर हिलने चालू हो जाएंगे नाउसी होना चालू हो जाएगा स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी ये विड्रॉल ठीक है सिंड्रोम है वो होने चालू हो जाएंगे समझ जो आप एडिक्ट हो चुके हो आप उस ड्रग के एल्कोहल के एडिक्शन हो चुका है ठीक है आप डिपेंडेंसी आ चुकी है तभी विड्रॉल सिम्टम आ रहे हैं आपको आप समझ गए इस पर क्वेश्चन आता है एक को आता है लिवर कायरोसिस अगर आप एल्कोहल ज्यादा लेते हो तो एल्कोहल की वजह से डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स तो होते ही हैं ठीक है भाई स्टेबिलिटी भी होती है पहले इनफर्टिलिटी होती है ठीक है इसके अलावा बहुत सारी ठीक है मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो भी सब होती हैं साथ साथ में भाई एल्कोअल आपके लिवर में जाता है लिवर में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और एल्डिहाइड को इंड्यूस करता है 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 का मतलब डिपोजिशन ऑफ फैट जिससे आपका लिवर फैटी फैटी हो जाता है। भी फैटी हो जाता बॉडी भी जाती अभी मैंने कहा भी था कि अगर दुबले पतले हो और आपका दोस्त आपसे कहे कि यार पिया कर पिएगा तो थोड़ा सा तंदुरुस्त हो जाएगा नो डाउट थोड़ी सी बॉडी में फैट चढ़ेगा क्यों क्योंकि एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ठीक है और एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो एल्डिहाइड एडिपोजेनेसिस को इंड्यूस करता है ठीक है पर पहले आपका लिवर फैटी होगा और लिवर हमारे बॉडी का सबसे मेन और है, समझो अगर वो फैटी हो गया तो समझ गए खेल खत्म ठीक है। तो की, की सब, सब है। तो बोलते हैं चलो एक बात क्लियर है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मुझे बताने की जरूरत नहीं है सबको पता है भाई अवॉइड करो कोई प्री प्रेशर आपसे यार तेरी कसम मेरी कसम आज एक अवॉइड करो भाई ठीक है एजुकेशन एंड काउंसलिंग वो मैं कर ही रहा हूँ भाई आपको एजुकेशन भी दे रहा हूँ काउंसलिंग भी कर रहा हूँ कि भाई नहीं लेनी है ड्रग के जो अच्छे अच्छे सिम्टम दिख रहे हैं आपको उसके पीछे की भयानक तस्वीर भी दिखाई है मैंने मौत निश्चित है ठीक है सिकिंग हेल्प फ्रॉम भाई पेरेंट्स या कोई इसका अगर शिकार है तो पेरेंट्स हो या प्लीज हो उनको हेल्प करनी चाहिए आपको ध्यान रखना चाहिए उन लोगों का

ठीक है तो इस चैप्टर की मैं एंडिंग करता हूं पूरा पार्ट कवर हो गया हमारा मैंने एच आई भी बहुत ढंग से करा दिया कैंसर बहुत बेहतरीन तरीके से कराया है इम्यूनोलॉजी बहुत बेहतरीन तरीके से कराई है ठीक है अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की है बहुत बेहतर से बेहतरीन ठीक है अगर आगे भी बायोटेक में भी ऐसा चाहते हो ठीक है तो रिस्पॉन्स देना ठीक है क्या किस तरीके से चाहते हो आगे उसी तरीके से बायोटेक भी लेके चलेंगे ठीक है वो भी बेहतर तरीके से लेकर चलेंगे वो से नौ क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर तो उसको भी बेहतर तरीके से कराना है तो आपके बस इतना ही चाहूंगा कि हर लेक्चर के बाद ठीक है अपने रिस्पॉन्स जरूर दिया करो जितने भी बच्चे लेक्चर देखते हैं तो वो रिस्पॉन्स जरूर दें अच्छा दें बुरा दें रिस्पॉन्स दें उससे तो पता तो चलता है कि एक्चुअल में किस डायरेक्शन में हमारी गाड़ी चल रही है ठीक है सही चल रही है बुरी चल रही है आगे करना है नहीं करना क्या करना है हमारी जनरेशन मतलब एक जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छे बच्चों का रिस्पॉन्स देना ठीक है थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से कोई भी चीज नहीं छोड़ी सिंगल शॉट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को जितना बेहतर कराया जा सकता था उतना बेहतर कराया थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट